Hello friend, this is the class for the GET NET NGSI, and this class is the marathon class for the paleontology. In this single class I will cover the entire syllabus of the paleontology. Is class ko karne ke baad kahin aur jaane ki zarurat nahi hai, bas pura paleontology ka syllabus isi mein cover ho jayega. Before starting this course, if you are new on my YouTube channel, please like, share and subscribe. And without wasting the time, I am starting this course. Okay, let's start. First, it is a paleontology. Paleo means older or ancient. Ontology means study of life. And fossil, letting anything dug up. It's a direct or indirect relationship to the organism present by the natural process of prehistoric nature. Prehistoric nature मतलब है कि हर एक को हम fossil नहीं कह सकते हैं. It must be before the 10,000 year. अगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की बात करें तो that is not a fossil. These are archaeological remains. और conditions इसकी कुछ हैं जो बाद में consider करेंगे, जैसे इसका permeabilization होता है, petrification होता है, इस चीज होता है. लेकिन इसमें एक चीज की पीएच का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि नॉर्मली पीएच पैलियोन्टोलॉजी में क्या होता है, अल्कलाइन जो होता है जो मोर देन 7.8 होता है, एसिडिक इसमें तब कंसीडर करते हैं जब ये लेस देन 7.8 होता है. इसमें एक टर्म और आता है सीसीडी का. सीसीडी टर्म ये होता है कि यहाँ पर रेट ऑफ सप्लाई ऑफ द कैल्सियम कार्बोनेट रेट ऑफ डिजोल्यूशन ऑफ द कैल्सियम कार्बोनेट एट अ सर्टेन डेप्थ ऑफ द ओशन मस्ट बी इन ग्रेटर देन द रेट ऑफ द सप्लाई ऑफ द कैल्सियम कार्बोनेट. इट्स मीन दैट बिलो द सीसीडी कैल्सियम कार्बोनेट डेप्थ दैट इज द सीसीडी वे विल नॉट गेट एनी पार्टिकल्स ऑफ द कार्बोनेट और कैल्सियम. दैट्स अ पॉइंट इज कॉल्ड द सीसीडी. वी विल स्टडी अबाउट दिस इन अ डिटेल वे इन फॉर द स्लाइड. नेक्स्ट इज फोटिक जोन. क्या होता है? देर आर थ्री टाइप्स ऑफ द जोन इन द इन साइड सब सर्फेस ऑफ द ओशन. द फर्स्ट इज द फोटिक जोन वेर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हैज टेकन प्लेस. एंड सेकेंड इज द ए फोटिक जोन वेर द ओनली ब्लू रे एंड रेड ब्लू रे एंड ग्रीन रे आर कमिंग एंड स्मॉल विजिबिलिटी हैज टेकन प्लेस and photosynthesis process has not taken place. It's called the aphotic zone. A diphotic zone means completely dark. CO2 or pH में एक relation होता है. CO2 अगर ज्यादा है तो pH कम होगा, pH ज्यादा है तो CO2 कम होगा, क्योंकि इसका जो नेगेटिव हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन होता है log of the temperature जो होता है and pH, ये भी एक relation, इसको आगे भी पढ़ेंगे देखेंगे. तो फिर इसमें आते हैं कि पेरेटोलॉजी आखिर क्या होता है. टाइप्स नेचुरल ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है, ये दो तरह का होता है, एक एनिमल होता है, एक प्लांट होता है. साइज ऑफ फॉसिल होता है, एक मेगा होता है, इसमें माइक्रो फॉसिल में एंटर करते हैं. मेगा फॉसिल ये होता है कि विजिबल विद द नेकेड आई, और माइक्रो फॉसिल नॉन विजिबल विद द नेकेड आई. इट मस्ट बी एडेड आई दैट इज द माइक्रोस्कोप. अब इसका क्या नाम है, माइक्रोस्कोपिक फॉसिल जो होते हैं कैल्केरियस होते हैं, फोरामिनिफेरस सिलिशियस रेगुलर होते हैं, फॉस्फेटिक कोनोडोन्स होते हैं, चिटिनियस सब फॉसिल होते हैं, प्लांट फॉसिल भी इसमें माइक्रो फॉसिल आते हैं कुछ. और इसमें अगर मेगा फॉसिल की बात करें तो इनवर्टिब्रेट आते हैं, वर्टिब्रेट आते हैं, प्लांट फॉसिल आते हैं. प्लांट फॉसिल नैनो प्लांटॉन्स, कैल्केरियस कंपोजिशन, डायटर्म्स, एल्गी सिलिसियस कंपोजिशन होते हैं, सिलिकोफ्लैगलेट सिलिसियस कंपोजिशन, ये सब हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे. लेकिन अभी बस जस्ट एज ए इंट्रोडक्शन आई विल डिलीवर दिस लेक्चर फॉर इन्फॉर्मेशन. उसके बाद पॉलेंस ग्रेन्स होते हैं, इसमें पॉलेंस स्पोर्स भी होते हैं जो माइक्रोफॉसिल जो प्लांट होते हैं. और माइक्रोफॉसिल विथ अनसर्टेन अफिनिटी ऑस्ट्रोकोड्स कोनोडोन्स एंड डिस्कोटर्स होते हैं. मोड ऑफ प्रिजर्वेशन की बात करें तो अगर दो तरह से प्रिजर्वेशन होता है, फॉसिल ऑफ द सॉफ्ट पॉट्स, उसका सॉफ्ट पॉट ही फॉसिल कहते हैं, मैमोस एंड राइनोसोरस ऑफ साइबेरिया प्लेस्टोसीन एज. फॉसिल ऑफ हार्ड पार्ट दो तरह का होता है, अनअल्टर्ड एंड अल्टर्ड. अल्टर्ड की बात करें लीचिंग एंड डिसोल्यूशन होता है, सेकंड इनफिलिंग एंड मटेरियल्स होता है. अनअल्टर्ड ओरिजिनल कंपोजिशन रिमेन्स अनचेंज होता है. ओरिजिनल कंपोजिशन होता है कैल्केरियस सिलिसियस चिटिनियस फॉस्फेटिक बार कोलस प्लांट फॉसिल होता है. पेट्रीफिकेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें सभी इसके जो वो होते हैं कि मतलब कि एलिमेंट्स होते हैं वो निकल गए
और ये सिलिसियस या किसी उससे कर रहे पेट्रीफाइड अगर रॉक टाइप में बन गया, दैट इज अ पेट्रीफिकेशन। कार्बोनाइजेशन में कार्बन एलिमेंट रह गया, बाकी सारे एलिमेंट जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन सब निकल गए, तो कार्बोनाइजेशन हो गया। तो कोल जो है इसी प्रोसेस से बनता है। इसके बाद आइसोकेमिकल अल्ट्रेशन होता है, इनडायरेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉसिल मोल्ड एंड कास्ट होता है, कास्ट द इनफिलिंग ऑफ द फॉरन मटेरियल्स होता है। ट्रेस फॉसिल ये होता है कि इज ए ट्रेस फॉसिल एंड एक्नो फॉसिल एक तरह का जो एनिमल्स क्रिएचर का जो एक लोकोमोशन साइन वही फॉसिल बन जाता है। तो इसकी जो एक्टिविटीज जैसे बरो बोरिंग ट्रेस ट्रेल्स फीडिंग ट्रेस कॉप्रोलाइट्स, कॉप्रोलाइट्स होता है एस्केटिक एस्केटरी मटेरियल्स ऑफ द हायर वर्टिब्रेट्स होता है, गैस्ट्रोलिथ भी होता है एक्सेट्री मटेरियल इन वर्टिब्रेट आल्सो नोन एज द फेसल पैलेट्स होता है इनवर्टिब्रेट का। रिपिसिना क्रॉलिंग इंप्रेशन रिपिसिना रेस्टिंग, और एक चीज और ये पोजिशन स्केप स्ट्रक्चर एक्सेप्ट होता है, जब होता है क्या कि फॉसिल जो होता है वो अपने आप को निकालने की कोशिश करता है बाहर, तो उसमें एक तरह का ऐसे फॉसिल है यहाँ बर्ड हो गया है, और ये फिर जब ऊपर की तरफ निकलेगा तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन जाता है, यही फॉसिल बन जाता है। तो इस चीज को बोलते हैं फोगी चेना। अब दो तरह के फॉसिल होते हैं, इंसिटू और डिराइव फॉसिल। इंसिटू फॉसिल होते हैं लाइफ असेंबलेस, डिराइव फॉसिल डेड असेंबलेस होते हैं। इसी का एक नाम है बायोकोसेनस है, और इसी का एक नाम है थैटोसेनस है, और ये इंडिजीनियस होते हैं एक्सोजन रिमेन होते हैं। होता क्या कि फॉसिल यहाँ पे डेड हो गए असेंबलेस, और ये आकर कहीं और जाकर के डिपॉजिट होकर के फॉसिल बन गए, तो ये तुम्हारा डिराइव फॉसिल है। इसी का दूसरा नाम है थैटोसेनस है। इंसिटू फॉसिल को ही बायोसेनस कहते हैं, यहीं पे बना यहीं पे मरा यहीं पे बरीड हुआ यहीं पे फॉसिल बन गया, तो जहां का था वहीं का रह के बन गया, तो दैट इज बायोकोनेसिस होता है। और फिर कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसमें इसका नाम है टैक्सोनॉमिक ग्रुपिंग ऑफ द बेसिस ऑफ द सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी इन द मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर। फाइलोजेनी होता है क्लेडिज्म ग्रुपिंग ऑन द बेसिस ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ रिलेशनशिप। फॉनेटिक एंड टेफोमॉर्फिक होता है जब ऑर्गेनिज्म मर्ज एनिमल या कोई प्लांट स्पीसीज जो होती है डेड हो जाती है, तो उसके फॉसिल बनने तक में जो उसकी जो चेंजेस होते हैं उसी को टेफोमेट्री कहते हैं, दैट इज द पोस्टमार्टम हिस्ट्री ऑफ द फ्रॉम डेड टू द इट्स फॉसिलाइजेशन। तो इसमें जो टैक्सोनॉमी होता है ग्रुपिंग ऑन द बेसिस ऑफ द सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर, और फाइलोजेनी है ग्रुपिंग ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, और इसके टैक्सोन में जो बोले और इट इज ए सेट ऑफ द लार्ज ऑर्गेनिज्म। तो इसमें सबसे बड़ा किंगडम होता है, फिर फाइलम होता है, फिर क्लास होता है, फिर ऑर्डर होता है, फिर फैमिली होता है, फिर जीनस होता है, फिर स्पीसीज होता है। कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज होता है बायोलॉजिकल स्पीसीज होता है प्लेंटोलॉजिकल स्पीसीज। प्लेंटोलॉजिकल स्पीसीज में प्रॉब्लम यह हुआ कि होमो कंपोजिशन हुआ होमोमॉर्फिज्म हुआ, तो टू ऑफ द डिफरेंट स्पीसीज सो ए सिमिलर एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, एटोमॉर्फिज्म टू सिमिलर स्पीसीज आर शोइंग ए डिफरेंट मॉर्फोलॉजी। ये फिर प्रोटोटाइप इसमें कुछ इस तरीके के टर्मिनोलॉजी, इसको डिटेल में पढ़ेंगे लेकिन अभी थोड़ा सा सिर्फ फॉर नॉलेज के लिए ये इस तरीके से इसमें पढ़ रहे हैं। मार्फो स्पीसीज में अगर देखें तो हाइपोटाइप होता है, टोपोटाइप, प्लेस्टोटाइप एंड प्लेस्टोटाइप होती है। टाइप ऑफ स्पीसीज होती है प्रोटोटाइप प्राइमरी है, हाइपोटाइप प्राइमरी होता है। इस तरीके स्पीसीज क्या होती है, स्पीसीज जो फंडामेंटल है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, और लार्जेस्ट होता है किंगडम होता है। अब जैसे कि टेफोनॉमी के बारे में पढ़े थे कि टेफोनॉमी इज द स्टडी ऑफ द हाउ ऑर्गेनिक रिमेन्स पास द बायोस्फीयर टू द लिथोस्फीयर, एंड दिस इंक्लूड्स द प्रोसेस ऑफ अफेक्टिंग रिमेन्स फॉर द टाइम ऑफ डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और डिस्कार्ड थ्रू डिकम्पोजिशन बरियल एंड प्रिजर्वेशन एंड मिनरलाइज फॉसिल और अदर स्टेबिलिटी। वही चीज हुआ कि यहाँ पे कोई है एनिमल्स या प्लांट वो डेथ हो गई उसकी, फिर वो उसके डेथ से लेकर के उसके फॉसिल बनने तक जो उसमें चेंजेस हुए, that changes from biosphere to the lithosphere, that changes are called taxonomy. Taxonomy is the science of naming, describing, and classifying the organism and includes all plants and animals. So, this means similarity or dissimilarity, jo iske morphological features hote hain, taxonomy kehte hain. Phylogeny, the history of the evolution of a species or group, especially in the reference in lines of descent, relationship among the broad groups of the organism hota hai. फाइलोजेनी का इस तरीके से देख सकते हैं कि ग्रुपिंग ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इसमें होता है। टैक्सोनॉमी का जो क्लास को डिवाइड किया, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। स्पीसीज सबसे छोटा होता है, किंगडम सबसे बड़ा होता है।
पीछे देख ही चुके हैं, यही मेन चीज सेम है। अगर ऑर्गेनिक वर्ल्ड की बात करें तो किंगडम को डिवाइड किया गया फाइव वर्ल्ड में। मोनेरा जो यूनिसेलुलर विथ प्रोकैरियोटिक सेल्स होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी के, प्रोटिस्टा होता है यूनिसेलुलर विथ यूकैरियोटिक सेल होता है। प्लांटे जो होते हैं हायर नॉन मोबाइल प्लांट्स होते हैं, और ये फंगी जो होते हैं ऑर्गेनिज्म विदाउट क्लोरोफिल मल्टीसेलुलर होते हैं। एनिमिलिया इनवर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट होता है। और अगर इसकी बात करें कि टेबुलर ये है पहला टेबुलर में, अगर किसी की टेबुलर रिप्रेजेंटेशन अगर कुछ खोलेंगे जैसे कि दो लाइन लिख दो भाई प्रोटोजोआ राष्ट्रीय प्रोटोकल, तो डायग्नोसिस फीचर का प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर हार्ट पार्ट ऑफ कैलकेरियस होता है ये। अगर इसी तरह ब्रासिपोडा के बारे में लिखना था, अनसिग्निफिकेंट ट्रायलोब्लास्टिक कोलेमेट है, ग्रेड विथ ओलिगोमेरस बॉडी प्लान एंड लोकोफर इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द ब्रासिपोडा। बायलेटरल सिमेट्रीज में होती है ये, क्लोजली मैरिन होता है, अडोबिसिन टू रिसेंट इसका एज है। मास एनिमल लिंगोला होता है, लिंगोला एक तरह लिविंग फॉसिल है। लिविंग फॉसिल का कंसेप्ट यह है कि जब कोई फॉसिल स्पीसीज बन गया या फिर कोई एनिमल, तो उसका जो लिविंग एनिमल है उसके में प्रेजेंट में और उसके फॉसिलाइजेशन में कोई वोलेशनरी चेंजेस नहीं हुआ है, तो वहां पे उसको कहते हैं लिविंग फॉसिल। तो लिंगोला का फॉसिल भी मिलता है और ये आज के डेट में अलाइव भी है। तो इसका जो फॉसिल्स है प्रोडक्टर्स है स्पेरिफर्स है लिंगोला, ये सब चीजें हैं। अब इसके बाद टर्मिनोलॉजी कुछ है इसको बिफोर स्टार्टिंग द पैलेंटोलॉजी, इट मस्ट बी ऑल ऑफ एवरी स्टूडेंट मस्ट बी शुड नो अबाउट दिस। स्केलेटन इज एंडो मतलब कि अंदर का, एक्सो मतलब बाहर का होता है, सेल ब्रासिपोड्स को सेल कहते हैं और मोलस्कस को सेल कहते हैं। टेस्ट जो है एक्रोडर्मेटा फोरामिनिफेरा है। बाल्ब ओपनिंग होता है, हिंज लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट एट पोस्टेरियर मार्जिन, लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट एट इंटीरियर मार्जिन, दैट इज कमीसर बोलते हैं। टेफोनोमी बता ही चुके हैं, पोस्टमार्टम होता है, हिस्ट्री होता है। टेक्सोनॉमी होती है ऑर्गेनिक क्लासिफिकेशन ऑफ द लार्ज ऑर्गेनिक क्लासिफिकेशन ऑफ। ऑन्टोजेनी होती है जो एक तरह का इवोल्यूशनरी चेंजेस उसमें दिखाता है। फाइलोजेनी भी उसी तरीके का है। एंटीरियर इसको ऐसे समझेंगे कि ऐसे कुत्ता का एक फिगर है, ये जिसका मुंह साइड है एंटीरियर और जिसका एनस साइड है पोस्टीरियर, पीट साइड डोर्सल और पीट साइड वेंट्रल। तो इसमें जो सेप्टम और सेप्टा जिसको होते हैं, जब अंदर के एनिमल के अंदर के चैम्बर जब एक दूसरे को टच करते हैं तो वहां पे सेप्टम या सेप्टा बनता है। सूचर लाइन जो होती है, जब वॉल जो होती है चैम्बर की जो ऊपर उसको कट करता है वहां पे, तो वो सरफेस पे एक तरह का सूचर लाइन होती है, प्रेशर उसको शो करता है। इसके भी आगे बढ़े इकोलॉजी, जैसे कि मैं जिस इकोलॉजी रहता हूँ, मैं जहाँ रह रहा हूँ वहाँ बायोस्फीयर से मेरा क्या कनेक्शन है वो इकोलॉजी का हैबिटेट, यहाँ पे रह रहा हूँ जो भी मतलब अगल बगल के अरण लोग, जैसे मेरा कुत्ते के साथ या बिल्ली के साथ क्या हैबिटेट मतलब जो मैं रह रहा हूँ। मैरिन मतलब कि ओशन होता है, टेरेस्ट्रियल मतलब कि अर्थ पे जो है। इनफॉर्मल कोई एनिमल या क्रीचर जमीन में खोद करके रह रहा है तो उसे इनफॉर्मल, अगर उसके सरफेस पे रह रहा है तो फॉर्मल। सेजाइल मतलब कि जमीन पे है और चिपक के है, बेगारी मतलब जमीन पे है और चल रहा है। वेंथोस मतलब कि बॉटम डोलर से वहां से, प्लांटोस मतलब कि ओशन के सरफेस पे है और जहां पानी बह रहा है उसी के साथ बह रहा है। नेक्ट्रॉन मतलब कि पानी बह रहा है लेकिन वो उसके उसके अगेंस्ट भी बह सकता है, दैट इज ए फ्री स्विमर्स जिसे बोलते हैं, एक्टिव स्विमर्स जिसे बोलते हैं। तो अगर मैं बगैर से साइन, जैसे हम लोग बगैर से साइन है जमीन पे है चिपक के और चल रहे हैं। सीलिया मतलब कि जैसे बालों लोग जाते हैं, जैसे कि ट्रायलोबाइट है उसे बहुत ठंडा लग रहा है, वो क्या करेगा अपने बचाने को बाल निकालेगा, इसके बाद भी नहीं बचे बाल के बाद भी नहीं ठंड गई तो मर ही जाएगा, जैसे मर गया परमियन से आगे बढ़ ही नहीं पाएगा एंड परमियन। इन्वायरमेंट है फ्लावर्ड है स्वैम्पी इन्वायरमेंट, ब्रैकेट कोरल होता है, स्पेलम होता है ओपन अंडरग्राउंड स्पेस से डिमास्ट्रेशन फ्लावर अंडरग्राउंड वाटर होता है। ग्रेड होता है, ग्रेड डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑफ कंस्ट्रक्शन होता है, बॉडी प्लान एंड एनाटोमिकल वेरिएशन विद ग्रेड होता है। ग्रेड डिफाइन ऑन द बेसिस ऑफ आइदर ओरिजिनल पोजिशन ऑफ कॉलोनियल कैविटी होता है। ग्रेड यूनिसेलुलर ग्रेड प्रोटिस्टा होता है, मल्टीसेलुलर प्रिमेटिव एंड एडवांस होता है, पोलिफर मेटाजोआ जिसमें कि दो तरह का इसमें ग्रेड का डिफिनेशन ये ग्रेड डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द आइदर ऑर्गेनिज्म पोजिशन ऑफ कॉलोनी और ये कैविटी। ग्रेड्स दो तरह का, यूनिसेलुलर ग्रेड को प्रोटिस्टा कहते हैं याद रखना, मल्टीसेलुलर दो तरह का था प्रिमेटिव एंड एडवांस। अब प्रिमेटिव जो होते हैं पोलिफर्स होता है और एडवांस में मेटाजोआ होता है प्रोटोजोआ।
और इसकी एक और है कि डिप्लोब्लास्टिक जो है ये इसमें एक सिंडारिया होता है। ट्राइक्लोब्लास्टिक में तीन तरह का होता है, एक कोलोमेट होता है, कोलोमेट होता है, सूर्योकोलोमेट होता है, ये सब क्या आगे पढ़ेंगे। कोलेम जो होता है एक तरह कैविटी होता है, फ्लैट वॉल होता है। और अगर कोलोमेट की बात करें, एमेरोस, मेटामेरोस एंड सूडोमेटेरस, ओलिगोमेटेरस, इस तरह से होता है, जैसे कॉलोनी टाइप बना के रहता है। अब कुछ ये टर्मोलॉजी जैसे फौना जो होता है क्या कहते हैं, नेचुरल असेंबल्स एनिमल्स, फ्लोरा नेचुरल, प्लांट बायोटा, नेचुरल असेंबल्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल टुगेदर, बायोकोनाइसिस जो होता है, असेंबल्स ऑफ बायोटा इन देयर ओरिजिनल प्लेस इन सीटू, थैनेटोसोनस जो बोले थे कि डायरेक्ट फॉसिल होता है, स्पेलिंग याद रखना THANOTOCOENOI, असेंबल्स ऑफ बायोटा इन अदर प्लेसेस रेदर देन इन सीटू, दैट इज डिराइव फॉसिल। बायोकोनाइसिस जो होता है, असेंबल्स ऑफ बायोटा इन देयर ओरिजिनल प्लेस, बायोटा प्लेस विच इज इनहेबिटेड बाई बायोटा, तो विच इज इनहेबिटेड बाई बायोटा, बायोटा का तो क्या होगा, सबसे लार्ज बायोस्फीयर होगा। बायोम लार्जर टेरिटरी, बायोम जो है लार्जर टेरिटरी डिफाइंड बाय द बायोटॉप, इसका जो है बायोम का जो होगा लार्जर टेरिटरी, क्या बायोस्फीयर होगा, क्योंकि उसमें सबसे बड़ा हम ही लोग रहते हैं और सब कुछ रहता है। स्टेनोट्रॉपिक एडॉप्ट नैरो एनवायरमेंट, यूरोट्रॉपिक एडॉप्ट वाइड रेंज एनवायरमेंट, कार्निवोरस मीट ईटर होता है, स्केवेंजर होता है, ओनली डेड ऑर्गेनिज्म होता है, इसके पेरोफाइटस डिपेंड ऑन द डेड प्लांट एंड एनिमल होता है। पैलेंटोलॉजी क्लासिफिकेशन प्लांट किंगडम होता है बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ द अब्सेंस ऑफ द फ्लावर। क्रिप्टोगैम्स होता है नॉन फ्लावरिंग लोअर ग्रुप्स ऑफ द प्लांट विदाउट रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स, क्रिप्टोग्राम्स होता है नॉन फ्लावरिंग पार्ट ऑफ लोअर ग्रुप ऑफ द प्लांट विदाउट रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स। फाइटोग्राम्स होता है फ्लोरिंग हायर ग्रुप्स ऑफ द प्लांट विद फ्लावर होता है। तो क्रिप्टोजोम्स जिसमें फूल नहीं होते हैं, और फैनोजोगैम्स जो होते हैं जिसमें फूल होते हैं। तो क्रिप्टोगैमिया में जो अगर जिसमें फूल नहीं होते, इसमें जैसे थैलेटोफाइट है, फिर कैम्बियोट्रेशन होते हैं, दो डिस्टिंक्ट रूट एंड स्टेम से, इसमें जो इसमें रूट और उसमें नहीं होता, जनरली है थैलेटोफाइट ब्लासोप्टेरस के रूट उसके बाद ही बना था थैलेटोफाइट, डिक्रोडियम में इसका था। एल्गी क्लोरोफिल बियरिंग कोरा डायटम्स होता है, फंगी विदाउट क्लोरोफिल एल्गीसियल ब्रायोफाइटा प्री कैम्ब्रियन प्रेजेंट होता है, इन लीफ स्टिलम डिफरेंशिएटेड बट नो रूट्स। पटेटो फाइटा द डिस्टिंक्ट रूट स्टेम्स एंड लीफ एंड इंटरनल कंडक्टिंग टिश्यू नॉट फ्लावर, सीरोफाइटम्स, ये सब भी आगे पढ़ेंगे इसको। फाइनोजेमिया जो जिसमें फाइनोग्राम जो होता है फ्लोरिंग पार्ट होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स पे, एंजियोस्पर्म्स पे, जिम्नोस्पर्म्स पे क्या है कि जो है कोल बना था, मेरे से जो एक एज का था इसको जो कोल में करूँगा, एंजियोस्पर्म्स पे जो और भी आगे हैं इसको हम अच्छे देखें। कैल्शियम कार्बोनेट डेप्थ, ये क्या होता है कि एट द ओशन सर्फेस एट द डेप्थ वेयर द डिसोल्यूशन ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट इज मोर देन द सप्लाई ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट, दैट इज कॉल्ड द कार्बन कंपोजिशन, और यहाँ पे रेट इक्वल हो जाता है सप्लाई और डिसोल्यूशन का, उसे लाइसोक्राइन बोलते हैं, ये लोअर टिश्यू में ही मिलता है, ये अफेक्ट करता है इसके बाद के डिफरेंट डिफरेंट उससे। तो पैलेटोलॉजी का इसमें पढ़ते हैं कि क्या है, अब पैलेटोलॉजी के पढ़ते हैं, जिससे माइक्रो पैलेटोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें माइक्रो पैलेटोलॉजी पढ़ने से पहले किंगडम, जैसे कि फाइलम किंगडम के बारे में, जो किंगडम के बारे में बताए थे, जो टैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन का सबसे बिगेस्ट क्लासिफिकेशन है, तो उसमें जो किंगडम मोनेरा है, जो पांच तरह का था, किंगडम मोनेरा में जो ब्लू ग्रीन एल्गी आता है, ये जिसमें यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर सेल विथ प्रोकैरियोटिक होता है, किंगडम प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर विथ यूकैरियोटिक होता है, जिसमें डायनोफ्लेव डायटम्स कोकोलिथ्स रेडुला फोरामिस्फेरा, किंगडम प्लांटम स्पोर्स एंड पॉलन आता है, किंगडम एनिमेलियम ऑस्ट्रकॉर्ड्स एंड कोनोनोड्स, ये माइक्रोफॉसिल्स की बात हो रही है। और माइक्रोफॉसिल्स की डिफिनेशन की बात करें, अदर टर्म माइक्रोफॉसिल्स माइट सीम्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, थिंग्स आर नॉट एज ए सिंपल एंड इज नॉट ए बायोलॉजिकल टर्म, एंड एनिमल एंड प्लांट रिमेन्स ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिज्म कैन बी ग्रुप टुगेदर एज ए माइक्रोफॉसिल, इतना बड़ा क्या जा रहा है, जो माइक्रोफॉसिल वो है जो लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है भाई, कहीं मिले हैं और 2000 साल पहले से, और आंख से नहीं देख पा रहे हो, माइक्रोस्कोप से देखोगे।
पहला डैन ऑफ फ्लैगलेट्स है, सिलोरियन टोरेशंस है, इसकी एज है. तो दीज आर द बॉर्डर लाइन क्रीचर्स विद द बोथ प्लांट एंड एनिमल कैरेक्टरिस्टिक. दे सीम्स टू हैव ओरिजिनेट इन द पैलियोजोइक, ऑल्दोस पॉसिबली दे आर इवन ओल्डर एंड दे आर स्टिल विद अस टूडे. डैन ऑफ फ्लैगलेट्स आर वाइडली यूज इन मेसोजोइक एंड सेनोजोइक रॉक्स, बट दे आर यूजफुल इन एनवायरमेंटल एनालिसिस होता है. डायटम जो होता है क्रिटेशियस टू रिसेंट्स, इसकी एज है. डायटम्स आर नॉन मोटाइल यूनिसेल्स विद फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स एंड सिलिसिफाइड सेल वॉल. दे डेट फ्रॉम द क्रिटेशियस, ये भी प्रोटिस्टा का है, किंगडम प्रोटिस्टा का है, और मोनेरा का एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है. पॉसिबली जुरासिक, ऑकर इन मेनी एनवायरमेंट एंड आर स्टिल लिविंग. दे आर कंट्रीब्यूट टू द सेडिमेंट्स ऑफ द डीप सी एंड मे फ्रॉम ए लिथोलॉजी नोन एज द डायटोमाइट. डायटम्स कैन बी फाउंड नॉट ओनली ऑन इन द सी बट इन ए फ्रेश वाटर द सॉइल एंड इवन ऑन द लीव्स ऑफ द प्लांट्स. इन ओशन हाउएवर दे स्टैंड एट द बॉटम ऑफ द मेरी फूड चेन्स एंड आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स इन द मैरीन इकोसिस्टम. लाइक डैनोफ्लैगलेट्स दे आर प्रिजर्व इन द फोटिक जोन एंड बींग ऑफ सिलिका दे आर प्रिजर्व इन द सेडिमेंट्स ऑफ द डीप सी सी वेयर कैल्साइट वुड गो इन टू द सोल्यूशन अंडर द हाई प्रेशर. डायटोमाइट हाउएवर मे ऑल्सो फॉर्म इन द लेक. डायटम्स आर यूज स्टैटिग्राफिकली इन द क्रिटेशियस इंटरसेरी फॉर बोथ डीप सी एंड फ्रेश वाटर सेडिमेंट्स. कोकोलिथ्स जो है अपर ट्रैसिक टू रिसेंट्स है. कोकोलिथ्स आर कैलकुलियस आर एक्सट्रीमली स्मॉल 3 to 15 micrometer. दिस इज ए यूनिसेलुलर फोटोसिंथेटिक प्रोटेस्ट विच लीव्स मोस्टली इन द ट्रॉपिकल सीज. बींग कैलकुलियस दे टेंड नॉट टू ऑकर इन द डीप ओशन डिपॉजिट बट इन द सैलोर वाटर दे कैन क्रिएट ए ह्यूज मास ऑफ द सेडिमेंट एंड हैव डन सो सिंस देयर ओरिजिन एट द एंड ऑफ द ट्रैसिक. द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ वार्म एंड कोकोलिथ्स पॉपुलेशन मे इवन अलाउ देयर यूज इन द पैलियो एनवायरमेंट एनालिसिस. रेडियोलेरा जो है मिडिल कैम्ब्रियन टू रिसेंट है. द रेडियोलेरा प्रोड्यूस डेलिकेट सिलिशियस एंडो स्केलेटन्स विच एवरेज 100 to 2000 micrometer इन डायमीटर. दे आर यूनिसेलुलर मैरीन एंड यूजफुल बोथ स्टार्टिग्राफिक एंड एनवायरमेंटली. रेडियोलेरा एक्यूमुलेट इन डीप ओशन टूगेदर विथ डायटम्स एंड सर्टन फोरमिनिफेरा. They are therefore of great use in helping to support the notation of sea floor spreading. It is used as a stratigraphic marker. Radiolaria जो होता है इसमें तो radiolaria की एज जो थी मिडिल कैम्ब्रियन टू रिसेंट होती है. और ये जो होता है विद टाइटन्स डीप ओशन टुगेदर विद टाइटन्स एंड सर्टन फोरमिनिफेरा से भी रह सकता है. They are therefore great using the helping to support the notion of the sea floor spreading. It is used in a stratigraphic marker. The foraminifera precambrian to recent hota hai. Foraminifera construct cell known as testic. It is either made of the organic material lectin or a particles stuck together agglutinated of calcium carbonate. There are two generation called cyzoont and gamete. The cyzoont is deployed and it can multiply asexually. The majority of the foraminifera are benthic and these large forms are dominant in the self-sea sediments where they may even be the major rock former. Example, the nummulitic limestone. Characteristics of the much Eocene sedimentation in Europe and the Mediterranean of the Middle East. So, benthic foraminifera सबसे ज़्यादा plantic foraminifera है और इसका एक famous example nummulitic limestone कहते हैं much Eocene एज का जो सेडिमेंटेशन है यूरोप में इसका मिला है. अब इसके एज वाइज अगर रेंज देख रहे माइक्रोफाइसल का तो बेंथिक फोरामिनिफेरा कैम्ब्रियन से तो अब तक मिल रहा है. प्लांटिक फोरामिनिफेरा ये जुरासिक एज से स्टार्ट हुआ था. इसमें मतलब कि क्रिटेशियस अगर बात करें लेट क्रिटेशियस में ये हो सकता है ये इसमें स्टार्ट हुआ और लेट अर्ली ये है. और इसके बाद अगर इसके बात करें क्या नाम है कैलकेरियस नैनो प्लांकटन का ये भी ऑटोविशियन से शुरू कर अब तक रिसेंट चला. ऑस्ट्रोकॉड जो है ये पेनिसिलिन या लोअर परमियन से लेकर अब तक चला है. कोनोडोंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कोनोडोंट फॉस्फेटिक फॉसिल है और ये जो है कैम्ब्रियन से लेकर ये जुरासिक एज तक चला था यानी मेसोजोइक के ट्रैसिक एज उसके आसपास तक चला. चिटोनो जो है अभी बहुत इंपॉर्टेंट है ये ऑटोविशियन से लेकर के यहीं तक आ गया भाई मिडिल टिबोनियन तक गया. डैनोफ्लैगलेट्स जो सिलिशियस फॉसिल है ये इसका सेल जो सिलिशियस जैसे है और ये प्लांट और एनिमल दोनों के बीच का है. तो ये जो अभी कैम्ब्रियन से लेके अब तक चला. पोलेन जो है आपका सिलोरियन से चला.
ड्रिल एरिया जो है कैम्ब्रियन से लेके अब तक चला। डायटम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी जुरासिक से लेके मेसोजोइक में अब तक रिसेंटली मिल रहा है। तो फोरामिना फेरा जो होता है, तो टू ग्रुप्स ऑफ फोरामिना, बेंथिक फोरामिना इन द बॉटम ड्वेलर्स एंड दे लिव्स अलॉन्ग विद द बेंथिक ऑफ द ओशन फ्लोर सेडिमेंट। प्रांटिक फोरामिना लिव इन द अपर जोन ऑफ द ओशन, दे आर फाउंड ओनली इन द ओपन ओशन, व्हेन दे डाई दे सेटल एट द बॉटम ऑफ द ओशन। सेल स्ट्रक्चर की बात करें तो द टेस्ट ऑफ द फोरामिना आर कंपोज ऑफ टू डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल, ए वन काइंड ऑफ सिक्रेटेड ऑर्गेनिज्म, द अदर कंसिस्ट ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स गैदर्ड फ्रॉम द बॉटम सेडिमेंट्स एंड सीमेंटेड टुगेदर टू फॉर्म ए एग्लूटिनेटेड टेस्ट। सम ऑफ देम आर एज फॉलो, द चिटिनियस वॉल कंपोज ऑफ द चिटिन थिन एंड ट्रांसपेरेंट प्रेजेंट इन द फ्रेश वाटर बेंथिक फोरामिना, एग्जाम्पल चिटिनोडेंड्रॉन फ्रंकोरेनियन। एग्लूटिनेटेड वॉल ओनली फीचर ऑफ बेंथिक फोरामिना, बिल्ड्स इट्स टेस्ट वॉल ऑफ सीमेंटिंग टूगेदर एक्सोजीनियस ग्रेन्स, एग्जाम्पल सैंड ग्रेन्स, ओलाइट, फाइन ग्रेन्स ऑफ कैल्साइट और स्पॉन्ज स्पिकल बाई कार्बोनेट मिनरलाइजेशन। वॉल इज ए सिंपल लेयर दैट ग्रेड्स फ्रॉम फाइन ग्रेन्स इन साइड टू कोर्स ग्रेन आउट साइड, एग्जाम्पल रहेबडोनिया। और ये एग्लूटिनेटेड जो है ये सिर्फ बेंथिक फेरा के लिए ही था, और कैलकेरियस जो है प्रोजेक्ट ऑफ द बोथ बेंथिक एंड प्रांटिक फोरामिन, ग्लासी वॉल ट्रांसपेरेंट परफोरेट क्रिस्टल्स आर रेडियल विद लैमिनेट दैट सेपरेटेड बाय ऑर्गेनिक लेयर्स, एग्जांपल रोटालिना। पोर्सिनिडियस वॉल इज शाइनी स्मूथ क्रिस्टल्स रैंडमली अरेंज्ड, एग्जांपल मेलोनिलिना। जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो फोरामिना थॉट टू हैव बीन प्रेजेंट इन द प्री कैम्ब्रियन सीज, बट As yet, no undented fossil of this order have been described from rocks older than the Cambrian. The foraminifera found in the sediments are of the age ranging from Cambrian to recent. They made for their first appearance in the Cambrian and comparatively rare till Carboniferous, but they become prominent and of great geological importance during the Upper Carboniferous and Permian. Again, during Triassic, they become less abundant, but during the Jurassic and Cretaceous, they are represented by large numbers. They reached the maximum development during the Tertiary and Recent. इसकी बात अगर करें तो स्ट्रकोड अगर प्लांटिक फोरामिना में रखी है, जुरासिक ऐसे ही शुरू हुआ था जिसमें क्रिटेशियस इसको क्या बंडल और कुछ हुआ, तो ये हो गया। अब इसमें एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, दो फोरामिना फ्रैक नियोगोलोजुरिना पाचीडर्मा और नियोगोलोजुरिना इनकम्पेटा, इसमें सिनिस्टर पाली मिलती है, इसमें डिस्टर्ब पाली मिलती है। अगर सिनिस्टर पाली मिल रही थी ठंडे को शो करेगा, अगर इसमें अगर डिस्टर्ब पाली मिल रही थी गर्म को शो करेगा। यहाँ पे लिखा गया चार्ली ने चेंजेस इन पाली डायरेक्शन ऑफ द सेल्स इन द हाई एटीट्यूड स्पीसी ऑफ नियोग्लोबोक्यूडरिना, द पोर्सन ऑफ द नाइट राइट क्वालिंग स्पेसिमेन इंक्रीज ड्रामेटिकली बिटवीन 6 एंड 10 डिग्री, रिफ्लेक्ट द रिप्लेसमेंट ऑफ न्यू ग्लोरिना प्राचीडर्मा विच प्रोड्यूस ए मेली सिनिस्टर सेल, न्यू ग्लोरिना इनकम्पेटा विच प्रोड्यूस ए मेली डेक्स्टर सेल्स। टेस्ट मॉर्फोलॉजी वही है जो पढ़ चुके हैं। इसकी बेंथिक फोरामिना की बात करें तो बेंथिक फोरामिना बॉटम डोलर फॉर्म दैट कैन बी आइदर सेसाइल और बेगाइल, बेगाइल बॉटम डोलर होते हैं, सेसाइल और बेगाइल दोनों होते हैं या फिर दोनों ही हो सकते हैं, मोबाइल होता है, मतलब बॉटम पे चिपक के और उस पर चिपक के चल भी रहा है। बेंथिक फोरामिना स्मॉल बेंथिक फोरामिना विद सिंपल इंटरनल स्ट्रक्चर, लार्जर बेंथिक फोरामिना विद कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, लाइव अटैच टू द फ्री ऑल डेप्थ इन द मोस्ट मैरीन एनवायरमेंट एज वेल इन द ब्रैकिश मार्जिनल मैरीन एनवायरमेंट विद लो अल्कलिनिटी, अकर अपेरेंटली इन द सेफ रीजन ऑफ द मोस्ट ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल शैलो मैरीन स्पेशली इन कार्बोनेट रिच एनवायरमेंट। ओशन डेप्थ प्रोफाइल की बात करें, टेम्परेचर सैलिनिटी डेंसिटी थर्मोलाइन जो है टेम्परेचर कर्व जो है डेप्थ के साथ ऐसे ऐसे होता है, मतलब कि टेम्परेचर घटते जाता है। सैलिनिटी की बात करें कि डेप्थ के साथ ये जो है थोड़ा सा बड़ा फिर एक कॉन्स्टेंट रहता है, और अगर डेंसिटी की बात करें तो टेम्परेचर के साथ जो डेप्थ में जो डेंसिटी वो भी बढ़ती जाती है, इसको पाइक्नोक्लाइन कहते हैं। और कैल्शियम कार्बोनेट डेप्थ क्या होता है, सीसीडी रेसोलैन क्या होता है ये बता ही चुके हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ इकोलॉजिस्ट की बात करें तो लिटोरल जोन होता है, फिर उसका सब लिटोरल होता है, फिर बैथल होता है, वेसल होता है, हेडल होता है, हाइपरप्लाजी होता है। एपिप्लाजी को ये होता है 200 मीटर पे मिलता है पानी के, मेसोप्लाजी 200 से 1000 मीटर पे मिलता है, बैथिप्लाजी 1000 से 200 से अगर 2000 मीटर नीचे पानी के गए समुद्र के नीचे ओशन के नीचे तो मिला।
वेसल पेलाजिक होता है 3,000 मीटर का होता है, हैडल 4,000 मीटर का होता है। और इसमें जो ये फोटिक जोन की बात करें, डार्क एफोटिक जोन जो होता है 500 मीटर के आसपास से शुरू हो जाता है, और अगर 100 से 400 मीटर के देख रहे हैं टू लाइट डिस्फोटिक जोन जिसे कहते हैं, और लाइट एफोटिक जोन जो 0 से 100 मीटर के बीच में होता है जिसमें फोटोसिंथेसिस काम हो सकता है वो होता है। ये कुछ इसमें है कि जैसे एपिपेलाजिक तो 100 मीटर, मेसोपेलाजिक 100 से 1,000, बैथिकपेलाजिक जो उसकी होती है ये 1,000 सरफेस से नीचे 4,000 तक जाता है। फिर इसके बाद आता है एबेसोपेलाजिक जोन जहाँ पे डीप सी ट्रेंचेस हेडल जोन मिलते हैं, तो कॉन्टिनेंटल सेल के बाद बैथल जोन आता है, बैथिक जोन आता है, फिर एबेसल जोन, फिर डीप सी ट्रेंच हेडल जोन आता है, फिर यहीं पे सी फ्लोट स्प्रेडिंग जो 6,000 मीटर के आसपास मिलना शुरू हो जाता है, 4,000 बीएमएस वोल्केनिक मैसिव सल्फेट डिपॉजिट मिलता है, डीप सी फ्लोर है यहाँ पे। तो अगर किंगडम प्लांटा की बात करें तो ये तो स्पोर्स एंड पॉलन्स होता है, डिवोरियंट और रेसेंट होता है। द प्लांट लाइफ साइकल्स इन्वॉल्व टू जनरेशन, वन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बाय प्रोडक्शन ऑफ मिलियंस विंड प्रोन स्पोर्स, द अदर रिजल्ट्स फ्रॉम द जर्मिनेशन ऑफ दीज स्पोर्स अपॉन दिस फॉर्म मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स आर सिचुएटेड एंड फर्टिलाइजेशन ऑफ द फीमेल लीड्स टू द ग्रोथ ऑफ ए न्यू स्पेरोफाइटा, दिस सेक्सुअल जनरेशन इज नोन एज द जेमेटोफाइटा। मेल एंड फीमेल जेमेटोफाइट आर नोन एज द होमोस्पोरी एंड हेट्रोस्पोरी। फ्लोरिंग सीड्स प्लांट्स आर कॉल्ड एंजियोस्पर्म्स, और जो क्रिप्टोस्पर्म्स होते हैं नॉन फ्लोरिंग। किंगडम एनिमेलिया ऑस्ट्रोपॉड्स के बारे में, कैम्ब्रियन टू रिसेंट इसकी एज होती है, और ऑस्ट्रोपॉड्स आर द श्रिंप लाइक ऑर्गेनिज्म व्हिच हैव इनक्लोज्ड देमसेल्फ इन ए पेयर ऑफ हिंज बॉल, एंड दीज आर द बेंथिक एंड फ्री स्विमिंग मैरिन, एंड ऑस्ट्रोपॉड्स आर द सेकेंड मोस्ट अबेंडेंट मॉडर्न माइक्रोफॉनल ग्रुप आफ्टर द फोरामिनिफेरा एंड स्पेशली ब्रैकिस एंड फ्रेश वाटर कंडीशन। कोनोडोन्स की बात करें तो अपर कैम्ब्रियन टू अपर ट्रेसिक होता है। तो किंडर ऑस्ट्रोकॉड का पैबेटर रिसेंट होता है। ऑस्ट्रोकॉड्स आर द ऑस्ट्रोकॉड्स आर द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट माइक्रो मॉडर्न माइक्रोफनल आफ्टर द फोरामिनिफेरा एंड स्पेशली ब्रैकिस एंड फ्रेश वाटर। और कोनोडोन जो है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये फॉस्फेटिक फॉसिल होता है, हैव बीन स्टडीड सिंस 1800। ये दे रिमेन द मोस्ट एनिगमेटिक फॉसिल, दे टूट लाइक स्पाइकी ऑब्जेक्ट कंपोज ऑफ एपेटाइट, तो इसमें एक स्ट्रक्चर मिलता है टूट लाइक स्ट्रक्चर। और ये जो होता है अपर प्री कैम्ब्रियन टू अपर ट्रैसिक तक ये था। ग्रेप्टोलाइट्स जो होता है ये भी एक इम्पॉर्टेंट फॉसिल्स है। ग्रेप्टोलाइट्स वेयर कॉलोनियल एनिमल दैट लिव इन द इंटरकनेक्टेड सिस्टम्स ऑफ ट्यूब फॉर्म ऑफ एन इनिशियल एम्ब्रियोनिक कोन लाइक ट्यूब दैट इज सिकुला, सब्सिक्वेंट ट्यूब्स थिकी एंड आर अरेंज इन ब्रांचेस स्टीप्स टू मेक अप द होल कॉलोनी। ग्रेप्टोलाइट की कॉलोनी को रैबिडोसोम बोलते हैं। ईच इंडिविजुअल एनिमल इज ए कॉल्ड जुआइड, और इंडिविजुअल एनिमल को जुआइड बोलते हैं। ग्रेप्टोलाइट्स वेयर ऑल प्लांक्टोनिक हैड ओनली वन काइंड ऑफ थीक एंड मे हैव बीन हर्माफ्रोडाइट्स। क्या होता है इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। डेकोग्रेप्टाइड्स फ्लोरिश इन द अर्ली ऑर्डोविशियन, देयर स्टेप्स वेयर फ्यू एंड अरेंज इन ए वेरियस वे, एग्जाम्पल स्ट्रेच आउट साइडवेज हॉरिजॉन्टल हैंगिंग डाउन पेंडेंट ट्रंड अपवर्ड रिक्लाइंड। टेट्रागिरेप्टस से हैड ए फोर हॉरिजॉन्टल और पेंडेंट स्टेप्स, और इसका डिडीमोग्रेप्टस हैड टू पेंडेंट स्टेप्स, आइसोग्रेप्टस हैड रिक्लाइंड स्टेप्स एंड लॉन्ग नीमा स्टैंडिंग अबव द सिकुला। एट द बिगनिंग ऑफ द ऑर्डोविशियन पीरियड ग्रेप्टोलाइट्स बिकेम फ्री फ्लोटिंग, दे वेयर among the first animals to colonize the open sea and were able to exploit enormous untapped reserves of food. Single coral organisms in the upper layers of the ocean, different species evolved rapidly in order to exploit these food reserves, and in response to the new challenge of floating life, graptolites are excellent geological timekeeper. They can use to date the rocks which they are found. They evolved quickly and assumed wealthy, easily recognizable shapes. Many of the
these ecological systems which can traced around much of the world, define periods of the time. Some of these time slices are only a few hundred thousand years long, which to a geologist amounts to pinpoint accuracy, given that the took place hundreds of millions ago. The lie between the Cambrian and Carboniferous period, about 520 to 350 million ago. ये भी एक तरह का इंडेक्स फॉसिल की तरह यूज होता है. 52 552 350. ये चीज है द मेन, ये कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है ये सब. द मेन गोल ऑफ दिस रिसर्च वॉज टू एग्जामिन रीजनल ग्रेटोलाइट्स बायोडाइवर्सिटी थ्रू द लेट अर्ली एंड मिडिल ऑर्डोविशियन टाइम पीरियड्स. लेट अर्ली एंड मिडिल ऑर्डोविशियन टाइम पीरियड में इसका वो है. अब आता है प्लांट फॉसिल. प्लांट फॉसिल में वेसिकुलर प्लांट्स की बात होती है. अगर वेसिकुलर प्लांट्स में थेकोफाइटस होते हैं, हैव सिस्टम ट्यूब्स इनसाइड देयर स्टेम्स विच कंडक्ट्स वाटर फ्रॉम देयर ग्राउंड पार्ट्स टू द रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म. देयर ओरिजिन प्रोबेबली ड्यूरिंग द सिलूरियन वॉज देयरफॉर इंटीमेटली एसोसिएटेड विद द मूव ऑन द लैंड एंड सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट्स कैन बी व्यूड एज फर्दर एडेप्टेशन ऑफ अ टेरेस्ट्रियल हैबिट. प्लांट्स आल्सो फॉर्म अ सेपरेट किंगडम नोन एज अ प्लांटी. ये जैसे कि किंगडम सबसे बड़ा क्लासिफिकेशन होता है ऑर्गेनिज्म का. द फ्लोरिंग प्लांट्स इमर्ज रेदर रिसेंटली ड्यूरिंग द क्रिटेशियस पीरियड. इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट अ प्लांट वेदर लिविंग और डेड और बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन. ये तो सभी जानते हैं. सोलोफाइटस क्या होता है. इन मोस्ट ऑफ द मेजर ट्रेचोफाइटिक ग्रुप्स वी हैव बोथ लिविंग फॉसिल मटेरियल टू हेल्प अस. सो इट इज द अर्लियस्ट वेसिकुलर प्लांट सिलोफाइटस. इसका जो एज होता है अपर सिलोफाइटस होता है. लेकोप्सीडा अपर सिलोफाइटस. मोस्ट लेकोप्सीडा वेर हेट्रोपोरस एंड मोर स्मॉल लिप्स. इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे. स्पिलेनोस्पीडा लोअर डेवरेंट टू रिसेंट इसकी एज होती है. अब आते हैं प्लांट फॉसिल का मेन डेफिनेशन. प्लांट फॉसिल्स आर रिमेन्स ऑफ द प्लांट फॉसिल्स आर द रिमेन्स ऑफ द प्लांट लाइफ दैट हैव बीन प्रेजेंट इन द सेडिमेंट्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट. द स्टडी ऑफ फॉसिल प्लांट्स इनटू टू डिसिप्लिन्स पैलियोबॉटनी एंड पैलियोलॉजी. पैलियोबॉटनी डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक विजिबल इन द नेकेड आई एंड प्लांट एलिमेंट्स सच एज लीव्स पेट्रीफाइड वुड फ्लावर्स और सीड. पैलिनोलॉजी इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक विजिबल विद द माइक्रोस्कोप प्लांट रिमेन्स सच एज पॉलन एंड स्पोर्स. पैलिनोलॉजी इज यूजली ट्रीटेड एज ए ब्रांच ऑफ माइक्रोपैलियोंटोलॉजी. क्लासिफिकेशन पैलिनोलॉजी माइक्रोपैलियोंटोलॉजी का क्लासिफिकेशन की बात करें इसमें तो यहाँ पे थोड़ा अच्छे से समझने लायक है. The present scientific understanding suggests that the plants have originated from algae to which are closely related the algal groups and plants together forming clade termed as chlorobionata that are characterized by the position of chlorophyll and similarities their chloroplast. Plants within this larger clade are subgrouped a major group that is ambrophyta that is characterized by alternation of generation. All plants make food and in order to do so they require sunlight, carbon dioxide and water. The water from roots to the leaves and the manufactured food from the leaves to the different parts of the modern plant distributes by way of vessels. However, this way not the same in the plants that made their appearance during the early stage of the plant evolution. There are many classification of plants, but they are classified broadly into four following groups: thallophyta, bryophyta, pteridophyta, P silent hota hai isme, spermatophyta, thallophyta. इसका कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे जरूरत है. थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड पटीडोफाइटस आर द सीडलेस. इसमें जो थैलोफाइटस हैं, ब्रायोफाइटस एंड पटीडोफाइटस सीडलेस एंड फ्लावरलेस प्लांट्स. और
and together they are called cryptogams, and where the spermatophytes include gymnosperms, and various spermatophytes include gymnosperms or angiosperm or seeds the flowering plants. That is the ये जो अभी वहां से पढ़ते हैं यानी क्रिप्टोस गैम्स जो नॉन फ्लॉरिंग होता है वो जो होता है फाइजोज गैम्स में होता है जिसको रिस्पेक्टली एंड टर्म द फाइनरो गैम्स बोलते हैं. द एम्ब्रोफाइटस इंक्लूड द ब्राइट ब्राइटोफाइट एंड फाइनरोग्राम्स. तो इसका जो जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म्स है और द एम्ब्रोफाइट्स जो इसका जो है इसमें इसमें जो है इंक्लूड ब्रायोफाइटस टीलोफाइटस है एंड फैनोग्राम्स. ये है इसका थायलोफाइटस क्या है इसके बारे में कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत. नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स है. ब्रायोफाइटा भी नॉन वेसिकुलर प्लांट्स है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं. और पटीलोफाइटस जो है वेसिकुलर प्लांट्स है टू, ये भी ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, ये भी नॉन फ्लावरिंग है. अब यहाँ पे जो पढ़ने की चीज है वो है स्पर्मेटोफाइटा द वेसिकुलर प्लांट विद सीड एंड फ्लावर. तो इसमें जो स्पर्मेटोफाइट है दैट इज फाइब्रोस्पर्म इज द एज ऑफ द पटेरोफाइट. यहाँ पे थोड़ा चीज पढ़ने का है. द अपीयरेंस पॉइंट इन द सिलोरियन पीरियड एंड स्टिल सर्वाइव इन द पटेरोफाइट एज वेल डोमिनेंट एट द लैंड ड्यूरिंग द लेट पैलियोलिथिक एरा. द आल्सो नेम इज द एज ऑफ पटेरोफाइट्स. द सिलोरियन में एज ऑफ द पटेरोफाइट अगर पूछे तो सिलोरियन लगा देना, लेट पैलियोलिथिक एरा, लेट पैलियोलिथिक एरा लगा देना सिलोरियन नहीं. प्लांट्स स्पर्मेटोफाइटा द वेसिकुलर प्लांट्स विद सीड एंड फ्लावर. स्पर्मेटोफाइटस आर द वेसिकुलर प्लांट दैट प्रोड्यूस सीड एंड आर आल्सो नोन एज सीड प्लांट्स. द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द स्पर्मेटोफाइटा इंक्लूड द डेवलपमेंट ऑफ ए पॉलन ट्यूब एंड द प्रोडक्शन ऑफ सीड्स. दे अपीयर फर्स्ट ड्यूरिंग द डिवोनियन पीरियड. स्पर्मेटोफाइटस आर क्लासिफाइड इंटू टू ग्रुप्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म. अगर जिम्नोस्पर्म्स की बात करें तो द टर्म जिम्नोस्पर्म डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड जिम्नोस मीन्स नेकेड एंड स्पर्मा मीन्स सीड एंड हेंस रेफर टू अ ग्रुप ऑफ नेकेड सीडेड प्लांट्स. दीज आर सीड बियरिंग प्लांट्स. द सीड ऑफ जिम्नोस्पर्म्स आर नेकेड एंड आर नॉट एनक्लोज इन द ओवरीज एज इन द केस ऑफ एंजियोस्पर्म. कॉनिफर साइकाड्स, ये यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करते हैं, पीला जरूरत है. कॉनिफर साइकाड्स जेनेटोफाइट्स एंड गिंको आर द मेन ग्रुप्स ऑफ द जिम्नोस्पर्म. कॉनिफर साइकाड्स जेनेटोफाइट्स एंड गिंको आर द मेन. गिंको जो है जिम्नोस्पर्म्स का है. हाउएवर पाइन कॉनिफर वन ऑफ द डोमिनेंट जिम्नोस्पर्म्स. इट इज थॉट दैट द जिम्नोस्पर्म्स इवॉल्व फ्रॉम द सीडलेस प्लांट. दे रेंजिंग इन द फ्रॉम अ डिवोनियन टू प्रेजेंट एंड वेयर ए डोमिनेंट कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम ड्यूरिंग द कार्बोनिफेरस. तो मतलब कि इससे जो स्पर्मेटोफाइट का जो जिम्नोस्पर्म्स है ये कोल में ज्यादा इसका फॉसिलाइजेशन हुआ था. जैसे कि इसमें अगर देखें लिविंग मेंबर्स है ब्रैटोफाइटा प्रेडेटोफाइटा ये ए बी सी इस तरीके से है जो कि सीड नॉन फ्लॉरिंग है एंड डी जो है एंजियोस्पर्म है और सी जो है तुम्हारा जिम्नोस्पर्म्स है. एंजियोस्पर्म, द टर्म एंजियोस इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स एंजियोस मीन वेसल एंड स्पर्मा मीन सीड. हेंस रेफर्स टू द ग्रुप ऑफ द प्लांट्स हूज सीड्स आर एनक्लोज इन प्रोटेक्टिंग वेसल विद इन द फ्रूट. दीज आर ट्रू फ्लॉरिंग प्लांट्स एंड कॉमनली डिफर फ्रॉम जिम्नोस्पर्म बाय द फैक्ट दैट द सीड्स ऑफ द एंजियोस्पर्म आर एनक्लोज इन प्रोटेक्टिंग वेसल्स ऑफ ओवरीज. मोनोकॉर्ड्स एंड डिकॉर्ड्स आर द टू मेन ग्रुप्स ऑफ द एंजियोस्पर्म. मोनोकॉर्ड्स आर द कैरेक्टराइज्ड बाय द हैविंग अ सीड विद वन कॉटिलेडॉन और सीड लीफ विथ पैरेलल वेन्स एंड वेल डेवलप्ड फ्लावर्स. ग्रासेस एंड पाम ट्रीज आर टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ मोनोकॉर्ड. डिकॉर्ड्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग अ सीड विथ टू कॉटिलेडॉन्स और सीड लीव्स. Leaves have veins with a net-like network and their stems are thicker at the bottom. Oak and poplar trees are some examples of dicots. Angiosperms appeared first during the early Cretaceous and are still surviving as a dominant of the plant group of the तो ये जो है इसकी एज अर्ली क्रिटेशियस स्टिल सर्वाइविंग है ये इसमें.
और जबकि इसका जो है एज था ये टिबेरियन टू प्रेजेंट था, तो इसका फॉसिलाइजेशन ज़्यादा ये है। तो अर्ली क्रिटिशियस में गया था, तो क्रिटिशियस में तो फॉसिलाइजेशन हुआ नहीं था, कार्बोनिफेरस में ही के तो एज के हैं ज़्यादातर, और टर्सियरी एज के भी कुछ हैं तो वो भी टर्सियरी एज के भी मिलता है, जैसे कश्मीर रीजन में मिला, यूरोप में मिला। तो ये कुछ है ब्रैटोफाइटस वेल प्रिजर्व स्पेसिमेन मेंशन ऑन द मिडिल लेट एंड सिल्वरियन टाइम्स, हाउएवर इन डायरेक्ट एविडेंस ऑफ प्रिजर्व सिलेंडर्स कोई खास इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आता है मेन इम्पोर्टेंट गोंडवाना प्लांट फॉसिल, तो इसको शुरू करते हैं। तो एक इम्पोर्टेंट फॉसिल है गोंडवाना फ्लोरा ऑफ इंडिया, एक मिनट हाईलाइटर ले लेते हैं। तो गोंडवाना फ्लोरा ऑफ इंडिया इज वेरी इम्पोर्टेंट फॉर द गेट एग्जाम and all others exam. In one exam, one question must be from here. तो इसको पढ़ते हैं। गोंडवाना फ्लोरा ऑफ इंडिया। Prior to discussing the Gondwana flora of India, it is pertinent to learn about the Gondwana and Gondwana supergroup. Gondwana is the name given to the southern part of the supercontinent Pangaea. It has been proposed that the Pangaea existed approximately 510 to 180 million years ago. About 200 to 180 million years ago, that is the age of the Jurassic, Pangaea broke into two landmasses, the southern landmasses termed the Gondwana and northern one as the Laurasia. Gondwana included the modern landmasses of South America, Africa, Antarctica and Australia, Madagascar and the India subcontinent, which today are separated from one another. Where the Laurasia includes North America, Europe and Asia excluding India. In the upper Carboniferous, lower Permian to lower Cretaceous, sedimentary basin of peninsular India are grouped into Gondwana group. तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट। In India, upper Carboniferous, lower Permian to lower Cretaceous, sedimentary basin of peninsular India are grouped into the Gondwana supergroup. It is named after the Gond kingdom of central India, Madhya Pradesh, where these rocks were first discovered. It may be noted that the name Gondwana is used for the southern landmasses such as South America, Africa, Antarctica, Australia, Madagascar and India. And Gondwana supergroup is used for the Gondwana sedimentary basin of India. The Gondwana basin, ye bahut important, the Gondwana basin of India occupy 50,000 square kilometer area and are present along six linear belts such as Damodar basin, Rewa basin, Wardha basin, Pranita Godavari basin, Mahanadi basin and Rajmahal basin. Based on plant fossil, the Gondwana supergroup is classified into two groups, the lower and the upper Gondwana. To Gondwana 6 basin mil karke Gondwana बेसिन्स को बनाया है, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो है ये रीवा भी गोंडवाना में आता है, वर्धा भी आता है, प्रणीता गोदावरी भी गोंडवाना में आता है, महानदी बेसिन भी गोंडवाना में आता है, राजमहल बेसिन भी गोंडवाना में आता है। और बेस्ड ऑन द प्लांट फॉसिल द गोंडवाना सुपर ग्रुप इज क्लासिफाइड इंटू टू ग्रुप, द लोअर एंड द अपर गोंडवाना, ये भी इम्पोर्टेंट है। द लोअर गोंडवाना ग्रुप इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ग्लासोफेरस फ्लोरा and the upper Gondwana is characterized by Dicrodium telophyllum flora. तो ये इसका की fossils है जिसे flora बोलेंगे, की flora. Gondwana is upper Gondwana की age Jurassic to Cretaceous है, lower Gondwana की जो Glacioterris से इसमें floral मिलता है, इसमें upper Carboniferous to lower Permian Triassic है, ये अपर कार्बोनिफेरस टू लोअर परमियन ट्रैसिक, ये चीज याद रखना, क्योंकि ट्रैसिक के बाद जुरासिक, जुरासिक के बाद क्रिटेशियस आता है, तो जुरासिक टू ये क्रिटेशियस इसका यही है, तो इसमें है। तो ग्लासोटोरिस फ्लोरा फेजर टू लोअर गोंडवाना ग्रुप, ये जो है इसे देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन द लेट कार्बोनिफेरस परमियन टाइम्स द गोंडवाना लैंड मासेस वेयर कवर्ड बाई आइस बिकॉज ऑफ विच द फ्लोरा वॉज स्कैंटी. The flora during this comprises forms such as Gangetoferis, इसका Gangetoferis है, Nogerothoracis, Pelicatopelenitis, Potoniciporotisis. इसको याद करने का तरीका है गैंग नोई पलिका पोटो, गैंग नोई पलिका पोटो, ये इसका जो Glossopteris flora का assemblage है। The leaves of these plants are very small in size and fine venation and absence of the midrib such as Gangetoferis.
तो इसमें गैंगटोक पेरिस में जो मिड रिब होती है एबसेंट होती है। एज द ग्लेशियर स्टार्टेड रिट्रीटिंग बाय परमियन टाइम्स बोथ लैंड एंड हायर टेम्परेचर वर अवेलेबल फॉर द बोथ ऑफ द प्लांट सच दैट लीव्स ऑफ द गैंगटोक पेरिस एज लार्ज एज 8 सेंटीमीटर इन लेंथ हैव बीन रिकॉर्डेड। ऑल्सो कॉनिफर लाइक परना कैलोडस मेड इन अपियरेंस, कॉनिफर में एक परना कैलोडस अगर आ जाती है भी लगा देना। लेट इन द परमियन इटसेल्फ लीव्स ऑफ द गैंगटोक पेरिस एज लॉन्ग 35 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर लॉन्ग प्लांट्स स्टार्टेड डाइवर्सली। अबाउट 14 स्पीसीज ऑफ गैंगटोक पेरिस एंड 11 ऑफ नोएगोरोथोरोफिसिस आर रिपोर्टेड फ्रॉम द लोअर परमियन डिपॉजिट। जिम्नोस्पर्म्स लाइक बोरियाडिया टू मेड इट्स अपियरेंस एट द फर्न द गैंगटोक पेरिस हाउ एवर बिहाइंड फाइनली बिकम एक्सटिंक्ट एंड गिविंग वे टू द ग्लासोप्टेरिस। गैंगटोक पेरिस था फिर उसके बाद ग्लासोप्टेरिस आया। ग्लासोप्टेरिस अनदर इम्पॉर्टेंट लोअर गोंडवाना प्लांट अपियरिंग ड्यूरिंग द टाइम एट सून बिकम द मोस्ट डाइवर्सिफाइड टैक्सॉन एट स्पीसीज लेवल एट लेटेस्ट ऑन द गोंडवाना लैंड अंटिल द ट्रैसिक टाइम। द प्लांट लीव्स इन द परमियन विद द ऑनसेट ऑफ वार्म एंड मॉइस्ट कंडीशंस ग्रू इन साइज। लीव्स ऑफ द ग्लासोप्टेरिस वेयर अबाउट 60 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 50 सेंटीमीटर वाइड एंड 1.5 सेंटीमीटर थिक पटियोल। द लीव्स प्रोसेस द मिड रिब एंड रेंटिकुलर बेसिन अबाउट 70 स्पीसीज। ग्लासोप्टेरिस गैंगटोक्टेरिस में ही मिड रिब नहीं था, एब्सेंस ऑफ मिड रिब इन गैंगटोक ग्लासोप्टेरिस में मिड रिब आना शुरू हो गया था क्योंकि बर्फ पिघलना हुई थी रिट्रीट हुई थी परमियन के बाद। द लीव्स पॉजिट ए मिड रिब एंड रेटिकुलर वेनेशन अबाउट 70 स्पीसीज ऑफ ग्लासोप्टेरिस आर नोन टू हैव एग्जिस्टेड ऑन द फार्मर गोंडवाना लैंड मासेस। दिस टाइम ऑफ गोंडवाना हिस्ट्री बिकॉज ऑफ द डोमिनेंस ऑफ ग्लासोप्टेरिस हैज बीन कॉल्ड एज ग्लासोप्टेरिस फ्लोरल फेज एंड द रॉक्स यील्डिंग द प्लांट असेंबलेज एंड डिस्कस्ड अबव रिप्रेजेंट द लोअर गोंडवाना फ्लोरा। ड्यूरिंग द ट्रैसिक ग्लासोप्टेरिस वॉज प्रेजेंट बट इट नंबर्स हैड फॉलन शार्पली एज द क्लाइमेट चेंज फ्रॉम वार्म टेम्परेचर टू सेमी एरिड। ग्लासोप्टेरिस फ्लोरा फाइनली बिकेम द एक्सटिंक्ट बाय द मिडिल ट्रैसिक। दिस वॉज रिप्लेस बाय द थिनफेल्डिया ऑल्सो रिकॉर्डेड डिक्रोडियम। अब यहाँ पे जो ग्लासोप्टेरिस से रिमूव होना शुरू किया बर्फ पिघलने लगी तो इसको थिनफेल्डिया लेने लगा। थिनफेल्डिया ऑल्सो नोन एज डिक्रोडियम जो कि अपर गोंडवाना का पार्ट है। एज द डोमिनेंट फ्लोरा ऑफ ट्रैसिक गोंडवाना लैंड इन द लोअर पार्ट ऑफ द ट्रैसिक अलॉन्ग विद द थिनफेल्डिया प्लांट्स लाइक लेपिडोटेरिस साइकाडोटोरिस एंड न्यूकोलोमेटाइड्स। और इसको याद करने का तरीका है गैंगोनोए फलिका पोटो। और यहाँ पे जो ये इसका थिनफेल्डिया का जो कुछ स्पीसीज मिले हैं लेपिडोपेट्रीस साइकाडोपेट्रीस एंड नोएकोलोमाइड्स लीव्स ऑन द गोंडवाना लैंड। द लीव्स ऑफ द प्लांट्स वेर फॉर्ट हैविंग ए थिक रैचेस एंड कटिकल ऑल द इंडिकेटिंग सेमी एरिडिटी। हाउएवर टुवर्ड्स द अपर पार्ट ऑफ द ट्रैसिक विद द रिटर्न ऑफ वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन लाइक टीलोफाइलम वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन को ही शो करता है। थेनेटो पेट्रीस एंड सूडो पेट्रीस मेड देयर अपियरेंस इन एडिशन ऑफ कंटिन्यूशन ऑफ द थेनोलोफेटा। ये थेनोलोफेटा का एक स्पीसीज है थेनोपेट्रीस एंड सूडो पेट्रीस अपियरेंस एडिशन ऑफ द कंडीशन ऑफ द थेलोफिल्डिया। कॉनिफर्स लाइक पोडोजेमाइड्स एंड आरोपोराइड्स फर्स लाइक सिफेलोफेबलिस एंड परसोरोफाइलम एज वेल एज ए गिंको एंड बायरेरिया वेयर प्रेजेंट। गिंको इसमें भी था नहीं गिंको तो उसमें था जो फ्लावर उसके थे इसमें ये रिकॉर्ड्स दिखाते हैं। हाँ ये स्पेरोजियमों में ये गिंको ये यहाँ पे जो है ये कौन पर सेकेंड तो ये एक जिम्नोस्पर्म्स का जिसमें सीट नहीं सीट को कवर ही नहीं किया जाता था नेकेट रहता था जिम्नोमिस नेकेट। हाँ तो यहाँ पे अब
गिंको एंड वेरेरिया वेर प्रेजेंट, बट रेयर द डोमिनेंस ऑफ द सिग्नोफेडिया, ये भी गिंको एंड वेरेरिया जो है अपर गोंडवाना का ही है। हिनफेल्डिया थ्रू आउट द ट्रैसिक हैज लेड टू लेड सम ऑफ द जियोलॉजिस्ट टू टेल दिस टाइम पीरियड एज अ थिनफेल्डिया फ्लोरल फेज एंड डिवाइड द पार्ट्स ऑफ द गोंडवाना एज मिडिल गोंडवाना वेर द कंटिन्यूएशन ऑफ द ग्लासोफेरेस ड्यूरिंग दिस टाइम थ्रू इन लेस नंबर्स हैज बीन सजेस्टेड बाई द अदर्स टू बी क्लब्ड एज ए पार्ट ऑफ ग्लासोफेरेस फ्लोरा फेज एंड देयर फोर एज पार्ट ऑफ द लोअर गोंडवाना देयर बाई डिवाइडिंग द गोंडवाना सुपर ग्रुप इंटू द लोअर एंड अपर गोंडवाना रेदर देन इंटू द लोअर एंड मिडिल द अपर। तो इसमें टू फोल्ड जो क्लासिफिकेशन है गोंडवाना का, यही एक्सेप्टेड है जीएसआई के द्वारा, लेकिन और थ्री फोल्ड नहीं है सर। इसका रीजन यह है कि यहाँ पे जो क्लाइमेट चेंज हुआ था परमियन के बाद वार्म क्लाइमेट आना शुरू हो गया था, इसके बीच में कुछ था नहीं। तो जो थिन फर्डिया को लोग डिप्रोटियम जो मिडिल गोंडवाना फॉसिल बोलते हैं वो थोड़ा सा सही नहीं है, इसीलिए जीएसआई जो एक्सेप्ट करता है टू फोल्ड क्लासिफिकेशन, कभी भी थ्री फोल्ड नहीं आएगा जीएसआई में, टू फोल्ड ही आएगा। ठीक, अब टीलोफाइलम फ्लोरल फेज ऑफ द अपर गोंडवाना का देखते हैं। बाय द जुरासिक टाइम इनिशियल रिपोर्टिंग द गोंडवाना लैंड मासेस बिगेन द क्लाइमेट फ्रॉम वार्म ह्यूमिड इन बिगिनिंग ऑफ द जुरासिक चेंज टू द टेम्परेट एंड सीजनल टुवर्ड्स द एंड। दिस टाइम पीरियड इज मार्क बाय द डोमिनेंस ऑफ द टीलोफाइलम फ्लोरा कैरेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ टीलोफाइलम इक्वेसिटल्स फ्लिकेट्स पटीरोडो स्पर्न साइकडो फाइट्स कोनीफर्स एंड गिंगो गोलेस थ्रू आउट द गोंडवाना। तो टीलोफाइलम इसमें है और इसका जो पटीलोफाइलम म्यूजिक बोलते हैं, और इसमें इसकी जो इक्विल इक्वी सेटेलाइट्स फ्लिकेट पटीरोडो स्पर्म्स इसमें जो है साइक्लोफाइटस एंड कोनिफर्स एंड इनको थ्रू आउट द गोंडवाना, ये सब अपर गोंडवाना के स्पीसीज हैं। ड्यूरिंग द अर्ली मिडिल जुरासिक द साइट इसका जो एज था कहां से कहां था, ये इसका ये जो था जुरासिक से लेके क्रिटेशियस तक था, जुरासिक टू लोअर क्रिटेशियस। ड्यूरिंग द अर्ली टू मिडिल जुरासिक द साइकेट्स एंड फॉर्म सच एज मराठी सी एंड अस एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा। ड्यूरिंग द अर्ली टू मिडिल जुरासिक द साइकेट्स एंड फॉर्म सच एज मराठी सी एंड ओसुमंडी सी दैट लिव इन वार्म एंड मोस्ट कंडीशन वेर द ड्यूरिंग द लेट जुरासिक टू अर्ली क्रिटेशियस कॉनिफर्स एंड गिंको फाइट्स लाइक गिंको काइट्स ब्रची फाइलम बिकम अबंडेंट एज द एनुअल क्लाइमेट बिकम सीजनल एंड हॉट वेट समर्स एंड कोल्ड एंड ड्राई विंटर्स। फर्न्स लाइक पॉलीडेकेस एंड ओनली सीओफेसिस दोज प्रेजेंट वेयर रेयर दिस टाइम पीरियड बिकॉज ऑफ द डोमिनेंस ऑफ टीलोफाइलम इज कॉल्ड एज द टीलोफाइलम फ्लोरल फेज एंड फॉर्म द अपर पार्ट ऑफ द गोंडवाना। नाउ वी विल प्रोवाइड ए ब्रीफ डिस्कशन ऑफ सम इम्पोर्टेंट फॉसिल नोन एज द गोंडवाना सुपर ग्रुप। गैंगेक्टोपेरिस है, इसका जो इम्पोर्टेंट फॉसिल है गैंगेक्टोपेरिस लोअर में आता है तो इसको देखते हैं। गैंगेक्टोपेरिस इज आल्सो नोन एज जीनस ऑफ द ग्लासोपटेरिडोस फ्लोरा लाइक ग्लासोपटेरिस इट इज आल्सो बेस्ड ऑन द फॉसिल लीव्स इट इज कॉमन एलिमेंट ऑफ परमियन गोंडवाना फ्लोरा एंड इट्स जनरल मॉर्फोलॉजी इज लाइक दैट द ग्लासोपटेरिस गैंगेक्टोपेरिस इज जनरली फाउंड इन द लोअर परमियन रॉक्स वेर इज द ग्लासोटेरिस इज बिलीव टू हैव ए ग्रेटर डिस्ट्रीब्यूशन इन द अपर परमियन रॉक्स। तो अगर इसकी बात करें कि गैंगेक्टोपेरिस जो है इट इज जनरली फाउंड इन द लोअर परमियन रॉक्स एंड ग्लासोटेरिस अपर परमियन रॉक्स में मिला था, ये दोनों डिफरेंस है। और गैंगेक्टोपेरिस में मिड रिब आ गई थी, ग्लासोटेरिस में अभी मिड रिब नहीं थी। द गैंगेक्टोपेरिस लीफ इज सिंपल एंड स्पैटुलेट विथ ए सेसाइल बेस विदाउट ए स्टॉक ग्रोन डायरेक्टली ऑन द एक्सिस एट इंटायर मार्जिन। गैंगेक्टोपेरिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द अब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड मिड रिब मोर यूनिफॉर्म पैरेलल टू सब पैरेलल वेमिनेशन। द होल लीफ ऑफ गैंगेक्टोपेरिस हैज सिमिलर टू स्टोमेटोफेलस एरियाज बाउंडेड बाय द नॉन स्टोमेटोफेलस एरियाज।
Another feature used for the assignment of fossil leaf of Gangetoferris. Stratigraphic range अपर कार्बोनिफेरस टू परमियन दोनों का हो चुका, तो इंड में आया था जैसे गैंगटोफेरिस और इसमें लोअर में ग्लासोटेरिस है। गैंगटोफेरिस जनरली फाउंड इन द लोअर परमियन लॉस वेयर द ग्लासोटेरिस एग्रेड टू द एग्रेडेड इन द अपर परमियन लॉस। ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये जो है ना वाइडली नोन फ्रॉम द इंडिया है। अब क्या होता है वर्टेब्रेरिया, क्या होता है थोड़ा कलर चेंज कर लिया जाए। अब क्या होता है वर्टेब्रेरिया, क्या होता है भाई वर्टेब्रेरिया, द रूट्स ऑफ ग्लासोटेरिस एंड गैंगटोफेरिस प्लांट्स आर कॉल्ड वर्टेब्रेरिया, ये जिसका जड़ होता है ग्लासोटेरिस। द जीनस वेल प्रिजर्व इन द फॉर्म ऑफ द कंपेरिजन इम्प्रेशन एंड पेट्रीफाइड फॉसिल, द फॉर्म्स हैज ए मीडियन रिज और डिप्रेशन विद रेक्टेंगुलर लेटरल सेगमेंट्स प्रेजेंट ऑन द इट्स आइदर साइड दैट गिव इट्स इट द अपियरेंस सिमिलर टू द वर्बल कॉलम वर्टिब्रेट, द लेटरल सेगमेंट्स अल्टरनेट स्लाइटली। स्टैटिग्राफिक रेंज जो है अपर कार्बोनिफेरस टू मिडल ट्रैसिक है इसका, और ये भी लोअर गोंडवाना में ही मिलेगा क्योंकि वो तो रूट्स ही होता है ग्लासोटेरिस और फिर का नॉन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका साउथ अफ्रीका एंड इंडिया, ये इंडिया में आ रहा है जिसका मतलब ये इम्पोर्टेंट है। थिन फेल्डिया तो भाई जाहिर सी बात है अपर गोंडवाना में इतना पड़ा है, डिक्नोडियम का एक जीनस होता है। द जीनस थिन फेल्डिया वाज हिस्टोरिकली यूज्ड डिक्नोडियम लाइक फोलियज क्लस्टर ऑफ लीव्स फ्रॉम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, द फ्रंट्स ए लार्ज डिवाइड लीफ ऑफ द थिन फेल्डिया और बाई और मल्टीपिनेट, द रैचिस मेन एक्सेस ऑफ द फॉर्म इज ब्रॉड एंड ब्रांच, द पिन्यूल्स आर लीनियर विथ इंटायर और लोबेट मार्जिन, मिड रिब इज प्रोमिनेंट विथ नेवरस वेन्स स्प्रेडिंग फ्रॉम इट, इट इज कॉमनली फाउंड इन द अपर गोंडवाना फॉर्मेशन, अपर इसकी अपर ट्रैसिक टू जुरासिक, वही है ट्रैसिक से जुरासिक में क्या, क्योंकि ये मिड का पार्ट था ना, इसमें तो क्लाइमेट गर्म होना शुरू हो गया था इसलिए इसको कुछ लोग मिडिल गोंडवाना मानते हैं, जो कि मिडिल गोंडवाना जैसा कुछ है नहीं। अभी आता है सिगिल एरिया, सिगिल एरिया ये इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए क्योंकि ये इंडिया से रिपोर्ट नहीं किया गया है, लेकिन ये है कहाँ का देखते हैं, कारण लोअर गोंडवाना का है, कार्बोनिफेरस टू परमियन है। सिलिगेरिया वॉज ए कार्बोनिफेरस परमियन एवॉर्सेंट ट्री लाइक स्टेम जीनस ऑफ ए लाइकोपॉड दैट वॉज अबाउट 20 मीटर ऑल, द स्टेम वॉज स्ट्रेट एंड लैक्ड एक्सटेंसिव ब्रांचिंग, द लीफ बेसिस लेफ्ट लीफ स्कार्स ऑन द स्टेम दैट गिव इट रिब्ड अपियरेंस, दे आर वेरी हेक्सागोनल टू एलिप्टिकल इन आउटलाइन, दोज हेलिकली अरेंज लीव्स अपियर टू बी अलाइंड इन वर्टिकल रोज, स्प्रोंगिया वेयर बॉर्न ऑन स्टेम सरफेस अमंग द लीव्स। मिड लीफ है इसका और वेन है ये ग्लास, ये गैंगटोफेरिस ये ग्लासोटेरिस होगा, और ये जो है वर्टिब्रेरिया है ये इसकी दोनों की जड़ है, और ये ही थिनफेल्डिया है, थिनफेल्डिया अपर में आता है डिक्रोडियम में, और ये जो सिग्लिफेरिया जो है ये यहाँ से रिपोर्ट किया गया है, छोटा पेड़ होता है, ये लोअर गोंडवाना का पार्ट होता है क्योंकि कार्बन परमियन आता है, निल्सोनिया आता है, निल्सोनिया इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो निल्सोनिया क्या होता है इसको देखते हैं, निल्सोनिया ये लीफ जीनस, निल्सोनिया जैसे नामों से है कि ये एक तरह का लीफ जीनस है। द लीफ इज कंपाउंड विथ ए ब्रॉड रैचेस एंड रेक्टेंगुलर लीफलेट दैट आर अटैच्ड टू द होल बेस ऑफ द रैचेस, द रैचेस इज रिज्ड एंड द वेनेशन इज पैरेलल रनिंग फ्रॉम द बेस टू द एपेक्स ऑफ द लीफलेट, लीफलेट्स हैव एन एंटायर मार्जिन विथ लैमिना अटैच टू द अपर सर्फेस ऑफ द रैचेस, निल्सोनिया फोलियज वॉज प्रोड्यूस बाय द मेम्बर ऑफ साइकेडेलस, द लीव्स वेर अरेन्ज इन डेंस क्लस्टर ऑन द डिजिटल पोर्शन ऑफ द शूट्स, और इसका रेंज अपर ट्रैसिक टू क्रिटेशियस है, निल्सोनिया का अपर ट्रैसिक टू क्रिटेशियस यानी कि यह अपर गोंडवाना का है। निल्सोनिया ये जो है नॉर्थ अमेरिका ने इंडिया से रिपोर्ट किया गया है इसलिए इम्पोर्टेंट है। निल्सोनिया एक लीफ है जो एक तरह का उसका स्पीसीज है, लीफ साइकाडेलस का मेंबर है साइकाडेलस का, और इसकी ये अपर अपर ट्रैसिक टू क्रिटेशियस है और ये अपर गोंडवाना का है।
William Sonia is also a member of the Wills. William Sonia was a smaller tree, about 2 meter tall, and peanut wo leaf hai, ye tree hai, small tree hai. जैसे ये सी जो है स्मॉल ट्री है, और मिल सोनिया ये बी है, देखो कैसा पत्ती इसका जीव जीव होता है, और ए सी ये सिली एरिया है, तो ये तो यहाँ से रिपोर्ट ही नहीं किया गया है, जो कि ये लोअर गोंडवाना का है, ये अपर गोंडवाना का है. विलियम सोनिया अपर गोंडवाना का है, डिटिलोफाइलम ये अपर गोंडवाना का है. सिली एरिया कार्बोनिक फॉरेस्ट और परमियन है, तो लोअर ही खत्म हुआ. वार में लीव्स एट द ट्रंक हैड स्कॉर्स दैट mark the former position of skeleton. Helically arranged leaves, the sporangia, the reproductive organs were brown among the leaf bases on the trunk. It had a slender branching stem with leaves widely separated along the stems. Permian permineralized remains of Williamsonia have been reported from the Jurassic of India. जुरासिक टू क्रिटेशियस इसका एज है, तो इसका जाहिर सी बात है कि ये भी अपर गोंडवाना का होगा. विलियम सोनिया इज नोन फ्रॉम द यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड इंडिया. इंडिया से ये रिपोर्ट किया गया, इसलिए इम्पोर्टेंट है. अब एक इम्पोर्टेंट जो की मिनरल है अपर गोंडवाना, टीलोफाइलम. टीलोफाइलम में इसमें फाइलम में सिंगल एल होता है, लेकिन यहाँ पर डबल एल दिया, स्पेलिंग लिख रहे हो PTILO PHY डबल एल यू है लिखना. लीव जीनस, द लीफ इज कंपाउंड विथ ए रैचेस एंड न्यूमरस लैंसेकोलेट पिनियोल्स विथ एन इंटायर मार्जिन. द पिनियोल्स अटैच टू द अपर सर्फेस ऑफ द रैचेस ऑब्लिकली. द पिनियोल्स आर एसिमेट्रिकली अलाइन ऑन आइदर साइड ऑफ द रैचेस, हैविंग ए ब्रॉड बेस प्रोक्सिमली नियरेस्ट टू द एक्सिस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, द टेपर डिस्टली फार्देस्ट फ्रॉम द एक्सिस और पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इन टू एंड एक्यूट एपेक्स. फोर्किंग बिटवीन द पिनियोल्स अकर डिस्टली. पिनियोल्स हैड ए प्रोमिनेंट मिड रिब विथ वेन्स अराइजिंग फ्रॉम द इंटायर रीजन अटैचमेंट एंड रनिंग पैरेलल टू द मार्जिन. स्टेटिग्राफिक रेंज जुरासिक टू क्रिटेशियस है. इट इज नोन फ्रॉम साउथ अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप एंड साउथ अमेरिका है इसका. तो जुरासिक टू क्रिटेशियस इसका एज है. तो ग्लासोटेरिस क्या है? ग्लासोटेरिस लोअर गोंडवाना में है, टीलोफाइलम अपर गोंडवाना में है, और गैंगोटेरिस ऑप्शंस ऑन मिड रिब्स है. डेंड्रोक्रोनोलॉजी ट्री रीडिंग डेटिंग है ये है. अब ये जो है थोड़ा सा डिक्रोडियम को देखो यहाँ पे माना गया है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं है इतना, तो इसको ज़रा पढ़ने की जरूरत नहीं है. ये कोल से इसको वो किया गया है, मतलब कि कोरिलेट किया गया, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो सकता है. जैसे कालचीर जो है मोस्ट डोमिनेंट पार्ट ऑफ द कोल फॉर्मेशन. कालचीर ग्लेशियर करहरवटी ब्राकर बैरन रानीगंज में गैंगटोफेरस, ये रानीगंज लोअर का था, और ये ब्राकर है, करहरवरी है, कालचीर एंड ग्लेशियर तो लोअर, गैंगटोफेरस ग्लासोफिलिफेरा, फिर पांचेत, परसोरा, मलेरी, महादेवा मिडिल गोंडवाना में, जो पांचेत में डिक्रोडियम निल्सोनियन मिलना शुरू हो गया, तो पांचेत अपर गोंडवाना में ही माना जाएगा. और राजमहल है, फिर कोटा, फिर जबलपुर, उमिया, अपर गोंडवाना में टीलोफाइलम फ्लोरा मिला था. इसका भी वही कोई खास चीज नहीं है. अब आता है ट्राइलोबाइट्स. तो ट्राइलोबाइट्स को वैसे 1 घंटे का वीडियो हो ही चुका है, तो 1 घंटे का वीडियो हो गया ट्राइलोबाइट्स को. अब ये आगे पढ़ाते हैं कि ट्राइलोबाइट्स क्या होता है, तो थोड़ा 5 मिनट का ब्रेक ले लेते. ट्राइलोबाइटा इज आर्थोपोडा. आर्थो मीन्स ज्वाइंट एंड फुट. ट्राइलोबाइटा क्लास ट्राइलोबाइटा सबक्लास ट्राइलोबाइटा मॉर्फिया है. ट्राइलोप्लास्टिक कोलोमेटा ग्रेड विथ मेटामरस बॉडी प्लान होता है, और मैरिन होता है, बायलैटरल सिमेट्री होता है. एक्सटिंक्ट ग्रुप लिव्ड फ्रॉम कैम्ब्रियन टू परमियन है. इसमें 3 लोब्स होते हैं, और इसमें ट्रांसवर्स, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल. ये ट्रांसवर्स है, एक मिनट वो ले लें लेजर, ये इसका ट्रांसवर्स है, और ये इसका जो है लॉन्गिट्यूडिनल. ट्रांसवर्स जो है 3 पार्ट में, सेफलॉन, थोरेक्स एंड पीजीडियम. लॉन्गिट्यूडिनल जो है एक्सेल लोब सेंट्रली, और लेटरल लोब प्लूरल लोब जिसे बोलते हैं, और सेपरेट बाई ये फरोज बोलते हैं, और सेफलॉन को हेड पार्ट बोलते हैं. ये इसका सेफलॉन है यहाँ पे, ये थोरेक्स है, ये पजेडियम है, ये पोस्टीरियर साइड है, इंटीरियर साइड है, लेटरल और प्लूरल फ्लो ऐसे हैं. अगर ग्लाबिल्ला की बात करें तो ये इसका सेंट्रल पार्ट ग्लाबिल्ला है, ये इसका चिक होता है, ये इसका आई होता है,
ये बॉर्डर होता है, ये मार्जिनल सेगमेंट होता है, ये बॉर्डर जो होता है यहाँ से पूरा देखेंगे ये पीजीडीएम में या एक्सेल थोड़ा फरो से इसी थोरैक्स बोलते हैं, इससे क्लोन है। तो इसका फाइलम अर्थोपोडा है, क्लास ट्राइलोबेटा है, सब क्लास ट्राइलोबेटो में मॉर्फिया है, अर्थोपोडा अर्थोपोडा प्लस पोडा ज्वाइंटेड फूड है, ट्राइलोबेटा ट्राइलोब्लास्टिक है, कोलोमेट ग्रेड विथ मेटामेरस बॉडी प्लान है। इसका जो ग्रेड है बॉडी प्लान का मेटामेरस बॉडी प्लान है, आएगा तो टिक मार देना। एक्सक्लूसिवली मैरीन इनहेबिटेड है, कैरेक्टराइज्ड बाय ट्रेसेस ऑफ बायलैटरल सिमेट्री है। तो इसमें क्या मिलती है, बायलैटरल सिमेट्री मिलती है। ट्राइलोबाइट्स आर एक्सटिंक्ट ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिज्म रेंजिंग फ्रॉम कैम्ब्रियन टू परमियन। ट्राइलोबेटा मीन्स पोजिशन ऑफ द थ्री डिस्टिंक्ट स्लोप्स बोथ लॉन्गिट्यूडनली एंड ट्रांसवर्सली। ट्रांसवर्सल जैसे बताया था सिफ्लॉन होता है, एंटेरली होता है, जो एंटरली साइड प्लेस होता है, थोरस मीडियम होता है, पैजिडियम जो होता है प्लस पोस्टेरली साइड होता है। लॉन्गिट्यूडनल लोब तो दोनों में एक्सल लोब जो सेंट्रल होता है, और लेटरल लोब्स आर प्लोरान प्लेस बोथ साइड ऑफ द सेंट्रल एक्सल लोब होता है, ये दोनों जो होते हैं फरोज से सेगमेंटेड होते हैं। लॉन्गिट्यूडनल लोब्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय मीन्स ऑफ डीप डिफरेंस लाइंस कॉल्ड एज फरोज। इसमें जैसे कि उसको बता चुके थे कि एक्सेल लोब ये होता है, ये तुम्हारा लैटरल लोब्स होता है, थ्री एक्सेस होता है। अगर इसमें इसकी बात करें ग्लाबिल्ला की, तो ये ग्लाबिल्ला इसका सेंट्रल हेड का पार्ट, ये आई है इसका चिक है, ये सेफलॉन है, ये बॉर्डर है, मार्जिनल फ्लो है, एक्सेल थ्रो से ये प्लूरा है जो ये यहाँ पे है, और ये एक्सेल पीजीडीएम है, ये प्लूरा इस तरीके से है पीजीडीएम थोरेक्स। और इसी की बात इसमें करें कि एक्सेल सिगमेंट ये देखो ऐसे गया, अब प्लूरल सिगमेंट ये ऐसे गया, फॉर लाइक इसको स्ट्रक्चर जो कहते हैं, और पीजीडीएम विद सिगमेंट से ये पीजीडीएम है थोरेक्स है, और फैसल सुचर है, चेक ग्लाविल्ला है, एंटेरियो लैटरल बॉर्डर है। मॉर्फोलॉजी की बात करें कि सेफलॉन एंड एंटीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द ट्रांसवर्स लोब, बॉर्डर रेज पेरिफेरल पार्ट ऑफ द सेफलॉन एंड पीजीडीएम, ग्लाविल्ला सिफेरिक पोर्शन ऑफ द एक्सेल लोब, इट मे बी सिगमेंटेड पार्शियली और अनसिगमेंटेड। देर आर थ्री पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फिगरेशन ऑफ द ग्लाविल्ला, इज आइदर टचिंग द इंटीरियर बॉर्डर, मे बी शॉर्ट ऑफ इट, और मे एक्सटेंड बियॉन्ड द इंटीरियर बॉर्डर। तो अगर ग्लाविल्ला की बात करें कि ये मार्जिन से टच कर रहा है तो एंटीरियर नैरो है, ये वाइड तरीके से टच कर रहा है इस मार्जिन में इसका ग्लाबुला। सिगमेंटेशन ऑफ ग्लाबुला की बात करें कि जो ये ग्लाबुला है ये इसमें टच कर रहा है मार्जिन में, और इसके बाद ये एंटीरियर नैरो है थोड़ा सा, तो ये बहुत ज्यादा टच कर रहा है तो एंटीरियर वाइड है, और एंटीरियर लोब्ड है ये थोड़ा सा मार्जिन के बाहर निकल गया है। टचिंग इंटीरियर मार्जिन ये अंदर की तरफ टच कर रहा है, बिहाइंड मार्जिन मतलब कि पीछे से टच कर रहा है, इसमें जो नस्टस ब्लाइंड ट्राइलोमेटा टाइप के मिलते हैं। और सिगमेंटेड की बात करें तो देखिए ये सिगमेंटेड है, ये पार्शियली सिगमेंटेड, ये जो लाइन्स ऐसे हैं सिगमेंट है बना हुआ है, और अनसिगमेंटेड है ये। तो इसमें कुछ टर्म्स हैं जैसे ओसीपिटल नोड पोस्टीरियर मोस्ट ग्लाबुलर सिगमेंट को बोलते हैं, फिक्सी जीना फिक्स चिक्स इनर पोर्शन ऑफ चिक्स फिक्स विद द ग्लाबेला, लिबरी जीना फ्री चिक आउटर पार्ट ऑफ द चिक इज मूवेबल ऑन फिक्स चिक्स। लिबरी जीना फ्री चिक्स आउटर पार्ट ऑफ द चिक इन मूवेबल ऑन फिक्स चिक, लिबरी जीना बोलते हैं। क्रैनिडियम बोलते हैं पोर्शन फॉर्म बाय द ग्लाबेला एंड फिक्स चिक्स। जीनल एंगल एंगल सबटेंडेड बाय इंटीरियर लेटरल एंड पोस्टीरियर मार्जिन। जीनल स्पाइन होता है पोस्टीरियरली एक्सटेंडेड जीनल एंगल। आइस होता है विजुअल एरिया लोकेटेड आइदर साइड ऑफ द ग्लाबेला ऑन फिक्स चिक। हाइपोस्टोम होता है प्लेट ऑन वेंट्रल साइड ऑफ द सिफलॉन इन फ्रंट ऑफ माउथ होता है। रोस्ट्रम होता है स्मॉल सीड लाइक एलिवेटेड लाइक पार्ट इन फ्रंट ऑफ हाइपोस्टोम होता है। फेसियल सुचर क्या होता है, फेसियल सुचर टू डिफरेंस लाइन ऑन आइदर साइड ऑफ द ग्लाबेला सेपरेटिंग फ्री चिक्स एंड फिक्स चिक्स ऑन डॉर्सल साइड ऑफ द सेफलॉन। तो फेसियल सुचर का काम होता है कि एक तरह का टू डिफरेंस लाइन ऑन आइदर साइड ऑफ द ग्लाबेला होता है, और सेपरेटिंग फ्रॉम फ्री चिक्स एंड फिक्स चिक्स यानी कि फिक्सी जीना से लेबरी जीना को अलग करता है ये। दीज आर द फाइव टाइप्स ऑफ द फेसियल सुचर इन ट्राइलोबाइट एज प्रोटोपेरियन प्रोपेरियन अपिस्टोपेरियन एंड ग्रोटोपेरियन एंड हाइपोपेरियन। तो अलग अलग का देखते हैं, जैसे कि इसमें प्रोपेरियन है, प्रोपेरियन ये है और प्रोटोपेरियन ये है, तो क्या होता है देखते हैं। प्रोटोपेरियन का ओलेनस एग्जाम्पल होता है, सूचर इज ए मार्जिनल टू सिफलॉन, सूचर इज ए मार्जिनल टू द सिफलॉन। ये देखो ये सूचर यहाँ से मार्जिनल होते हुए
सिफ्लॉन से निकला है और चिप इज अनडिवाइडेड, आईज आर प्रेजेंट एंड दे टुगेदर फॉर्म द एंटायर कैरियन। यहाँ से ये प्रोटोकैरियन है ना, ये यहाँ से निकला है और इसमें फ्री और फिक्स चिक्स डिवाइड नहीं होता, आई प्रेजेंट होता है। और यहाँ से ग्लैबुलर, यहाँ पे देखो ये अपने मार्जिन पे कट कर रहा है, यहाँ पे मीट कर रहा है। सेफलॉन अपॉन द प्रोपेरियन सुचर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द इंटीरियर एंड एंडिंग इन फ्रंट ऑफ जीनियल एंगल। प्रोपेरियन जो है ओरिजिनेटिंग फ्रॉम प्रोपेरियन जो है ये सूचर ओरिजिनेटिव फ्रॉम द इंटीरियर एंड एंडिंग फ्रंट ऑफ जीनियल एंगल है, एंडिंग इन फ्रंट ऑफ जीनियल एंगल है। और गोनोटोपेरियन जो है इस तरीके से होता है, गोनोटोपेरियन फेसल सूचर एंडिंग एट द जीनियल एंगल एंड क्लाइमे मीन इसका एग्जांपल है। और इसका प्रोपेरियन का डेलामैक्स एंड फोकॉक्स है। तो प्रोटोपेरियन का था सूचर मार्जिनल टू सेफलॉन, चेक इज अनडिवाइडेड, आईज आर प्रेजेंट एंड टुगेदर फॉर्म्स द क्रेनियम, इसका एग्जांपल इलोनस है, हम देख चुके हैं। अब प्रोपेरियन सूचर जनरेटिव फ्रॉम द एंटीरियर एंड एंडिंग इन द फ्रंट ऑफ जीनियल एंगल, इसका एग्जाम्पल जो प्रोपेरियन का फोकॉक्स है, इस तरीके से है ये प्रोपेरियन। इंटीरियर एंडिंग एट द फ्रंट ऑफ जीनियल एंगल। अब इस्टोपेरियन सूचर लाइक द प्रोपेरियन बट एंडिंग पोस्टीरियर टू जीनियल एंगल एट पोस्टीरियर मार्जिन, इसका एग्जाम्पल आइसोटेलस है। गोनोटोपेरियन फेसल सूचर एंडिंग एट द जीनियल एंगल, लाइक कैलेमीन है इसका एग्जाम्पल। अब इस्टोपेरियन ये फिगर थोड़ा सा डाउटफुल है, इसको अभी आगे देख लेंगे। फिगर कैलेमीन इसके एग्जाम्पल, हाइपोपेरियन मार्जिनल बट ऑन वेंट्रल साइड विदाउट आइट्स, एग्जाम्पल मार्जिनल ऑन आइदर साइड विदाउट आइज, एग्जाम्पल पैराहर्ब्स, तो पैराहर्ब्स इसका है। थोरेक्स क्या है, थोरेक्स मिडिल पोर्शन ऑफ द थ्री ट्रांसवर्स लोब सेगमेंटेड पोर्शन एंड सेंट्रल सेगमेंट इज कॉल्ड एक्सल सेगमेंट एंड टू लेटरल प्लूरल सेगमेंट, ये होता है एक्सल एंड प्लूरल सेगमेंट आर मूवेबल अलॉन्ग जॉइंट्स होता है। पीजीडीएम है, पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द ट्रांसवर्स लोब विच मे बी सेगमेंटेड और पार्शली सेगमेंटेड और मे बी अनसेगमेंटेड, द साइज ऑफ द पीजीडीएम इज वेरिएबल व्हेन कंपेयर्ड विद द साइज ऑफ द सेफलॉन एंड ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। माइक्रोफाइगस जो स्मॉल साइज पीजीडीएम, एग्जाम्पल पैराइट ऑक्साइड है। हेट्रोफाइगस लार्ज बट स्टिल स्मॉलर देन द सेफलॉन है। आइसोफाइगस पीजीडीएम एंड सेफलॉन आर इक्वल साइज है। मैक्रोफाइगस पीजीडीएम इज लार्जर देन द सेफलॉन है। माइक्रोफाइगस है ये, आइसोफाइगस है, मैक्रोफाइगस है ये। बीचर क्लासिफाइड ट्राइलोबाइट इन द फाइव ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ द ऑन्टोजेनी एज शोन बाय द वेरियस स्टेज ऑफ ग्रोथ, नेचर ऑफ सेफलॉन पीजीडीएम और बोथ, नेचर एंड पोजिशन ऑफ द फेसियल सूचर, नंबर ऑफ थोरैक्स सेगमेंट्स, नेचर एंड प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ आइस, इस तरीके से डिवाइड किया गया है इसको, इसको ट्राइलोबाइट्स को। तो ऑर्डर एग्जिस्टा स्मॉल आई लेस आइसोफाइगस एब्सेंस ऑफ फेसियल सूचर टू और थ्री थोरैक्स सेगमेंट्स, एग्जांपल एग्जिस्टस ए लोअर कैम्ब्रियन टू ऑटोविशियन है। ऑर्डर इरोडेसिका आइसोफाइगस है। प्रोपेरियन आइसोफाइगस मतलब किसका, जो पीजीडीएम है उसके सेफलॉन के बराबर है। प्रोटोपेरियन है जो मार्जिन पे कट करता है और वहां से सेफलॉन के मार्जिन से जीनियल एंगल पे कट करता है। सूचर आइस में प्रेजेंट और मे नॉट बी प्रेजेंट, एग्जांपल यूडिसिगस ए लोअर टू मिडिल कैम्ब्रियन है। ऑर्डर प्रोपेरिया प्रोपेरियन है ये, इंक्लूड्स ए फॉर्म विद द प्रोपेरियन सूचर, आइस आर प्रेजेंट एंड एग्जांपल फोकस कैलेमीन एंड एज ऑटोबिशियन टू डिवोनियन है। अपिस्टोपेरियन जो है ये इंक्लूड लार्ज नंबर ऑफ फॉर्म्स विद अपिस्टोपेरियन सूचर, माइक्रोफाइगस न्यूमरस थोरैक्स सेगमेंट्स, एग्जाम्पल पैराडॉक्साइड्स, लोअर कैम्ब्रियन इसकी एज है, लोअर कैम्ब्रियन टू परमियन इसके। ऑर्डर ओलेनिलिडिया मेसोनासीडा लार्ज सेफलॉन लार्ज आइज 27-30 थोरैक्स सेगमेंट्स, माइक्रोफाइगस है। यू विल सी ट्रेंड्स ऑफ ट्राइलोबाइट्स,
There are two types of velocity trends in the trilobite, generally observed as a natural structural modification and adaptive modification. Structural modification changes in glabella in primitive forms of lower Cambrian time glabellar furrows are distinct and extended from one side to the another. With course of time, evolutionary changes cause a disappearing of the glabellar furrows and leads to the smoothing of the glabella, which utilize in easy burrowing life habit. Example, Elanus and Homo lonatus. और ये वाला सीक्रेट आप ग्लाबेला जैसे कि किस तरीके से चेंजेस इसमें हुआ है देख सकते हैं। जैसे पहले सेगमेंटेड था, फिर ये सेगमेंटेड अनसेगमेंटेड हुआ, फिर इस तरीके से हुआ। चेंजेस इन आईज डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द साइट्स लीड्स टू द मॉडिफिकेशन ऑफ आईज सच एज लो साइट इंटेंसिटी इन डीप वाटर कंडीशन, बोरिंग मोड ऑफ लाइफ एंड इंटेंस लाइट कंडीशन इन शॉलो वाटर कंडीशन। First two conditions lead to the loss of eyes by disintegration. A peak evolution is seen in Azelina, where a large hemispherical eyes occupy the entire cheek region to provide vision in all directions, and this is an adaptation to four plagic mode of life in which dander can be approached from all the directions. Change in thorax. Primitive trilobites have large number of thoracic segments, 45 or more. Example, Olenus. With advancement of pelagic era, a marked reduction in the number of the thoracic segment took place up to 2 to 3. Example, Agnostus. Change in pygidium. Pygidium was absent in primitive form. Example, Nevadia. Leads to epigous condition. Later on, the few segments of the thorax fused together to give rise to pygidium. Later on, microphagous, heterophagous, and isophagous and macrophagous condition taken place. Now, this process of formation pygidium is called caudalization, and the anal aperture of pygidium is called telson. Pygidium was as a propeller. जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, टेलोबर्ट्स कम इन टू एग्जिस्टेंस इन कैम्ब्रियन, मैक्सिमम डेवलपमेंट अटेंड इन ऑर्डोविसियन, इट्स नंबर स्टार्टेड रेडिएशन फ्रॉम सिलूरियन ऑनवर्ड्स, रेयर इन कार्बोनिफेरस एंड बिकेम एक्सटिंक्ट इन एंड ऑफ द परमियन, ओल्डेस्ट नोन ट्रेलोबर्टा इज नेवाडिया। एक डाइसेस एंड ऑन्टोजेनी, trilobites began its from an egg, then larva was eventually hatched from the egg, and larval stage of the trilobite grew through periodic molting. Some important fossils: Agnostus, small body isophagus from eyes absent, and two facial suture, corneal to thoracic segment, example lower Cambrian to Ordovician. Trinacles, large head, sealed genial spines, inflated glabella present, eyes absent, facial suture index is 6, thoracic segment, small triangular pygidium is Ordovician. Olenellus, large semi-circular head, sealed genial spines, wide glabella, 14 thoracic segments, spine-like elongated pygidium, example lower to Cambrian. Paradoxide, large body elongated and narrowed and posteriorly in semi-circular and large cephalic, sealed broad inflated glabella, long genial spines, large eyes, 22 thoracic segment, pleural spines, long plate-like microphagous pygidium, example middle Cambrian. Olenus, oval body, large head, sealed eyes in the middle of the cheeks, 15 thoracic segment, small pygidium, example age of upper Carboniferous to Ordovician. Olenus is प्रोटोपेरियन का भी है। कैलेमीन जो है सेमी सर्कुलर लार्ज हेड सील्ड ग्लाबेला इन फ्लैटेड स्मॉल प्रोमिनेंट आईज 13 सेगमेंट्स इन थोरैक्स एक्सिस प्रोमिनेंट कोनो क्रॉप्स शेप जिनल एंगल्स एंड प्लूरान एंगल्स राउंड 6 to 8 सेगमेंट्स इन पिजिडियम एज ऑर्डोविसियन सिलेरियन एसएफएस ओवल बॉडी लार्ज सेमी सर्कुलर सेफलॉन राउंड genial angles, indist glabella, large eyes and free cheeks, isophagus, 8 thoracic segments, age Ordovician to Silurian, Fakhoff's large prominent semicircular cephalon,
well marked glabella, distinct furrows, large eyes, 11 thoracic segments, small prominent pygidium, jammer protubescent to tibonium. Philippicia, oval body, glabella with parallel sides, free cheeks and eyes are large, 9 thoracic segments, semicircular pygidium with 12 segments, example Devonian to present, proiectus similar to Philippicia with a few segments in pygidium, edge adolescent to Permian, Paragomia and adolescent blind trilobites. इसमें एक चीज ये important है कि जो इसका यूनिवर्सिटी पीरियड का जो ये चीज इम्पोर्टेंट है कि ये इसको प्राणी की प्रैक्टिस कर ले कि कैसे कैसे ये बनेगा और ये याद कर लीजिए प्रोटोपेरियन का ओरिनस एग्जांपल है, प्रोपेरियन का डेरिवेटिव फॉकस है, अपिस्टोपेरियन का आइसोटेलस है, ग्रोटोपेरियन क्लेमिन है, हाइपोपेरियन का पैराहेरप्स है और इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं जैसे कि अगर इसमें ऐसे देखें कि फेशियल सुचर इन ट्राइलोबाइट ये चीज इसमें जो ये है हाँ ये चीज को थोड़ा सा और कर देते हैं ये इसमें इम्पोर्टेंट है कि इसमें प्रोपेरियन और ये ऑपिस्टोपेरियन में थोड़ा सा डाउट था और फिर अलॉन्ग द हिंद सेफालिक मार्जिन अलॉन्ग द हिंद सेफालिक मार्जिन पे है एडेक्सियल टू द जीनल एंगल भी है एंड पोस्ट मोस्ट पाचिपोरमेरिया तो ये चीज इसका है ऑपिस्टोपेरियन का एग्जाम्पल क्या था अफिस्टोपेरियन का एग्जाम्पल था आइसोटेलस अग्रोटोपेरियन कैलिमीन प्रोटोपेरियन ओरियनियस और प्रोपेरियन का फाकास तो ये यहां तक तो हो गया फिर आता है ये कुछ है जो इसको अगर जूम करके देखना चाहें तो जूम करके देख सकते हो कि जैसे कि एक्वाडेस था जैसे मोस्टली ब्लाइंड है एक्वाडेस योडिस्कस है लोअर टू अपर कैम्ब्रियन है लोअर कैम्ब्रियन टू अपर ऑर्डोविशन है ब्लाइंड है ओलिनस है जबकि तुम्हारा ओलिनस किसका था प्रोटोपेरियन का प्रोपेरियन का था और क्लेमिन तो आइसोट उसका वो था अपिस्टोपेरियन का था और इसमें जो सबसे ज्यादा सेगमेंट होते हैं पैराडॉक्साइट का होते हैं जिसमें 48 फरोस होते हैं तो ये एक तरह का है इसको जूम करके पास करके देख सकते हैं अब ब्राचिपोडा फाइलम्स की बात करते हैं तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक ब्राचिप आर्म लोफोफोर एंड पोडा मींस फूट So the organism characterized by the arm and foot is called a brachiopods. Brachiopod is a phylum. They first appear in the beginning of the Cambrian and become abundant in the early Ordovician, exclusively marine and sessile. Morphology, these are the characterized by triloblasty colomate grade with oligomerous body plan. Lophophores, soft part of the organism such as pedicle, heart-like, organs, nerves, ring collectively known as the lophophore. Lophophore occurs in pairs with cilia hair-like growth on skin and used for gathering the food. Heart part of the organism known as the cell. Lophophore is the brachiopoda ka jo most important organism hota hai lophophore. Lophophore is enclosed by a thin skin is called a mantle and the space occupied by either side of the mantle is called mantle cavity. Primarily, brachiopoda has two walls. The walls are unequal and equilateral.
इक्विलेटरल का मतलब होता है हर साइड से बराबर ग्रोथ हुई है और अनइक्वल में दोनों वॉल जो है बराबर नहीं है। गिविंग राइज टू द बाइलेटरल सिमेट्री अबाउट द प्लेन, जिसमें बाइलेटरल सिमेट्री होती है, प्लेन ड्रॉ परपेंडिकुलर द लाइन ऑफ द कॉन्टेक्ट ऑफ टू वॉल्स। ये इसका ब्रैचियोपोडा का एक टिपिकल मॉर्फोलॉजी है। ये इसका थोड़ा सा और जाके आगे है, ये इसका इनफॉर्मल है, इसमें यहाँ पर होकर के जमीन में छुप के रहता है, ये यहाँ पे चिपक के रहता है। इसके एपिफोनल है, पेडिकल है, ये बरो से पेडिकल है, अटैच्ड है, सी फ्लोर है। और ये एंटीरियर साइड है इसका, ये अम्बो है, पोस्टीरियर लाइन ऑफ द बायलेटरल सिमेट्री है, डोर्सल व्यू है इसका, पोस्टीरियर ये है। स्मॉल बॉल इज वॉल इज कॉल्ड डॉर्सल वॉल एंड द ब्राचियल स्केलेटन अटैच्ड टू इट, सो आल्सो नोन एज द ब्राचियल वॉल। लार्जर वॉल इज ए वेंट्रल वॉल एंड द पेडिकल कम्स आउट थ्रू दिस वॉल आर नोन एज द पेडिकल वॉल। अम्बो पोस्टीरियर प्रोटर्बेंस राउंडेड अपार्ट विथ स्टिक्स आउट फ्रॉम द सर्फेस ईच वॉल। इट्स क्वाइट ऑब्वियस दैट अम्बो ऑफ वेंट्रल वॉल विल बी लार्जर। बिग पॉइंट एक्सट्रीम एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ अम्बो इज कॉल्ड बिग। ये स्फेरिकल का एक, ये पेडिकल है, ये वेंट्रल वॉल है, पेडिकल वॉल, मेडिकल सल्कस। सल्कस में क्या होता है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ होता है, कॉन्वेक्स होता है, और पेरियल जो होता है डिप्रेस होता है, कॉन्वेक्स होता है, कॉन्केव होता है। एंटीरियर लाइन ऑफ द बेसिक स्मॉलर वॉल इज कॉल्ड डोर्सल वॉल एंड द ब्राचियल स्कैटर टेस्ट पॉइंट इज नोन एज द ब्राचियल वॉल। लार्जर वॉल इज वेंट्रल वॉल एंड पेडिकल कम्स आउट थ्रू दिस वॉल, सो नोन एज द पेडिकल वॉल। अम्बो पोस्टीरियर प्रोटर्बेंस राउंडेड पार्ट विच स्टिक्स आउट फ्रॉम ए सर्फेस ऑफ ईच वॉल। इट्स क्वाइट ऑब्वियस दैट द अम्बो ऑफ वेंट्रल वॉल विल बी लार्जर। बिग पॉइंटेड एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ अम्बो हिंज लाइन लाइन ऑफ जंक्शन ऑफ टू वॉल एट पोस्टीरियर मार्जिन इट मे बी स्ट्रेट और कर्व। तो पोस्टीरियर मार्जिन पे लाइन जॉइनिंग पॉइंट जंक्शन कमीशन जो होता है इंटीरियर मार्जिन पे होता है। तो ये लाइन जॉइनिंग पॉइंट ऑफ द टू वॉल्स होता है। एरिकल्स ईयर लाइक प्रोजेक्शन फ्रॉम हिज लाइन सेल विच बियर्स आर्टिकुलस कॉल्ड एलेट। पेडिकल फ्लैसी स्टैक्स कॉल्ड पेडिकल यूज टू अटैच विथ सबस्ट्रेटा। डेल्थीरियम पेडिकल ओपनिंग थ्रू ए ट्राइंगुलर ओपनिंग एग्जाम्पल आर्थिस। डेल्थीरियम डेल्थीरियम इज क्लोज बाई ए मीन ऑफ टू कैल्साइट प्लेट्स इज कॉल्ड डेल्थीरियम। ये इसका डेल्थीरियम टू ये डेल्थीरियम जो होता है कॉन्स्ट्रक्शन में क्लोजिंग मसल्स से काम करता है और क्लोज बाई मीन ऑफ टू कैल्साइट प्लेट्स इज कॉल्ड बाई डेल्थीरियम। और फोरामिन जो होता है इसके बीच में एक ट्राइंगुलर शेप में एक सर्कुलर ये होता है, तो दो डेल्टेरियम प्लेट के बीच में बनता है उसे फोरामिन। फोरामिन इनवर्ड ग्रोथ ऑफ डेल्टेरियम ड्यू टू एडिशन ऑफ टू मटेरियल लीड्स टू द कोलैप्स ऑफ दीज टू प्लेट्स गिविंग राइज टू द सर्कुलर ओपनिंग विच इज कॉल्ड फोरामिन। कमीसर जो होता है एंटीरियर से लाइन जॉइनिंग अलॉन्ग टू वॉल्स आर ज्वाइंट टूगेदर एंटीरियरली जो होता है वो कमीशर होता है, टाइप्स ऑफ कमीशर प्लीका। वेन कमीशर अप थ्रोन क्रिएटिंग राइज इन कमीशर इज कॉल्ड प्लीका। सुल्क में कमीशर डाउन थ्रोन क्रिएटिंग डिप्रेशन इन कमीशर इज कॉल्ड सल्कस। सल्कस हमेशा इस तरीके से होता है, जैसे सल्कस जो होता है इस तरीके से डिप्रेशन लाइक होता है और पलिका जो होता है ऐसे होता है। तो ये कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर होता है, कॉनकेव, और ये कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर होता है। तो ये जैसे सल्कस है, ये एक बाई सल्कस है, दो सल्कस मिल रहा है, और ये यूनि सल्कस है, ये रेक्टेंगुलर है, ये पलिका है, एक सिंगल है, यूनि पलिकेट, बाई पलिकेट दो है, इस तरीके से मल्टीपलिकेट है। ये सब ब्रैचियोपोडा में मिलता है इस तरीके से, कैसे कैसे इसका बना है, ये सब मॉर्फोलॉजिकल फीचर शेप ऑफ द सेल है। ब्रैचियोपोडा एंड क्लासिफिकेशन, ब्रैचियोपोडा क्लासिफिकेशन एंड सिग्निफिकेंस है। अडक्टर एंड एडक्टर मसल क्या होता है, दीज मसल हैव द ऑर्गेनिज्म टू ओपन एंड क्लोज आउट द वॉल। अडक्टर मसल्स बोथ द वॉल्स आर क्लोज्ड बाय द मीन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अडक्टर मसल। डिटेक्टर मसल ये होता है कि बोथ द वॉल्स आर ओपन बाय द मीन ऑफ एक्सटेंशन ऑफ डिटेक्टर मसल। ब्रैचियोपोडा हैव क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिशन सिस्टम एज क्लास इन आर्टिकुलेटा फॉर्म्स विदाउट डेंटिशन सिस्टम।
class articulator forms with present dentition system. In articulator मतलब कि forms without dentition system. Atremata means absent, trema means opening, eta means characterized by. So all these inarticulate forms which are characterized by absence of pedicle opening. Lingula and trimela is Cambrian to recent. Neotremata forms possess pedicle opening in younger stage only. Example, Dicina is Cambrian to recent. Articulata forms with dentition. Periotremata older forms with pedicle opening. Example, Rustela is lower Cambrian. Proteremata forms with pseudodelterium when delterium is closed by only one calcite plate in young stage. Example, Productus is Cambrian to Cretaceous. Tuletremata forms which have highly modified pedicle opening and brachial skeleton. Example is prefer Silurian to Permian. Articulata forms with dentition system. Paleotremata older forms with pedicle opening. Example Rustela is lower Cambrian. Or Protremata forms with pseudodelterium when delterium is close by only one calcite plate in young stage. Teletromata forms which have been highly modified pedicle opening and brachial skeleton. Example is spherical Silurian to Permian. Cambrian to Cretaceous ये इसके protomata इसका वो है articulata है जिसमें dentition system है. Neotromata forms possess pedicle opening in younger stage. तो neotromata neo मतलब यही होता है Cambrian to recent है और इसका जो है tetra में लिंगोला एंड ट्रेमेला इसके मेट्रोडिशन लिंगोला में भी दांत नहीं होता है. इकोलॉजी की बात करें ब्रासियोपोडा की तो पेडिकली अटैच्ड ब्रासियोपोडा अटैच टू द सी फ्लोर बाय मींस ऑफ पेडिकल ऑन जनरली डेड ऑर्गेनिज रॉकी बॉटम. व्हेन ब्रासियोपोड्स बरीड अंडर सैंड दे यूज पेडिकल एज एलिवेटर पुश देमसेल्फ अपवर्ड. पेडिकल अटैचमेंट इज इनफ स्ट्रांग टू विदस्टैंड ए सब टाइडल करंट. Encrusted when articulate forms attach themselves to the substrata with help of the ventral wall strophominates. Semi-infernal and semi-burrowing inarticulate forms live in the partially buried condition. Free lying when brachiopodous lying on the ocean floor when pedicle opening is closed. Example is spiripeds and orthids. Significance. Ornamentation smooth surfaces are better adapted for current water condition where the smoothness of cell minimize the friction and enhance stability. Ornamented cells are more resistant to hydrostatic pressure. Example Rinconella. Commissures इसमें मिलता है. Commissures क्या होता है बताए थे. Line joining point of the valve at the interior side. Rectimarginate commissure is the adaptation of the high energy condition so that used water can move away from the interior outlet. State अगर commissure होता है तो वो बहुत high energy का. Folded commissure is suggested that the organism live in low energy condition. Zigzag commissure adaptation high turbidity and high energy condition. Zigzag ऐसे होता है तो यहाँ पे खाना फंस जाता है किसी को खा लेता है जाकर के. और state है तो high energy और अगर कर्व ऐसे है तो लो एनर्जी को शो करेगा. पेडिकल ओपनिंग लेंथ एंड थिकनेस ऑफ द पेडिकल स्टक डिपेंड्स अपॉन द प्रिवेलिंग एनर्जी कंडीशन. एज पेडिकल विल बी शॉर्ट एंड थिकर इन केस ऑफ हाई एनर्जी कंडीशन. पेडिकल विल बी लार्ज एंड थिनर इन केस ऑफ लो एनर्जी कंडीशन. ठीक याद रहेगा. साइनेटिक एक्सक्लूसिवली मेरिन होता है. स्टेनोफाइलाइन दे डोंट टॉलरेट चेंज इन सैलिनिटी. Some important fossil lingula thin ovate cell which tapers bones in line thickened and artificial to recent. Dicina convex cell surface is smooth or with growth edge artificial to present hota hai. Dicina convex cell surface is smooth or with growth line edge artificial to present. Productus cells hota hai with spines radiating lines.
Instead, in line with ears, cell broad dorsal wall concave, ventral wall convex with sulcus cambriae to Permian. Synergic quaternary tertiary mesogic मुझे टेरिबर्चुला और ये सब चीज कुछ इसका वो है एज दिया हुआ है. लिंगोला जो है कैंटियन में था, पेंटा मेरियस सिडोरियन में था. सब देख लेना बाद में. कुछ इम्पोर्टेंट फॉसिल है ब्राचियोपोडा के, अगर इसको देखें चोनेट से कॉनकेवो कॉन्वेक्स सेल विच स्टेट हिंज लाइन एंड हिंज एरिया स्पाइंस ऑन द वेंट्रल डेंट्रिकल कवर बाय रिफ एस सिलोरियन टू परमियन. स्ट्रोफेनोमिना सेमी सर्कुलर सेल विद स्टेट हिंज लाइन एरिया प्रेजेंट एग्जाम्पल ऑटोविशियन टू सिलोरियन. ऑर्थेसिस प्लेनो कॉन्वेक्स सेल विथ वाइड स्टेट हिंज लाइन एरिया एंड डेल्टेरियम शार्प एंड डिस्क प्रेजेंट ऑटोविशियन टू सिलोरियन. स्फेरिकल ट्रांसवर्सली एक्सटेंडेड सेल ट्राइंगुलर विथ लॉन्ग हिंज लाइन एंड ईयर्स एरिया प्रेजेंट सर्फेस विथ फाइन रेडियल डिस्क पनिका एंड सल्कस एग्जाम्पल सिलेरियल टू परमियन. एथेरस से इलेप्टिकल कॉन्वेक्स सेल्स विथ कर्व इन लाइन कॉन्सेंट्रिक लाइन्स ए डिवोनियन टू कार्बोनिफर. एट्रापास सब सर्कुलर सेल वेंटर वॉल कॉन्वेक्स नियर हम्बो डिफेटेड इन फ्रंट ऑफ डॉर्सल वॉल इन्फ्लेटेड फोरामेन प्रेजेंट. फोरामेन क्या होता है, ऐसे सर्कुलर होता है ना, ये दो डेल्टेरियम है इसी के बीच में गोल सा बन गया, तो इसी को फोरामेन बोलते हैं. फोरामेन प्रेजेंट होता है एट्राफाटोविशियन टू डोवेनियन. रिंकोनेला इंपॉर्टेंट है ट्राइंगुलर सेल विथ, क्योंकि इस पर ऑर्नामेंटेशन मिलता है, सूचर लाइन मिलती है. लाइन एंड टंग्स लाइक प्रोजेक्शन इन द इंटीरियर इन अम्बो स्मॉल एंड कर्व. अम्बो स्मॉल एंड कर्व ये हाई एनर्जी को शो कर रहा है. डेल्टेरियम एंड डेल्टेरियम प्रेजेंट सरफेस विथ स्ट्रॉन्ग रिस फोरामेन प्रेजेंट अपर टू जुरासिक. टेरिबेचुला ये भी इंपॉर्टेंट है. बाई कॉन्वेक्स सेल्स एलोंगेटेड पेडिकल ओपनिंग प्रेजेंट कर्व हिंज लाइन इंटीरियर मार्जिन विथ सिंगल फोल्ड एग्जाम्पल इओसिन टू प्लियोसिन. टेरेब्राचुलिना सेल सिमिलर टू टेरेब्राचुला रेडिएटिंग रिब्स एंड इंटीरियर मार्जिन विथ टू फोल्ड एग्जाम्पल जुरासिक टू प्रेजेंट है. पेंटामेरस लार्ज स्मूथ ओवर आउटलाइन सेल हाईली कॉन्वेक्स बीक्स स्ट्रांगली इनकर्व्ड ओवर शॉर्ट एंड कर्व हाई लाइन एग्जाम्पल सिलोरियन. कॉन्सीडियम सिमिलर टू द पेंटामेरस बट इज मोर ग्लोबस एंड हैज स्ट्रांग रिब्स एज अपर ऑटोविशियन टू सिलोरियन है. फाइलम मोलस्का मोलस्का मीन्स सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स. दिस फाइलम इंक्लूड स्नेल्स मसल्स कटलफिश ऑक्टोपस एक्सेट्रा. सो ए वैरायटी ऑफ मोड ऑफ लाइफ एज मैरीन बेंथिक सेसाइल एंड मोबाइल नेक्टिक फ्रेश वाटर टेरेस्ट्रियल. डेवलपमेंट ऑफ जेट प्रोपल्शन सिस्टम इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स स्पेसिफिकली ऑर्गेनिजम्स ऑफ क्लास सेफलोपोडा. तो मोलस्का में एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, इसको हाईलाइटेड कर देते हैं दूसरे कलर से. सो वैरायटी ऑफ मोड ऑफ एज मैरीन बेंथिक सेसाइल मोबाइल एंड नेक्टिक भी होती है. ये नेक्टॉन मतलब कि ऐसे पानी के बहाव के दूसरे साइड में भी बह सकता है, एक्टिव स्विमर जिसे बोलते हैं. और फ्रेश वाटर सॉफ्ट बॉडी पार्ट्स फाइलम इंक्लूड्स मसल. और ये कहाँ गया एक चीज इसका बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट जेट प्रोपल्शन सिस्टम इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द सेफलोपोडास. क्लास टू बी कंटिन्यूड से बाइवॉल्विया पढ़ना है, सेफलोपोडिया पढ़ना है, फिर गैस्ट्रोपोडा पढ़ना है. और पेल्सिपोडा जिसका नाम है ब्लैमी ब्रांचिया भी है, बाइवॉल्विया भी नाम है. तो पेल्सिपोडा में जो प्लाउस सेट ये एक्चुअली में ये यहाँ पे गलती से आ गया है. डेवलपमेंट जेट प्रोपल्शन सिस्टम ये सेफलोपोडा की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है जेट प्रोपल्शन सिस्टम. तो बायोवाल्विया सेफलोपोडा फिर गैस्ट्रोपोडा के बारे में पढ़ेंगे. तो पहले बायोवाल्विया पढ़ते हैं जिसका नाम है पेल्सिपोडा भी है, लैमेली ब्रांचिया भी है. बायोवाल्विया में पेल्सिपोडा प्लाउस सेप फूड एक्सेप होता है. लैमेली ब्रांचिया लीफ लाइक गिल्स जनरली वन पेयर ऑफ गिल्स. लैमेली मीन्स लीफ लाइक एंड ब्रांचिया मीन्स गिल. वो ब्रांचिया था जिसमें सेल बोलते थे इसको, ये ब्रांचिया है. बायोवाल्विया मॉडर्न नेम से दिस नेम इज गिवन टू द ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस क्लास ड्यू टू द पोजिशन ऑफ टू इक्वल वॉल्व बट सेल इज इनइक्विलेटरल. बता चुके हैं
कि बाई वाल्व या जो होता है इसमें, जो पहली बात तो इसमें इनइक्विलेटरल वाल्व होता है, मतलब कि इसका जो ग्रोथ जो हुआ है वाल्व का यूनिफॉर्म नहीं हुआ है, लेकिन जो दोनों वाल हैं वो बराबर होते हैं, तो इसमें इनइक्विलेटरल होते हैं, टू इक्वल वाल एंड, और उसमें अनइक्वल वॉल बट इक्विलेटरल होते हैं, इसलिए बाइलेटरल सिमेट्री होती है। बाइलेटरल नेम वाज गिवन बाय लेनियोनस इन 1758। सेल हार्ड स्केलेटन पार्ट, सेल उसका हार्ड पार्ट को सेल बोलते हैं, सिन बोथ वाज आर इक्वल एंड आइडेंटिकल दे शो बाइलेटरल सिमेट्री, वे सिमेट्री प्लेन पासिंग अलोंग ए बिटवीन टू आइडेंटिकल वॉल्स। इससे अभी ब्रासियोपोडा और बाइवाल्विया में क्या डिफरेंस है इसको अभी हम लोग देखेंगे अच्छे से। स्टडी ऑफ सेफ ऑर्गेनिज्म, मॉर्फोलॉजी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द एनवायरमेंट, द सेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ थ्री लेयर्स, द आउटर लेयर कॉल्ड पेरिस्टोक्राम मेड अप ऑफ चिटिन, द मिडिल प्रिज्मेटिक लेयर कॉल्ड ऑस्ट्राकॉम मेड अप ऑफ ए कैल्साइट और ऑरेगोनाइट, द इनर लेयर कॉल्ड हाइपोस्ट्राकॉम मेड अप ऑफ अल्टरनेट लैमली ऑफ चिटिन एंड कैल्साइट, लेफ्ट वॉल अपर कोलम प्रेस्टो कोलम हाइपो कोलम गिल फुट फ्री मेंटल लिगामेंट रिजिड वॉल लाइन मार्क मार्किंग मेंटल अटैचमेंट पेरियल लाइन सेल वॉल माइक्रो स्ट्रक्चर, ये सब चीज का एक तरह वो है, बॉडी पार्ट्स है। अम्बो इसमें प्रेजेंट होता है, एंटीरियर मार्जिन इधर अम्बो होता है, पोस्टीरियर मार्जिन इधर ये होता है, इसमें एक स्पॉट लिन्यून मिलता है, ये इसकी हाइट है, यहाँ से ग्रोथ लाइन, इसमें रेडिएटर ड्रिप्स जो मिलती है इसकी, ये वेंट्रल वाइड है और उसका जो पोस्टीरियर है डोर्सल वॉल उधर है, और इसमें और थोड़ा डीप में देखेंगे पोस्टीरियर अडक्टर, ये देखो मसल्स हैं, इससे मसल स्कार्प है, ये एंटीरियर अडक्टर मसल स्कार्प, पैरियल लाइन है, पैरियल लाइन है बताई गई थी कॉन कॉन्वेक्स होती है, पैरियल साइनस ये है, अम्बो है बीक लाइक स्ट्रक्चर, अम्बो के पास होता है, लिगामेंट्स है, हिंज एंड टीथ एंड सॉकेट है, टीथ एंड सॉकेट अरेंजमेंट होता है इसमें ब्रासियोपोडा में, और इनकोरा में लोफोफोर से जुड़ा रहता था, और एंटीरियर एडक्टर मसल स्कार है, पहले लाइन है, डॉर्सल है, हिंज लाइन है। इसमें एक स्ट्रक्चर अगर इसको देखें डॉर्सल व्यू से, तो ये जो गोल सा स्ट्रक्चर इसे लिनियोल बोलते हैं, ये एंटीरियर मार्जिन है, ये अम्बो है, ये एस्क्यूचियान है, इसका राइट वॉल है, ये डॉर्सल वॉल है, लेफ्ट वॉल है, अम्बो एलिवेटेड पार्ट ऑफ डोर्सल वॉल ऑफ बोथ वॉल, इट मे बी स्ट्रेट कर्व बी शार्प एंड पॉइंटेड इन ऑफ अम्बो, इट इज ऑफ थ्री टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंटिंग डायरेक्शन एज प्रोसो जायर है वेन पॉइंटिंग इंटीरियर डायरेक्शन, अपिस्टो जायर है वेन पॉइंटिंग पोस्टीरियर डायरेक्शन, ऑर्थो जायर बीक पॉइंटिंग नेचुरली। ठीक, तो तीन तरह के इसमें होते हैं, प्रोसोजायर व्हेन पॉइंटिंग एंटीरियर डायरेक्शन, अपिस्टोजायर व्हेन पॉइंटिंग पोस्टीरियर डायरेक्शन, ऑर्थोजायर पॉइंटिंग एंड पीक पॉइंटिंग नेचुरली। ठीक, तो अम्बो के डायरेक्शन के हिसाब से इसको ब्रासियोपोडा को तीन भाग में डिवाइड किया गया, प्रोसोजायर अपिस्टोजायर एंड ऑर्थोजायर, तो प्रोसोजायर व्हेन पॉइंटिंग इंटीरियर, अपिस्टोजायर व्हेन पॉइंटिंग पोस्टीरियर डायरेक्शन एंड ऑर्थोजायर पीक पॉइंटिंग नेचुरली। इसका एग्जाम्पल पेंटिंग पेंटिंग होता है, जैसे कि ये एक्विलाइन है, ये नेचुरली मतलब कि सेंट्रली इसका वो है, ये इसका पिस्टोपेरियन है, ये पोस्टीरियरली कर रहा है, प्रोसोक्लाइन ये पोस्टीरियर साइड में हो रहा है, तो ये इस तरीके का है, प्रोसोजायर पिस्टोजायर एंड ऑर्थोजायर। हिंज लाइन की बात करें, द डॉर्सल मार्जिन वेयर टू वॉल्स आर्टिकुलेट और टू वॉल्स मीट डॉर्सली एंड फॉर्म्स लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट, लिन्यूल स्मॉल हार्ट शेप डिप्रेस पोर्शन इंटीरियर टू बी एस्कुशन एलोंगेटेड डिप्रेस पोर्शन पोस्टीरियर टू बी एरिकल ईयर लाइक प्रोजेक्शन ऑफ ईच वॉल अलॉन्ग हिल लाइन एलेट फॉर्म्स विद एरिकल्स कॉल्ड एलेट बायसस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर डिराइव्ड फ्रॉम फुट टू अटैच द ऑर्गेनिज्म विद सब स्टेटा आर टेम्पररली। लिगामेंट्स क्या है, इलास्टिक टिश्यू विच हेल्प्स टू ओपन द वॉल्स ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन, इट हैज फॉलोइंग टाइप्स, इलास्टिक टिश्यूज विच हेल्प्स द ओपन द वॉल, लिगामेंट्स होता है इसका, पोसोडेटिक वेन लिगामेंट्स इज एंटीरियर टू बीक, अपिस्टोडेटिक वेन लिगामेंट्स इज पोस्टीरियर टू बीक, ऐसे ही है जो अम्बो है।
Amphiotic vein ligaments in either side of the beak. Adductor muscle is scars. Adductor muscle helps in the closing the wall by means of contraction. Due to constant activity of adductor muscle, it causes a depressed circular area inside the wall, marking the attachment of the adductor muscle. There may be one or two adductor muscles. If the two adductor muscles are identical, then called isomerin or homomerin. If the both adductor muscle scars are not identical, which means one is smaller than the other, one is larger than it is called a heteromorphian or an isomerian. ये मसल स्कार का इसमें दोनों बराबर है, इस आइसोमेरियन है, ये एन आइसोमेरियन है जिसमें एक बड़ा एक छोटा है और एक है तो मोनोमेरियन है. पहले लाइन है पहले सिनकस और कोस्टे लड़के हम बता चुके हैं. पहले लाइन लीनियर मार्केट स्टेटमेंट ऑफ ऑल मेटल मसल्स विद पहले पहले सीन साइनस इनवर्ड डिप्रेशन ऑफ पोस्टर पार्ट ऑफ द पहले लाइन. और ये कुछ इसका उसके अम्बो के डायरेक्शन के हिसाब से है इसका बता ही चुके हैं. ये ब्राचियोपोडा का सेल है और ये पेल्सिपोडा का सेल है. इसमें देखो ये दोनों वॉल बराबर है लेकिन इनइक्विलेटरल है, मतलब कि ग्रोथ कई जगह से उबड़ खाबड़ है लेकिन इनकी ग्रोथ जो ये हर जगह से बराबर हो, इसीलिए इसको कहते हैं इक्विलेटरल. लेकिन ये वॉल जो है बराबर नहीं है, इसलिए अनइक्वल वॉल है. लेकिन इन दोनों में ये और ये वॉल का जो लेंथ है वो बराबर है. पेल्सिपोडा डेंटेशन इन बाइवल्व बहुत इंपॉर्टेंट है. टू वॉल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय मीन्स ऑफ अ डेंटल सिस्टम विच प्रेजेंट जस्ट बिलो द अम्बो. द टीथ एंड सॉकेट्स ऑफ द वन वॉल विथ फिट्स इन टू टीथ एंड सॉकेट्स ऑफ द अनदर वॉल विच प्रिवेंट द लैटरल स्लिपेज ऑफ द वॉल्स. क्लासिफिकेशन ऑफ डेंटल सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ हिंज एंड शेप एंड द नंबर ऑफ टीथ. डेंटल सिस्टम ऑफ बाइवल्व डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स. होमोडोंट साइज एंड शेप ऑफ द टीथ इज सिमिलर, एग्जाम्पल आर्का. Heterodont is a different size and shape of the teeth, example cardata. Exodont hinge line straight with many homodont teeth radiating from the center of the wall, example arca. Cysodont teeth appear to diverge from the umbo, example unio trigonia. Dicodont many homodont teeth radiating from the umbo, example martillus. ठीक है, तो इसमें कोई डेंटिनेशन पैटर्न है इसको पास करके अच्छे से देख लो और याद कर लो क्योंकि एग्जाम में आ. तो ये काफी इंपॉर्टेंट डेंटिनेशन पैटर्न है ऑन द बेसिस. जैसे होमोडोंट का तो आर्का है, हेटोडोंट का तो टैक्सोडोंट का भी सब लोग जानते हैं आर्का. साइजोडोंट का यस याद रखना, यूनियो और ट्राइगोनिया है. टीथ अपीयर डाइवर्स फ्रॉम द अम्बो साइजोडोंट के. टाइसोडोंट का मार्टिलस है याद रखना. मेनी होमोडोंट टीथ रेडिएटिंग फ्रॉम द अम्बो. आइसोडोंट का स्पॉन्डिलस है याद रखना. टीथ एंड सॉकेट्स आर सिमेट्रिकल, टू और थ्री टीथ ऑफ इक्वल साइज इन ईच वॉल. साइजोडोंट्स का यूनियो और ट्राइगोनिया है याद रखना. और हेट्रोडोंट का टीथ आर नॉट ऑफ यूनिफॉर्म शेप एंड साइज. दिस टाइप ऑफ टीथ बिलो अम्बो कॉल्ड कार्डिनल टीथ एंड टीथ अवे फ्रॉम द अम्बो कॉल्ड लैटरल टीथ. तो जो अवैध होते हैं जो टीथ उसके वो कार्डिनल टीथ कहलाते हैं और जो अम्बो के पास में जो टीथ है वो टीथ बिलो अम्बो कार्ड कार्डिनल टीथ एंड अवे फॉर द कार्ड लैटरल टीथ. जो दूर है वो लैटरल और जो पास जो अम्बो के नीचे है वो कार्डिनल टीथ. एग्जाम्पल जैसे कि कार्डेटा है, विनस है, मैरिटेक्स है, डेस्मोडेंट का हमेशा मैं ऐसे रखना याद रखना एम आ जाएगा. तो ऑस्ट्रिया भी है लेकिन डेस्मोडेंट का मैं भी है. टीथ एंड हिंज लाइन रिप्लेस बाय रिज एंड स्मूथ एनामली. ऑस्ट्रिया, एक्सोजायरा, ग्राइफिया ये सब है. पेंटाडोंट का डेंटेशन फाउंड ओनली इन द फॉर्म्स ऑफ द ऑर्डोविसियन, एग्जांपल सिलोरियन फॉर्म्स इन बिटवीन पेंटाडोंट एंड साइटोडोंट. एलोडेस्मा है, इसमें कोई बराबर होते हैं. डायगोनोडोंट का होता है कि इसमें जो एक कार्डिनल टीथ होंगे तीन लैटरल टीथ होंगे, तो डायगोनोडोंट का है. इसका एग्जाम्पल एस्त्राती है. पेंटाडोंट का बताया दिए एलोडस्मा है. डेंटिशन फॉर्म ऑनली इन द फॉर्म्स ऑफ ऑर्डोविसियन एंड सिलोरियन फॉर्म्स इन बिटवीन पेंटाडोंट एंड साइजोडोंट. एलोडोस्मा साइक्लोडोंट का होता है. द स्ट्रेट हिंज लाइन इन रिप्लेस बाय कर्व हिंज लाइन, एग्जांपल कार्डियम. एसनोडोंट का इन दिस टाइप ऑफ डेंटिशन डेंटिशन इज मार्क्ड बाय द एक्सटेंडेड टंग लाइक टूथ जस्ट बिलो द अम्बो. दिस इज फाउंड इन बरोइंग एनिमल्स, एग्जांपल फॉलोस एंड माया.
साइक्लोडन का माया इसमें माया है, और ये जो ये क्या नाम है डेस्मोडेंट है, इसमें ऑस्टिया एक्सोजाइरा एंड ग्राइफेरा है, और साइजोडंट का ट्राइगोनिया यूनियो याद रखना, डासोडंट का स्पॉन्डिलस है, डेस्मोडंट का मैया भी होता है, और ये साइक्लोडोंट स्ट्रेट इन लाइन इज रिप्लेस बाय द कर्व इन लाइन जब कार्डियम एस्ट्रोडोंट दिस टाइप ऑफ डेंटिसन इज मार्ड बाय द एक्सटेंडेड टंग लाइक टूथ जस्ट बिलो द अम्बो, दिस इज फाउंड इन द बरोइंग एनिमल एग्जांपल फोलास एंड मैया। मैया जो फोलास जो होते हैं ये डीप बरो होते हैं, कार्डियल टाइप के जो होते हैं वो कार्डियल कहते हैं, कार्डिटा जो होते हैं वो सालो होते हैं। इकोलॉजी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली एपिफॉनल जो जमीन में खोद के अंदर रहते हैं, बेंथिक वेजाइल, बेंथिक मतलब जो वाटर डेवलर्स होते हैं, वेजाइल मतलब जो जमीन पे चल लेते हैं। फॉर्म्स दीज फॉर्म्स आर जनरली इन इक्विलेटरल एंड आइसोमेरियन विथ नॉर्मल पैरेलल लाइन, एग्जाम्पल कार्डेटा आर्का। सालो बर्रोवर्स दीज इनपुट फॉर्म्स विथ स्मूथ सर्फस स्मॉल पैरेलल साइनस साइरेनिया है। डीप बरोस इट इंक्लूड्स इनफॉर्मल फॉर्म्स विच पजेस इनइक्विलेटरल इलोंगेटेड एंड लार्ज पैरेलल साइनस, एग्जाम्पल माया एंड सोलन है। बाइसेटिव फॉर्म है, दीज फॉर्म्स आर बाइसल अटैच टू द सब एडिटर फॉर द टेम्पोरली पीरियड विथ हेल्प ऑफ बाइसस, एग्जाम्पल पैक्टिन एंड मार्टिलस है। पैक्टिन एंड माइटिलस इसका एग्जाम्पल है, इसका बाइसेट फॉर्म का। और सोलो डबरम एक साइरेनिया है, साइरेनिया इसका साइलो है, डीप बरन का माया और सोलन है। अब बाइसेट फॉर्म का दीज फॉर्म्स आर बाइसली अटैच टू द सबस्ट्रेट फॉर अ टेम्पोरली पीरियड विद हेल्प ऑफ बाइसेस, एग्जाम्पल पेक्टिन और माइटिलस है। पेक्टिन का एक वो भी है कि ये पेक्टिन जो है एक्टिव स्विमर होता है, अपने कान में पानी रखता है और जेट की तरफ फेंक देता है, इधर इस उधर फर से भाग जाता है। सीमेंटेड तो ऑस्ट्रिया एंड ग्राइफिया है, ग्राइफिया सीमेंटेड है। दिस फॉर्म्स ऑफ द हैव स्टिक सेल्स, मोनोमेरियन होता है। जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन रेंज फ्रॉम कैम्ब्रियन टू प्रेजेंट है। लार्ज नंबर ऑफ पेल्सियोपॉड हैव बीन रिपोर्टेड फ्रॉम द रॉक सिलूरियन एंड डिवोनियन, फ्रेश वाटर फ्रॉम डिवोनियन, ब्रैकिश वाटर फ्रॉम पोस्ट डिवोनियन, पेलोजिक फ्रॉम बिकम एक्सटिंक्ट एट द एंड ऑफ द इरा एंड न्यू फॉर्म्स अपीयर थ्रू आउट द वर्ल्ड। डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया, एक्सेप्ट फाला फॉसिल अपियर इन ऑर्डोविसियन लाइमस्टोन ऑफ स्पीटी, एवी कोलोफेटिन एंड कॉन्कोरेटिव गुड इंडेक्स फॉसिल, हिमालयन ट्रेसिक रॉक्स हैव फॉसिल ऑफ मेगलाडॉन। सम इम्पोर्टेंट फॉसिल आर्का अम्बो इंटीरियर एरिया प्रेजेंट मेगलाडॉन, जो एक वो था हिमालयन ट्रेसिक रॉक्स हैव बीन फॉसिल ऑफ मेगलाडॉन, मेगलाडॉन एक सार था पता है कि नहीं, और ये गुड इंडेक्स फॉसिल है कि फुलेटेड कोरंडम गुड कोका कोराइडियम। और ये कुछ इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट फॉसिल है आर्का अम्बो एरिया प्रेजेंट टैक्सोडन डेंटिशन पैटर्न एंड आइसोमेरियन डेंटिशन मार्जिन रेडिएटिंग एंड कॉन्सेंट्रिक लेयर। तो बैसिलर अटैच पेक्टिन और क्या होता है, मार्टिलस होता है, अडीप बरोस क्या होता है, मैया सोलेन होता है, सैलो कैर्निया होता है, और नॉर्मली जो वेंथिक एंड वेजाइल जनरली इनिग्रेन आइसोमेरियन विद नॉर्मल पैरेलल कार्डिटा होता है, इपिफोनल होता है जो कार्डिटा होता है, और सीमेंटेड ऑस्ट्रिया होता है, और पेक्टिन जो एक्टिव स्विमर्स भी होता है। कार्डिटा अम्बो एटीरियर हेट्रोजन डेटिशन है, सेलेनोइड डिनेट डिनेट मार्जिन प्रोमिनेंट रेडिएटिंग लाइंस, एग्जांपल ट्रैफिक ट्रेसेंट है। कार्डियम जो है कार्डियम जो फाइन डिनेट मार्जिन एक्सटर्नल सरफेस विथ स्मूथ रेडिएटिंग एंड कॉन्सेंट्रिक लाइंस, एग्जाम्पल ट्रैफिक टू प्रेजेंट है। ग्लाइसी मेरिस है अम्बो इंटीरियर एरिया प्रेजेंट एक्सोडन डेटिशन स्मूथ ऑर्नामेंटल, एग्जाम्पल क्रिटेशियस प्रेजेंट है। एक्सोजायरा अम्बो स्पायरल डेस्मोडेंट, डेस्मोडेंट का मैया भी होता है, लेकिन यहाँ पे एक एग्जाम्पल और दिया है, जैसे कि अगर उसकी डेंटेशन पैटर्न की बात करें ये तो ऑस्ट्रिया एक्सोजायरा एंड ग्राइफिया डेस्मोडेंट है, और ग्राइफिया तो तुम्हारा वो भी है ना, क्या बोलते हैं सीमेंटेड भी है ऑस्ट्रिया, तो ये हुआ। एक्सोजायरा भी ये है मतलब कि डेस्मोडेंट का है, डेस्मोडेंट इन डिसेंस मोनोमेरियन है। एक्सटर्नल सरफेस इक्विलेटरल सेल अपर जुरासिक टू यूरोसिन है,
इन सेरामस टैक्सोडेंटेशन ईयर्स प्रेजेंट होता है, मोनोमेरिया मेरिया होता है, कॉन्स्टिक ग्रोथ लाइन फॉर एग्जाम्पल लोअर जुरासिक अपर क्रिटेशियस है, ग्राइफिया जो भी है वही है तुम्हारा क्या बोलते हैं जो डेस्मोडेंट है, और ये दूसरी चीज की ये ग्राफिया सीमेंटेड होता है। डेस्मोडेंट डेंटिशन मोनोमेरिया रज एक्सटर्नल सरफेस इक्यूबल इन इक्विलेटर सेल एग्जाम्पल लोअर टू जुरासिक है, लोफा एल्सेथोरो एलेक्ट्रायनोनिया सिमिलर टू ग्राइफिया बट द एक्सटर्नल सरफेस इज हाईली क्रम्प्ड एंड ट्रैसिक टू प्रेजेंट है, ऑस्ट्रिया ये भी सीमेंटेड होता है, बॉल लीफ लाइक ट्रायंगुलर डेस्मोडेंट डेंटिशन मोनोमेरिया इन इक्वी बॉल इक्विलेटरल सेल आउटर सरफेस रफ विथ कॉन्सेंट्रिक लाइन्स एंड ट्रैसिक टू प्रोजेक्ट। इसमें एक चीज याद रखना कि ये चीज जो है इकोलॉजी में ये कार्डिटा है जो नॉर्मली एपिफोनल और कार्डिटा और आर्का बेंथिन वेगाइल फॉर्म से होती है, और सालो बरवर जो होती है साइरेनिया सी सी से कन्फर्म कन्फ्यूज मत हो जाना। फिर मार्टिलस आता है, मार्टिलस बॉल लिनियर डाइसोनेंट डाइसोनेंस मार्टिलस डाइसोनेंट होता है, डेंटिशन पैटर्न होता है एलाइसोमेरियन पोस्टीरियर इन राउंडेड इंटीरियर एंड पॉइंटेड एग्जाम्पल ट्रैसिक टू प्रेजेंट है, पेक्टिन सेल इक्विलेटेड एंड कोलाइडेड कॉम्बो आर्थोजायर आर्थोजायर होता है मतलब कि सेंट्रली लोकेटेड होता है न्यूट्रल होता है एंड स्ट्रेट ईयर्स आर प्रेजेंट इजीली तो एक्टिव सिमर्स कार्बोफेनिस टू प्रेजेंट डे होता है, और पेक्टिन का एक एग्जाम्पल इसलिए वो भी बताया था कि ये डेस्मोडेंट में भी है, ये डेस्मोडेंट कह रहे हैं ये इसमें तुम्हारा बाइसेट फॉर्म में स्ट्रेट अम्बो आइसोडेंटेशन मोनोमेरिया रफ आउटर सर्फेस विथ कॉन्सेंट्रिक रेडियल लाइन एग्जाम्पल जुरासिक टू प्रेजेंट है, ट्राइगोनिया अम्बो पोस्टीरियर साइजोडन डेंटिशन कार्डिनल टूथ ग्रुप डीप अडेप्टर इम्प्रेशन सर्फेस विथ स्ट्रॉन्ग कॉन्सेंट्रिक लाइन विथ सेंट्रल डिप्रेशन पोस्टीरियर इन राउंडेड एग्जाम्पल ट्रैसिक टू प्रेजेंट डे है, यूनियो अम्बो एंटीरियर हेट्रोडन डेंटिशन कार्डिनल एंड पोस्टीरियर। ट्राइगोनिया का या अच्छे से स्पॉन्डिलस का क्या होता है, स्पॉन्डिलस स्ट्रेट अम्बो आइसोडन डेंटिशन और मोनोमेरियन रफ सरफेस विथ कॉन्सेंट्रिक एंड रेडियल लाइन्स जो ट्राइगोनिया स्पॉन्डिलस जो होता है ये अम्बो पोस्टीरियर साइजोडेंट डेंटिशन ट्राइगोडेंट में साइजोडेंट होता है, कार्डिनल टूथ ग्रुप टीथ डीप अडक्टर इम्प्रेशन सरफेस विद स्ट्रॉन्ग कॉन्सेंट्रिक लाइंस विद सेंट्रल डिप्रेशन पोस्टीरियर राउंडेड ट्रैसिक टू प्रेजेंट डे एग्जाम्पल अम्बो इंटीरियर डेंटिशन एंड कार्डिनल एंड पोस्टीरियर। वीनस मायोस इंटू प्रेजेंट डे होता है, और यही एक मोड ऑफ लाइफ है जो उसकी कैसे होती है, बोरिंग एंड बोरिंग माया है इसमें, जैसे कि सालो जो था वो सी से किराने में कुछ करके था सालो में, ये क्या है सालो साइरिनिया है और नॉर्मलीरिनिया है, तो ये बरो बोरिंग हो गया उसी के बारे में कुछ लिखा हुआ है उसको पढ़ लेना बस पॉज करके। बेसल थ्रेटिंग एंड ये क्या होता है पैक्टिन होता है, थ्रेटिंग एंड फ्री स्विमिंग पैक्टिन और क्या था एक पैक्टिन एंड मार्टिलस था बेसल अटैच्ड जो था, इसमें लिखा ही होगा पढ़ सकते हो बेसल अटैचमेंट एपी बेसल लाइक से बेसल नोच से होता है इसका न्यूटोनी ये सब चीजें देखो फ्री लाइन स्कल पेक्टिन सोलूजन बाइसस ये है और फ्री लाइन ब्रशी फोर्ड्स और ये मार्टिलस भी इसी में होता है कहीं होगा, ये देखो मार्टिलस इन द मसल्स मार्टिलस ये, और इसके बाद सीमेंटेशन का ऑस्ट्रिया एंड ग्राफिया आता है, ऑस्ट्रिया से गुड इंडिकेटर सैलोसिस एंड और ऑस्ट्रिया सर अमंग द मोस्ट सक्सेसफुल बाइवाल्व ईच इज एबल टू द फिल्टर अबाउट ए बैरल ऑफ वाटर पर डे एंड दे ऑफन ग्रो इन सच पोजिशन टू दिक बेड्स लिटिल बट ऑस्ट्रेस इन द नॉर्थ सी साउथ ऑफ द्लैंक एरिया। अब आता है क्लास सेफलोपोडा,
क्लास से फॉलो बेटा से पहले डेंटिशन पैरेंट का एक ओवरव्यू ले लेते हैं, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत बार आता है। यहाँ पे एक डेंटिशन पैटर्न के बारे में बहुत ही अच्छे से इसमें दिया हुआ है। तो सब मेजर टाइप ऑफ हिंज टीथ आर डिस्क्राइब्ड एलिस्ट्रेटेड बिलो। टैक्सोडेंटा टैक्सोडेंटा हिंज लाइन शोस आइदर वन ऑफ टू रोज सिंगल इंटरलॉकिंग ऑन आइदर साइड ऑफ द अम्बोस। दीज टीथ आर फाउंड इन आर्किडे ग्लाइसोमेरिडी एंड आर्का नुक्टिला। ये सब डाइसोडेंट का जो है डाइसोडेंट टी हिंज आर स्ट्रॉन्ग लिगामेंट अलॉन्ग द हिंज लाइन with weak teeth near the ambos. These hinge teeth are found in martellus. इसमें है डाइसोडेंट्स में मार्टिलस होता है। आर्सोडेंट का स्पॉन्डिलस है, स्पॉन्डिलस है, पेक्टिनेरी है, ये ऑस्ट्रिया है इसमें भी है। एक्चुअली थोड़ा सा टफ लिखा हुआ है, इसको और आसान शब्दों में देखते हैं इसमें मिल जाएगा। इसी में पढ़ लेते हैं अच्छे से, इसका फिगर दिया हुआ, फिगर को बस देखना। बाकी तो मैंने साइजोडेंट का क्या होता है, साइजोडेंट का हम बताया था कि तीस तीस आर फाउंड इन मोस्ट यूनियो और इसमें मिलता है बी सेप होता है यूनियो में। पासीडोंट द पासीडोंट इन लाइंस आर ट्रबिकल्स विद करस्पॉन्डिंग पीट्स एंड एडजस्टमेंट वॉल। दीज दीज आर हेटरोडोंट का ये इस तरीके से होता है दतीत। बस ये डेस्मोडेंट का इसमें माया होता है डेस्मोडेंट का। एनोडोंट द एनोडोंट हिंज टाइप कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल स्ट्रॉन्ग लिगामेंट और ए सीरीज ऑफ ट्रांसवर्स लिगामेंट ग्रुप्स एंड हिंज द हिंज टाइप इज लाइक पिनेट एंड एनोडोंट। और कोई अच्छा मिलता है तो दिखा देते हैं कैसा होता है डेंटिशन पैटर्न। डेंटिशन पैटर्न बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि क्योंकि मैचिंग्स में ये पूछ देता है। इसमें नहीं तो मैंने एक्सप्लेन तो वेल कर ही दिया उसमें जैसे मिल जाएगा। एनीवे ठीक है, जितना पढ़ाया है उतना काफी है। और तो क्लास से फॉलो पढ़ा यहाँ पे पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ से लेजर ले लें, थोड़ा नीचे कर दें, रिकॉर्डर है। हाँ, क्लास से फॉलो पड़ा जो है किंगडम एनिमेलिया का है, फाइलम जो है मोलस्कस का है, सब फाइलम कॉनिफर्स है, क्लास से फॉलो पड़ा का है, सब क्लास नॉटिलोडिया, इसकी एज अपर कैम्ब्रियन टू रिसेंट है। अमोनोडिया जो डिवोनियन टू क्रिटेशियस, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यूज एज ए इंडेक्स फॉसिल होता है। कोलिडोरिया डिवोनियन टू रिसेंट है। इसमें दो तरह के मिलते हैं, टेट्रा ब्रांचिया टू पेयर ऑफ गिल एग्जाम्पल अमोनोडिया एंड नॉटिलोडिया। अमोनोडिया तो अब है नहीं। डाई ब्रांचिया वन पेयर ऑफ गिल्स एग्जाम्पल कोलेडिया। तो ऊपर के दो अमोनोडिया नॉटिलोडिया जो टेट्रा ब्रांचिया है और नीचे की जो कोलेडिया है वो डाई ब्रांचिया है। करैक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस क्लास इज जेट प्रोपल्शन सिस्टम। ये मोलस्कास का बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जेट प्रोपल्शन सिस्टम इसमें होता है, मतलब कि पानी का वो अपने अंदर भरता है फिर जेट की तरह छोड़ देता है। सेफलोपोडा सेफलॉन हेड्स एंड पॉड्स फुट होता है, हार्ड पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म कॉल्ड सेल होता है। कैरेक्टराइज्ड बाय द ट्रेप्लोब्लास्टिक कोलेमेट ग्रेड विथ सूडोमेटोरस मेटामोरियस बॉडी होती है। ऐसी ग्रेड एंड बॉडी मॉर्फोलॉजी बात करें, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सेल लुक लाइक ए चैम्बर्ड वन। और इसके बाद ये एक तरह का इसका मॉर्फोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन है। इसमें इसको क्या कहते हैं, इसमें कैमरल डिपॉजिट करते हैं जो इसके चैम्बर है। इसमें ये इसका पोजीशन ऑफ प्रोटोकॉन्च है, ये प्रोटोकॉन्च है, ये पेरिस्टोम है, यहाँ पे ये इसका अपर्चर है। हाइपोकॉन्च सेप्टा विथ बैकवर्ड पॉइंटिंग सेप्टल लीक है। बॉडी चैम्बर है, सिफंकल ओपनिंग है, चैम्बर कैमरा है, स्टेट सेल स्लाइटिक कर्व सेल है। मॉर्फोलॉजी सेल इज प्रेजेंट इन ऑक्टोपस ग्रुप।
Most of the there is an external skeleton except in cephaloids where it is internal. In living state, the cell is made up of two layers in ostracom. The outer portion is made up of aragonite and inner layer, nacreous layer, which is made up of aragonite and organic matter. Annulus layer coating with coating of the inner surface of the cell made up of the opaque calcareous film. Septum made up of the elements of nacreous layer not preserved in the fossil forms. क्योंकि जो सेप्टम है ये कहाँ गया सेप्टम सेप्टा जो है ये प्रिजर्व नहीं होता है फॉसिल फॉर्म में क्योंकि ओवरऑल क्या चीज होता है एक कंप्लीट रिवोल्यूशन ऑफ सेल अराउंड द एक्सिस वेंट्रल मार्जिन ऑफ ओवल इज फार्थेस्ट अवे फ्रॉम द सेल अराउंड द एक्सिस डोरसम मार्जिन ऑफ ओवल टुवर्ड द एक्सिस ऑफ कॉइलिंग ओवरऑल हाइट मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन डोरसम एंड वेंटर अम्बिलिकस ओपन और डिप्रेस जोन इन पोजिशन ऑफ एक्सिस ऑफ कॉइलिंग left when the successive whorls do not reach the axis. It may be also or deep depending on the rate of increase of whorl height. Umbilical plug calcareous cell deposits filling the umbilicus. Umbilical shoulder portion of cell bordering the umbilicus. Aperture opening of the last chamber. Sometimes this aperture is found close by the two calcareous plates called anaphycus and aptiches. Hypognomic sinus inward the deflection of the ventral margin of aperture, the twofold funnel and hypomean chamber, जिसे camera भी बोलते हैं, compartment of the cell, initial chamber of with gas. ये aboral side है, ये apex है इसका, ये phragmocene है, hypomonic sinus है, body chamber है, septum है जो कि preserve होते ही नहीं है, वो इरोड हो जाता है. इसका चैम्बर इसे रूम बोलते हैं. सिफंकल है ये जो स्टेट लाइन सिफंकल है और ये इसका सेप्टल नीक है. यहाँ से सिफंकल नीक है, इसको प्रोटोकॉन्च बोलते हैं. ये इसका एपेक्स है, यहाँ पे इसका अपर्चर है ये, और ये जो पूरी बॉडी को फ्रेगमोकोन बोलते हैं. शेप ऑफ द सेल, द शेप ऑफ द सेफलोपोड इज वेरिएबल फ्रॉम अनकॉइल्ड सेल टू पार्शियली कॉइल्ड टू द टाइट कॉइलिंग. So we will discuss some uncoiled, partially coiled and tight coiled shape as follows. Uncoiled or partially coiled cell, orthocone, uncoiled and straight cell, example orthocerus, cryptocone, slightly curved cell, example cryptocerus, brevicone, shortened cryptocone, example brevicerus, lituticone, loosely coiling of initial part and rest of the cell is straight lituticerus. Xerocone, evolved type of the cell which loosely coiling pattern down on or not touching. So coiling pattern pe iska jo cephalopod, the shape of the cephalopod is variable from uncoiled cell or partially coiled type. To coiling pattern mein shape of the cell ka kya morphology hota hai uske bare mein ye hai. Jise uncoiled hota hai, orthocone hota hai, cytocone hota hai, brevicone hota hai और लिटियोटी कौन होता है, जैरो कौन होता है, सब चीज का फिगर इसमें देखिए. जैसे अर्थो कौन स्ट्रेट है, क्राइटो कौन है सिलेंडर कर्व है, लिटियोटी कौन है इनिशियल पार्ट लूजली ऐसे बीच में इधर ऐसे बना हुआ है, जैरो कौन ओपन क्वाइल्ड ऐसे होता है सिंग की तरह. क्वाइल्ड सेल सेफेरो कौन ग्लोबुलर सेल एग्जाम्पल मैक्रोफेलाइट्स, कैडिकोन ग्लोबुलर सेल विथ पेंटागोनल इनसेट एग्जाम्पल फॉलिसेरस. Oxycone cell is a rhombic in outline example oxycerus and platycone cell is a rectangular in outline example anthocerus. Coiling type की अगर बात करें तो coiling type होता है planar spiral coiling around an axis in a single plane example perisphincters. Conspiral coiling around the axis in different planes rare in cephalopods example turritellus. Evolved coiled cell but holes are not touching each other example gyrocerus. Advolute coiled cell and the holes are just touching to each other but all the holes are visible example centrocerus. Involute coiled cell in the last one partially envelops the inner walls example macrocephalites. Convolute coiled cell in the last wall conceals the inner walls means only last wall is visible in case of convolute coiling example nautilus.
और एक चीज जो इम्पोर्टेंट है, डिस्टिंक्शन बिटवीन द ब्रासिकोडा एंड पेल्सिकोडा, जो कि बाइवाल्व में अलग ही ब्रांचे आया। तो ब्रासिकोडा अनइक्वल वाल्व बट इक्विलेटरल सेल होता है, वाल्व तो इक्वल नहीं होते लेकिन जो उनके वाल्व होते हैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ग्रोथ होती है उसमें। इक्वल तो होते हैं पेल्सिपोडा में लेकिन अन इक्विलेटरल होते हैं। इसमें ब्रांचिया स्कैटर्न और लोफोफोर होता है इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर, और ब्रांचिया मतलब होता है गिल्स। ट्रैवलोब्लास्टिक कोलोमेट ग्रेड विथ ओलिगोमेफेरस बॉडी प्लान होता है। ट्रैवलोब्लास्टिक कोलोगोमेट ग्रेड विथ सूडो मेटाफोरस बॉडी प्लान होता है, इसमें ओलिगोमेरस बॉडी प्लान होता है और इसमें सूडो मेटाफोरस बॉडी प्लान होता है, इसे ग्रेड है। प्लेन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द हिन लाइन विल गिव बायलेटरल सिमेट्री। प्लेन ड्रॉन अलॉन्ग और बिटवीन द टू वॉल्स और हिन लाइन विल प्रोड्यूस बायलेटरल सिमेट्री। इसमें प्लेन ड्रॉन अलॉन्ग और इन बिटवीन टू वॉल्स हिन लाइन विल प्रोड्यूस बायलेटरल सिमेट्री, लेकिन इसमें प्लेन ड्रॉन परपेंडिकुलर, इसमें परपेंडिकुलर जब ड्रॉ करेंगे तब ये बायलेटरल सिमेट्री देता है। ये टू वॉल्स आर आर्टिकुलेटेड अलॉन्ग द पोस्टीरियर मार्जिन, टू वॉल्स आर आर्टिकुलेटेड डोर्सल मार्जिन। इन आर्टिकुलेट हैव नो टीथ, आर्टिकुलेट्स हैव टीथ एंड सॉकेट अरेंजमेंट। मसल्स अडक्टर एंड डिटेक्टर कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द वॉल्व्स होता है, ये ब्रासिकोडा का। और इसमें पेल्सिकोडा या बाइवॉल्व देखते हैं। टू वॉल्स आर्टिकुलेटेड डोर्सल वॉल्व, टीथ एंड सॉकेट प्रेजेंट इन द मोस्ट ऑफ द केसेस, टीथ एंड सॉकेट अरेंजमेंट होता है इसमें। और वॉल्स आर द ओपन बाय लिगामेंट्स एंड रेजिलियम एंड क्लोज बाय द अडक्टर मसल। सेप्टम एंड सूचर का, सेप्टम पार्टीशन वॉल इन बिटवीन टू एडजेसेंट चैम्बर, सूचर लाइन ऑफ जंक्शन फ्रंट ड्यू टू इंटरसेक्शन ऑफ सेप्टम एंड इनर वॉल ऑफ द सेल, इट मे बी स्टेट कर लोब। इफ सूचर इज अंडुलेटिंग देन द कॉन्केव पार्ट टूवर्ड द अपर्चर सैडल, इफ द सूचर इज अंडुलेटिंग द कॉन्वेक्स पार्ट टूवर्ड द अपर्चर। इसमें जो सेप्टम एंड सूचर है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। तो सूचर लाइन जो है इसमें सेफलोपोडा में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें दो तरह के लोब एंड सैडल होते हैं। सूचर लाइन होता है लाइन जंक्शन ऑफ फ्रॉम ड्यू टू इंटरसेक्शन ऑफ सेप्टम एंड इनर वॉल ऑफ द सेल, इट मे बी स्ट्रेट ऑफ कर्व पार्टीशन वॉल इन बिटवीन टू एडजेसेंट चैम्बर, सेप्टम बोलते हैं। और ये लाइन जंक्शन पॉइंट ड्यू टू द इंटरसेक्शन ऑफ सेप्टम एंड इनर वॉल ऑफ द सेल होता है। इसमें दो चीज होते हैं, एक लोब होते हैं, इफ सूचर इज अंडुलेटिंग देन द कॉनकेव ऑफ द, जैसे ये है ना ये, तो कॉनकेव ये लोब हुआ और सेटल जो हुआ ना ये ऐसे हुआ, देखिए ये लोब हुआ ये सेटल हुआ। तो ऑर्थोसेराटिक स्ट्रेट होता है, नाटोलैटिक ऐसे अंडुलेटरी फॉर्म में होता है, ये उसका अपर्चर होता है। टाइप्स ऑफ ओएनजीसी आर प्रो ऑर्थोसेराटिक, नाटोलैटिक, कोनियाटिक, सेराटिटिक एंड अमोनिटिक। ऑर्थोसेराटिक सूचर लाइन स्ट्रेट सूचर लाइन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अनकॉइल्ड सेल्स ऑफ नाटोलाइट्स लाइक ऑर्थोसीरस। नाटोलाइटिक सूचर लाइन वेरी सूचर विथ राउंडेड लोब्स एंड सेडल्स इन केस ऑफ नाटोलस। गोनियाटिक सूचर एंगुलर लोब्स एंड राउंड सेटल इन ए वेवी सूचर, एग्जाम्पल गोनियाटाइट्स। सेराटेटिक सूचर सेटल्स राउंड एंड लोब्स बिकम ग्रेनुलेटेड, एग्जाम्पल सेराटाइट्स। अमोनियाटिक सूचर सेटल्स एंड लोब्स बोथ सो ग्रेनुलेशन एंड कॉम्प्लेक्सिटी एंड लुक लाइक ए ट्री, सो ऑल्सो कॉल्ड ए जेनेटिक सूचर, एग्जाम्पल मैक्रोसिफालाइट्स। सेराटेटिक सूचर सेटल राउंडेड एंड लोब्स बिकम ग्रेनुलेटेड, मतलब कि नीचे वाला सब ग्रेनुलेटेड होता है, और कोनेटेटिक में एंगुलर लोब्स एंड राउंडेड सेडल होता है, इन वेवी स्ट्रक्चर होता है, वेवी स्ट्रक्चर दोनों का होता है, जिसमें कि लोब्स जो होता है राउंडेड सेडल होता है, उसमें ऊपर का सेडल राउंडेड होता है, इसमें सेराटेटिक नीचे का सेडल एंड लोब्स बोथ सो ग्रेनुलेशन एंड कॉम्प्लेक्सिटी एंड लुक्स लाइक ए ट्री, सो ऑल्सो कॉल्ड डेंड्रिटिक सूचर, एग्जाम्पल मैक्रोसिफालाइट्स। देख सकते हो ओएनजीसी है इसमें, अमोनोटिक कैसे भी बना वैसे ऐसे। सेराटेटिक में ये जो है ये देखो ये ग्रेनुलेट ग्रेनुलेट है, और ये और गोनियाटिक में ये वेवी स्ट्रक्चर है ऐसे, ये नाटोलैटिक में वेवी है, और ये इसमें जो ये गोनियाटाइट में इसका जो गोनियाटाइट एंगुलर लोब्स एंड राउंडेड सेडल इन वेवी स्ट्रक्चर एंड राउंडेड सेडल जो होता है, इसमें सेडल जो है इसका ये है ऊपर वाला राउंडेड है, एंगुलर लोब्स है इस तरीके से, वेवी में नाटोलैट से अर्थोसेराटिक स्टेट होता है। इसका पहले जो एक एज है अर्थोसेराटाइट का,
नाटोलाइट का ऑटोविशन टू रिसेंट है, कोडियोटाइट का कैम्ब्रियन टू परमियन है, सीरेटाइट का ट्रायसिक है, अमोनाइट का जुरासिक टू क्रिटेशियस है। सिफंकल एंड इट्स एसोसिएटेड फीचर, सिफंकल इज ए ट्यूब विच एक्सटेंड्स फ्रॉम प्रोटोकॉन्स टू अपर्चर एंड पियर्स ईच एंड एवरी सेप्टम, इट मे बी सेंट्रल, पेरिफेरल और वेंट्रल। कनेक्टिंग रिंग्स क्या, कैलकेरियस रिंग्स विच फॉर्म द वॉल ऑफ सिफंकल। सेप्टल नीक है, टेबुलर एक्सटेंशन ऑफ ईच सेप्टम एट द जंक्शन ऑफ द सिफंकल कवरिंग द लेटर वन। प्रोसीफेनाइट सेप्टल नीक प्रोजेक्टिंग टुवर्ड द अपर्चर एज इन केस ऑफ अमोनाइट्स है। रेस्ट्रोसिफोनाइट वेन सेप्टल नीक प्रोजेक्टिंग अवे फ्रॉम द अपर्चर एज इन द केस ऑफ नॉटिलॉइड्स है। सिफोन ट्यूब इस तरीके से हुआ, सेंट्रल ये हुआ, और इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है जैसे कि सेप्टल नीक का ये अपर्चर है, ये इस तरफ आके मिला तो ऐसे इसको बोलते हैं रेस्ट्रोसिफोनाइट, और यहाँ से ये दूर जाके ऐसे डाइवर्ज होकर के इधर गया, इसको बोलते हैं प्रोसीसिफोनाइट, डायरेक्शन सेप्टल नीक से। तो कभी कभी पूछ देता है रेस्ट्रोसिफोनाइट एंड प्रोसीसिफोनाइट उधर निकलेगा सेप्टल, तो इसे सिफोनाइट से पकड़ लेना और मिला देना भाई। ठीक, सेल और ऑर्नामेंटेशन है, कैपली फाइन रेज लाइन रेडिएटिंग एट राइट एंगल टू द वॉल्स फ्रॉम द डॉर्सम वेंट्रल, कॉस्ट सिमिलर टू कैपली बट दे आर वेरी कोर्स रेज लाइन। पेरिफेरल कील और कार्निया रेज बैंड अलोंग द पेरिफेरी ऑफ द सेल्स और रिबन लाइक एज फाउंड इन मल्टस। पेरिफेरल सुल्कस जो है डिप्रेशन अलोंग द पेरिफेरी ऑफ द सेल है, पेरिफेरल सुल्कस ये तो बता चुके हैं, सुल्कस क्या होता है, पेरिफेरल लाइन क्या होता है। ठीक है, कार्निएट जो होते हैं सुल्केट पेरिफेरे एज सेंट्रल सुल्कस विद टू कील्स ऑन आइदर साइड ऑफ इट। अब आता है गैस्ट्रोपोडा, गैस्ट्रोपोडा भी देख लेते हैं क्या होता है। गैस्ट्रोपोडा गैस्ट्रोस और प्लस पोडा दो वर्ड से बनके बना है। गैस्ट्रोस मीन्स स्टमच एंड पोडास मीन्स फुट, इंक्लूड स्नेल्स एंड स्लग्स, इसमें जो घोंगा हुआ मिलते हैं ना जो बरसात में रहते हैं वो सब भी इसमें है। लिप्स ने वैरायटी ऑफ एनवायरमेंट सच एज मैरीन, फ्रेश वाटर एंड टेरेस्ट्रियल, दे आर सिमेट्रिकल इंटरनली ड्यू टू ट्विस्टिंग ऑफ इंटरनल एंड गिव्स राइज टू फंडामेंटल फीचर ऑफ मॉर्फोलॉजी नोन एज द टॉर्जियन। दे आर सिमेट्रिकल इंटरनली ड्यू टू ट्विस्टिंग ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर एंड गिव राइज टू फंडामेंटल फीचर ऑफ मॉर्फोलॉजी नोन एज टॉर्जियन। टॉर्जियन एक इम्पोर्टेंट फंडामेंटल ट्विस्टिंग शो करता है जो गैस्ट्रोपोडा में दिखाता है, एक इम्पोर्टेंट है। डायरेसिमेट्रिकल इंटरनली ड्यू टू ट्विस्टिंग ऑफ इंटरनल एंड गिव राइज टू द फंडामेंटल फीचर ऑफ मॉर्फोलॉजी नोन एज टॉर्जन। फॉर्म्स इन मॉर्फोलॉजी होता है हार्ड पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म कॉल्ड सेल। अ लिविंग रिप्रेजेंटेटिव हैव ए कोटिंग ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल एक्सटर्नली ऑन सेल विच इज नॉट प्रिजर्व इन फॉसिल बिकॉज इट विल बी रिमूव ड्यूरिंग द टेफोनोमिक अल्ट्रेशन। टेफोनोमिक क्या होता है पता है, पोस्टमार्टम होता है मरने के बाद और उसके फॉसिलाइजेशन के बीच में, नोन एज पेरी ऑस्ट्रैकम। इंटरनल सेल हैव टू लेयर्स व्हाइल एन आउटर लेयर मेड अप ऑफ ए एरागोनाइट लैमली प्लेस्ड नॉर्मल टू द सेल सरफेस कॉल्ड एन इनर लेयर विच इज ऑल्सो मेड अप एरागोनाइट प्लेस्ड सेल सरफेस आर कॉल्ड हाइपोकैस्टेटम। हेलिकली स्पायरल सेल विच आर सिमेट्रिक आर मोर कॉमन देन द प्लैनिंग स्पायरल फॉर्म। स्पायर ऑल द वॉल्स एक्सेप्ट द लास्ट वॉल ए सेल विथ फ्यू स्पायरल वॉल्स नोन एज द पॉजी स्पायरल और ए सेल विथ न्यूमरस स्पायरल वॉल इज नोन एज ए मल्टी स्पायरल। स्पायरल वॉल्स में बी स्मॉलर देन इक्वल टू और लार्जर देन वॉट बॉडी वॉट द लास्ट वॉल ऑफ द सेल दैट बियर्स द सॉफ्ट पार्ट। एपिकल डिस्क वॉल लेंथ एंटीरियर मैक्सिमम विद एक्सेस ऑफ कॉलिंग एपेक्स है, अपर्चर लास्ट वॉल है, स्पाइन है, बॉडी वॉल है, लेंथ ऑफ द सेल है, स्पायर अपर्चर एपेक्स है, सूचर स्लोप है, पेरिफेरी है, नेक है, एंटीरियर है, बेस है, स्पायर स्मॉलर देन द बॉडी वॉल है, स्पायर बॉडी वॉल है, मेजरमेंट्स ऑफ ए ओरिएंटेशन एंड कॉलिंग सेल है, शेप ऑफ द सेल टोरिटेटेड फॉर्म एलोंगेटेड कॉनिकल शेप विद स्पायर लार्जर देन द बॉडी वॉल एग्जाम्पल टोरिटेला।
Conical form when spire and body wall are equal but spire with the pointed apex and flat base. Example trochus. Bioconical spire and body wall both from elevated opposite direction. Example physa. Fusiform, those bioconical form that are widest in middle, globular, almost spherical, negligible spire. Example narita. Pupa form and patella form, cup shaped cell patella. Discoidal form, flat apex and base, common in planispiral cell. Example plano ribs. Turricated and fusiform, biconal and trochiform, conical. Pupa form, globular and conical. Coiling pattern and example hyperistrophic coiling, conispiral coiling where cell coiled in an inverted cone, so apex pointed downward. Orthostrophic conispiral coiling in which apex pointed upward and walls are erected. Distal and sinister coiling is a pyathy. Distal coiling when we keep aperture towards the observer, if coiling is clockwise and aperture would line the right side of the observer, then we call it distal coiling. Example is scapula patella, pleurotomeria, bellerophon, turbo, torches, antix, turritella, caritium, cypria, murex, fusinus, boletta, conus, etc. Sinister coiling. If the coiling is anticlockwise, then we call it sinister coiling. Example, physa and plano ribs. ये दो है इसका example बहुत important है पूछा जाता है. Evolutive gastropoda का है. Evolutive coiling example, equinomebus, advolate example, plano ribs, inovolate example, natica, conovolate example, cypria. Columella rod-like structure along the axis of coiling formed due to the fusion of inner walls. Those cells which are devoid of umbilicus are known as imperforate. Example turritella. इसमें दो चीज होती है. एक होता है perforate, एक होता है imperforate. जब imperforate होता है कि इसमें जो वो आपस में फ्यूज होता है तो उसे rod-like structure along the axis of coiling formed due to the fusion of inner wall. तो इसमें होलो होता है तो कोलोमेला बोलते हैं. और अगर यही अगर दो सेल विच आर डिवाइड ऑफ अम्बेलिकस आर नोन एज इम्परफोरेट, फ्यूज होता है और सॉलिड होता है जैसे अम्बेलिकस बोलते हैं. इसको थोड़ा सा और देते हैं. दो वॉल विच आर डिवाइड ऑफ अम्बेलिकस आर नोन एज इम्परफोरेट. कोलोमेला रॉड लाइक स्ट्रक्चर लॉन्ग द एक्सिस ऑफ पॉन्ड टू इन्फ्यूजन ऑफ इनर वॉल्स. क्लासिफिकेशन गैस्ट्रोपोडा के अगर देखें तो क्लास गैस्ट्रोपोडा सब क्लास प्रोसो ब्रांचिया कैम्बियन ड्यूरेशन मोस्टली मैरिन. दिस सब क्लास हैव थ्री ऑर्डर्स लाइक ऑर्डर आर्कियो गैस्ट्रोपोडा कैम्बियन ड्यूरेशन बलेरोफोन आर्कियो गैट्रो. सेकंड मेसो गैस्ट्रोपोडा आर्टिग्रेशन ड्यूरेशन साइपेरिया नाटिका. ऑर्डर थ्री नियो गैस्ट्रोपोडा क्रिटेशियस रिसेंट लॉन्ग इनहेलेंट सिप मोरस वॉलिटा. सब क्लास ऑफिस्टो ब्रांचिया कार्बोनिफेरस टू रिसेंट मैरीन. एग्जाम्पल सी स्लग्स. सब क्लास थ्री पुलमोनाटा परमिट टू रिसेंट लैंड डवेलिंग स्लग्स एंड स्नेल गिव्स रिप्लेस बाय लंग्स है. जूलॉजिकल हिस्ट्री बिलीव टू बी अपियर्ड इन कैम्ब्रियन. एनलार्जमेंट इन नंबर टू प्लेस इन ऑर्डोवेशियन. पल्मोनेट बिकम अबंडेंट आफ्टर टर्शियरी बट दे अपियर्ड इन लेट पैलियोजोइक. ओल्डर फॉसिल आर स्केनेला हैज एंड प्लेजियोलेला. ऑफिस्टो ब्रांचियन पुलमोनेट नॉन मैरिन बिकम अबंडेंट टर्शियरी पीरियड. हेटेरोपोडा फॉर्म्स वेयर कॉमन मायोसिन फॉर्म. लार्ज स्पाइन्स डेवलप इन म्यूरस कोनस साइपेरिया एक्सेट्रा इन मायोसिन. एवोल्यूशन एंड प्रोग्रेसिव एंड रेट्रोग्रेसिव टाइप ऑफ एवोल्यूशन कैन बी सीन इन गैस्ट्रोपॉड्स. Uncoiled simple cell started developing helicoid coil. Planispiral coiling confined to plagic form. Helicoid coiling found in benthic form. These are some progressive trends found in cylinder form like bellerophon, planoris, etc. Retrogressive trend decoiling took place in trochus and natica. Homomorphy when some type of the development in the same genus took place in a different geological times. Progressive adaptation evolved to convolute development of discoidal cell, development of trochiform and bioconical cell, development of fusiform cell, loss of operculum calcareous plate which covers the aperture. ये डायग्राम बहुत ही खतरनाक है.
ये मॉर्फोलॉजी फीचर ऑफ गैस्ट्रोपोडा है, इसको बना लो, किसी भी एग्जाम में आता है रट जाओ, तो बना के बॉडी वॉल यहाँ से यहाँ तक होता है, ऐसे यहाँ अपर्चर इनर वॉल है, सीनस है, आउटर लीप है, इसके अनल कैनाल है, कॉलमिल्ला है, ये नोड है इसका, रेक्टिकुलर स्कल्चर, पीटर स्कल्चर, स्पाइरल क्रिस्टल स्पाइन है, स्मूथ एक्सियल कोस्ट है, सूचर लाइन है, प्रोटोकॉन्च है, प्रोटे पोस्टीरियर है, वॉल है, स्पायर है, इस तरीके से। अब जो आता है नेक्स्ट जो है, अब सिफोलोपोडा के बाद आता है फाइलम सिंडेरिया, और फाइलम सिंडेरिया क्लास आर्थ्रोजोआ एंटार्क्टिका फ्लावर्स जो ओशन है, सैक लाइक बॉडी विथ रेडियल एंड बायलेटरल सिमेट्रीज में आती है। ये हम सिंडेरिया का पढ़ रहे हैं जो कि कोरल का वो है, और एंथ्रोजोआ पॉलीफेल स्टेज है, और ये स्टेज ओनली है, कोरल एडोलेसेंट टू रिसेंट था, बेंथिक एंड सेसाइल द सिंपलेस्ट ऑल मेटाजोआ डिस्ट्रीब्यूशन, डायग्लोब्लास्टिक ग्रेडेंट बॉडी प्लान, इसका मॉर्फोलॉजी जो है इंटरसेप्टर रेज है, कोरल कोरिला ये ठीक है, इप्लिटिक सेक्टा, कैलेक्स फ्यूजिला, एक कैलेक्स अक्सर पूछता है ये तुम्हारा कोरल उसमें है, फ्यूजिला कोलेमेला डिस्ट्रीब्यूटेड कॉन्सेप्टिक ग्रेड, इसमें एक चीज है कि कोरल की कॉलोनी होती है उसको बोलते हैं कोरल, अगर सिंगल कोरल उसको कोरलाइट बोलते हैं, और ये हर्मामैटिक एंड ए हर्मामैटिक कोरल्स होते हैं फाइलम में। रीबिल्डिंग कोरल्स कैन नॉट टॉलरेट वाटर टेम्परेचर बिलो 64 डिग्री फारेनहाइट 18 डिग्री सेल्सियस, मेनी ग्रो ऑप्टिमली वाटर टेम्परेचर 73 एंड 84 डिग्री फारेनहाइट, मतलब कि 23 से 29 डिग्री सेल्सियस में ये काम करते हैं और 64 से नीचे में सर्वाइव नहीं कर पाते, बट सम कैन टॉलरेट टेम्परेचर एज हाई एज 104 फारेनहाइट डिग्री सेल्सियस फॉर शॉर्ट पीरियड। मोस्ट रीबिल्डिंग कोरल्स आल्सो रिक्वायर वेरी साइनी साल्टी वाटर रेंजिंग फ्रॉम 30 to 40 पार्ट्स पर थाउजेंड, द वाटर मस्ट आल्सो बी क्लियर सो दैट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट पेनिट्रेट इट, दिस इज बिकॉज मोस्ट रीबिल्डिंग कोरल्स कंटेन फोटोसिंथेटिक एल्गी कॉल्ड जूजेंथैली विच लिव्स इन देयर टिश्यूज, द कोरल्स एंड एल्गी हैव ए यूनिक रिलेशनशिप, द कोरल्स प्रोवाइड द एल्गी विद ए प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट एंड कंपाउंड दे नीड फॉर द फोटोसिंथेसिस, इन रिटर्न द एल्गी प्रोड्यूस ऑक्सीजन एंड हेल्प टू कोरल टू रिमूव वेस्टेज, मोस्ट इंपॉर्टेंटली जूजेंथैली सप्लाई द कोरल विद फूड, द एल्गी नीड लाइट इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस फूड बाय फोटोसिंथेसिस। ग्रेटोलाइट्स के बारे में पढ़ते हैं, ग्रेटोलाइट्स का जो है स्मूथिंग रेटिना होता है, स्टोन्स मॉर्फोलॉजी डिजिटल होता है, ये इसका स्टाइप होता है, इसमें स्टाइप सिकुला होता है, प्रॉक्सिमल होता है, इसका नीमा हुआ, ये मोनोग्रेप्टोलाइट्स डाइग्रेप्टोलाइट्स हुआ, और इसके ग्रेप्टोलाइट कलर का रेबडोसोम जैसे बर्कुला ये सब आता है, लोपोफोर जो है रिंकोनोला का है, रेबडोसोम रेबडोसोम किसी कॉलोनी होती है ग्रेप्टोलाइट्स की वजह से, वाटर बेसिल्स माइक्रास्टर एक तरह का वो है, और ये जो है जेट प्रोपल्शन सिस्टम किसमें होता है, डीपीएस आर्थोसीरस क्रिप्टोसीरस जेट प्रोपल्शन सिस्टम, ये इकोनोडर्मेटा का है। लोपोफोर्स ऑफ बॉडी ऑफ ब्रासिकोड एंडिकुलर फॉसिल ब्रासिकोड वाटर बेसिकुलर सिस्टम फीचर ऑफ इकोनोडर्मेटा एंड मेक्रास्टर इज ए फॉसिल ऑफ दैट। तो इसमें जो ये है वाटर बेसिकुलर सिस्टम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटर बेसिकुलर सिस्टम रेबडोसोम स्केलेटन ऑफ द ग्रेप्टोजोआ एंड ग्रेप्टोलाइट्स, जेट प्रोपल्शन सिस्टम इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सेफलोपोडस एंड आर्थोसीरस क्रिप्टस इज ए फॉसिल ऑफ सेफलोपोडस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्थोसीरस क्रिप्टस सेफलोपोडा का है, जेट प्रोपल्शन सिस्टम इसका, वाटर वेसिकुलर सिस्टम जो है इकोनोडर्मेटा का है, याद रखना, लोपोफोर जो है ब्लास्टिफोडा का, रिंकोनोला का, रेबडोसोम जो है कॉलोनी होती है ग्रेप्टोलाइट्स की, यहाँ पे लिखा हुआ भी है देख लो। पैलियो स्पेसिस इज डिफाइंड ऑन द बेसिस, ये कुछ शॉर्ट टर्म है, पैलियो पैलियोटोलॉजी के स्पीसीज इज डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, मार्फो स्पेसीज मार्फो स्पीसीज में डिफाइंड करता है, एक्सप्लेनेशन इसका ये मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द सेम बट प्रॉब्लम मॉर्फोलॉजी क्राइटेरिया इज फॉर असाइनिंग स्पीसीज इन टू डिफरेंट स्पीसीज में सो सिमिलर मॉर्फोलॉजी और टू सम स्पीसीज कैन सो डिफरेंट टाइप ऑफ मॉर्फोलॉजी ड्यू टू एनवायरमेंटल कंडीशन, मार्फो स्पीसीज स्पीसीज डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर मॉर्फोलॉजी, फोनेटिक टिपिकल मॉर्फोलॉजिकल फीचर अपॉन विच स्पीसीज रेयरली आइडेंटिफाइड, मार्फो स्पीसीज स्पीसीज डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर मॉर्फोलॉजी, फोनेटिक टिपिकल मॉर्फोलॉजिकल फीचर अपॉन विच ए स्पीसीज इज रेयरली आइडेंटिफाइड,
होम्योमॉर्फिज है टू डिफरेंट स्पीसीज शोइंग सिमिलर एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी. विच वन ऑफ द फ्लोइंग किंगडम इंक्लूड्स ऑर्गेनिज्म विच प्रोकैरियोटिक सेल्स. प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होता है? मोनेरा होता है, यूनिसेल्यूलर, और यूकैरियोटिक जो होता है तुम्हारा प्रोटिस्टा होता है प्लांट. मोनेरा किंगडम कंप्लेक्स ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोटिक सेल्स प्लांट, हायर प्लांट्स, प्रोटिस्टा यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, यूकैरियोटिक सेल्स फंगी हायर ऑर्डर नॉन मोबाइल एल्गी. और द टाइप स्पेसिस डिफाइन ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल टाइप स्पेसिस में होलो टाइप होता है. ठीक है, फाइलम सिंडेरिया स्पेक्ट्रम डिप्लोप्लास्टिक ग्रेड होता है. फाइलम सिंडेरिया स्पेक्ट्रम डिप्लोप्लास्टिक ग्रेड. टू सेपरेट द फॉसिल ऑफ फोरामिना फ्रॉम ए रॉक एसोसिएशन वी नीड टू विच ऑफ द केमिकल ट्रीटमेंट. परऑक्साइड की जरूरत करती है फोरामिना फ्रॉम रॉक एसोसिएशन से अलग करने के लिए. एसिटिक इज यूज फॉर द फॉसिल ऑफ फॉस्फेटिक और चिटिनियस कंपोजिशन की जरूरत पड़ती है. ट्रेस फॉसिल फंगीस फंगीस चेन है शुरू में ही पढ़ाया था. ये स्केपिंग स्ट्रक्चर को सोचा था ऐसे है फॉसिल वो एनिमल दब गया निकलने की कोशिश किया तो यही फॉसिल बन गया तो इसी को बोलते हैं स्केपिंग स्ट्रक्चर फंगी चीनिया. और उसके बाद ट्रायलोबर्ट्स हो बायलेटरल सिमेट्री इकोनेट्स हो बोथ बायलेटरल एंड रेडियल सिमेट्री. ब्राची पोर्टर सैंपल आल्सो सो बायलेटरल सिमेट्री. पेलियल लाइन इज ए पेल्सी पोर्टर रिप्रेजेंट्स एपीफोनल हैबिट. हाँ एपीफोनल हैबिट होती है क्योंकि पेलियल लाइन जो होती है उसमें पढ़ाया था ब्राची पोर्टर में बाइबल में पेल्सी पोर्टर में. और जिग जैक कमीशन इज ब्राची पोर्टर रिप्रेजेंट टर्बिडिटी कंडीशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिग जैक कमीशन. ये जैसे यहाँ पे खाना फंस जाता है ये इस तरीके से खाने आराम से खा लेता है. कमिसर क्या होता है बताइए. इंटीरियर मार्जिन ऑफ लार्जनिंग पार्ट ऑफ द इन वॉल. इंटीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द ट्रांसवर्ड लोबी ट्रायलोबाइट इज कॉल्ड हेड. ये तो पता ही है तो नहीं मतलब इंडिकेशन टर्बल. तो इसके बाद प्लोरॉन इज ए लॉन्गिट्यूडनल लोब उसका होता है ट्रायलोबाइट का था. आइसोडेंट का स्पोंडलस होता है. साइजोडेंट का टैक्सोडेंट का आर्गिया होता है. हेटरोडेंट का वीनस होता है. और साइजोडेंट का ट्राइगोनिया हुआ. और ये साइजोडेंट का ट्राइगोनिया ये हुआ तो ये उमिया का वो होता है फॉर्मेशन में मिलता है समझे टैक्सोडेंट. और बीपी का पी हुआ और सी टैक्सोडेंट का आर आर का हुआ टैक्सोडेंट का. डी का है हेटरोडेंट का. यस वीनस में हेटरोडेंट मिलता है. और एसिडेंट स्पोलेंडलस याद ही है सबको टैक्सोडेंट ट्राइगोनिया भी होता है याद है एसिडेंट ट्राइगोनिया. मैं तो फॉलोइंग ओएनजीसी याद रखो. ओएनजीसी मतलब कि एकदम स्ट्रेट जो है. और ये तुम्हारा गोनिया टाइट सिर्फ नॉटिलाइट है. तो जुरासिक टू क्रिटेशियस किसका होगा? ये क्यू का ए सीराटाइट. क्यू का ए सीराटाइट इसमें लिखा हुआ है. नॉटिलाइट बी का आर गोनियाटाइट ट्रासिक है. नॉटिलाइट सी का पी डिवोनियन टू परमियन नॉटिलाइट. और फाइलम अब आता है. फाइलम इकोनोडा मेटा आता है इसमें. ये कुछ क्वेश्चंस थे उसको ठीक से देख लेना पढ़ लेना. फाइलम इकोनोडा मेटा ये है लिविंग रिप्रेजेंटेटिव भी होता है जिसका सी अर्चिन है. इकोनोइड्स कहते हैं. स्टार फिश है. एस्टेरॉइड्स कहते हैं. ब्रिटल स्टार्स ओफिनोइड्स. सी कम्बर होलो ट्रिमोराइज. सी लेसीस क्रिमिनल. एक्सटिंक्ट जो है ब्लास्टॉइड एंड क्रिस्टोइड्स हैं. इकोनोडर्मेटा रेगुलर होते हैं इरेगुलर होते हैं. रेगुलर इकोनोडर्मेटा रेडियल सिमेट्री दिखाते हैं. इरेगुलर इकोनोडर्मेटा जिसे हम बायलेटरल सिमेट्री कहते हैं. रेगुलर इकोनोडर्मेटा के एंडोसाइक्लिक भी नाम है और इरेगुलर के एक्सोसाइक्लिक भी नाम है. पेरिस्टोम पेरिक्रॉक्ट ये सब इसकी कुछ टर्मिनोलॉजी है. पेरिस्टोम इसके माउथ साइड का होता है ओरल साइड का होता है. और पेरिक्रॉक्ट इसके एनल साइड का होता है. ऑकीजेनिटल रिंग्स होती है जिसमें परफोरेट होती है. विजन एंड रिप्रोडक्शन पार्ट इसमें होता है. और ऑक्युलर जेनेटिकल रिंग्स पांच तरह की होती हैं. पांच ट्राइंगल होती हैं. पांच स्मॉल और जेनेटिकल पेंटागोनल होती हैं जो लार्ज होती हैं. पांच होती हैं पॉलीगोनल शेप में होती हैं. और फाइनल क्रोडर्मेटा ये तो हो ही गया इसमें जो ऐसे इस तरीके से ऑक्युलर प्लेट्स स्मॉलर एंड ये देखो एक दो चीजें ये नष्ट होंगी. और ये जो बड़ा वाला है ये जेनेटिकल प्लेट्स है और ये जो छोटा जो है ये तुम्हारा ऑक्युलर प्लेट्स है. तो टोटल नष्ट हैं ठीक. ये ट्रायंगुलर शेप में है. ये जो स्मॉलर छोटे शेप में है लार्जर है. और ये हमेशा पेरी आगे देखते हैं. ये
ये जो है डॉर्सल व्यू है, इसका ये वेंट्रल व्यू है। तो इसमें जो स्पाइक इन स्किन भी डरमेटा मतलब होता है, ट्रायलोब्लास्टिक कोलोमेट ग्रेड होता है इसका, जो ग्रेड होता है ट्रायलोब्लास्टिक कोलियोमेट ग्रेड होता है, और विथ ऑलिगोमेट्रस बॉडी प्लान होता है, हार्ट पार्ट टेस्ट कहलाता है जैसे फोरामिनल कहलाता है, मेड अप ऑफ न्यूमरस कैलकिडियस प्लेट्स होती हैं, एंडोस्केलेटन होते हैं, फाइव प्लेट पेंटामेरस पैटर्न होते हैं, वाटर वेसिकुलर सिस्टम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द इकोनोडर्मेटा, लोकोमोशन एंड रेस्पिरेशन में इसका यूज होता है, मेड अप न्यूमरस कैलकिडियस प्लेट यूज होता है, ये इसका डोर्सल व्यू है, ये इसका वेंट्रल व्यू है। इंडो एपिकल डिस्क दो तरह की होती है, एक एक्सर्ट होती है एक इंसर्ट होती है। कोरोना क्या होता है, कोरोना एक पार्ट ऑफ द टेस्ट एक्सक्लूडिंग पेरीप्राग पेरिस्ट्रोम ओक्यूलोजेनिटल रिंग, इन तीनों को अगर निकाल दिया जाए जो भाग बचता है उसी को कोरोना बोलते हैं। एम्बिसस पेरीप्राग आउटलाइन होती है, यही इसका एम्बिसस है, ये जो बाहर का पेरीप्राग आउटलाइन। इंटर एम्बुलेक्रल एरिया, ये एम्बुलेक्रल एरिया है इसका। अल्टरनेट टू रो परफोरेट, ये परफोरेट होती है, टू रो इसकी परफोरेट होती है, मतलब कि इसमें छेदा होता है, पूरा पानी आता जाता है, सांस उस लेता रहता है, कभी कोई अंडा और स्पर्म भी बाहर निकलता है। इंटरवल एटलीस्ट टू रोज इन द परफोरेट, और ये इसका एम्बिसियस ये था आउटर पार्ट होता है, ये एम्बुलेक्रल एरिया है यहाँ पे, ये एरिया जो एम्बुलेक्रल है, ये जो इसके बीच में है मेडियोरिक प्लेट है, ये एम्बिसियस इसका वो है पार्ट कहलाता है। इसको थोड़ा सा जूम करके देख लो, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि इसमें ये देखो एफोरल व्यू ऐसे दिखता है, तो इसको बस एक बार में पढ़ लो, साइड व्यू ऐसे दिखता है, और इकोनोडेसरस अपर क्रिटेशियस लोकेलिटी अननोन ओक्युलर इस तरीके से है, और जो इरेगुलर होता है वो हार्ट शेप होता है, और जो रेगुलर होता है वो सर्कुलर होता है। रेगुलर एंड इरेगुलर में डिफरेंस यहाँ का रेडियल पेंटामेरस सिमेट्री होती है, इसमें सेकेंडरी बायलेटरल सिमेट्री होती है, पेरिस्टम इज लार्ज, पेरिस्टम इज स्मॉल, एपिकल डिस्क इज लार्ज सिमेट्रिकल एनक्लोज पेरिप्रोक्ट इज एंड एनस, एपिकल डिस्क इज स्मॉल एलोंगेट एंड समटाइम्स एनस इज सिचुएटेड आउटसाइड, एरिस्टोले इज लेंटन एंड इज प्रेजेंट, एरिस्टोले लेंटन इज अब्सेंट। एरिस्टोले लेंटन क्या होता है ये आगे देखेंगे, एक तरह का जा लाइक स्ट्रक्चर होता है वो, उसको देख लेंगे। फिगर दे आर सिंपलेस्ट रेगुलर में, दे आर सिंपलेस्ट टेस्ट, ये रेगुलर का है, ये इरेगुलर का है। दे आर सिंपलेस्ट टेस्ट विच से स्पेरिकल और ग्लोबुलर से, और इरेगुलर दे आर ओवल एंड हेड हार्ट शेप एंड और स्क्वायर, माउथ एंड एनस सिचुएटेड एट टू अपोजिट पोल सेंट्रली एंड कॉन्सेंट्रिक, ये दोनों अपोजिट होते हैं, दे आर नॉट सिचुएटेड सेंट्रली दैट इज एक्सेंट्रिक होता है, मतलब कि माउथ और उसका वो दोनों एक के जगह होता है, और ये सेंट्रली होता है लेकिन कॉन्सेंट्रिक होता है, दो अपोजिट साइड होते हैं। एपिकल डिस्क इज इंसर्टेड, एपिकल डिस्क इज एक्सर्टेड होता है, कोरोना इज लार्ज, कोरोना इज स्मॉल। इसमें डिस्टिंक्शन बिटवीन द रेगुलर एंड इरेगुलर इकोनोडिया में आता है, रेगुलर में ये इस तरीके से पढ़ सकते हैं, उसको थोड़ा सा बड़ा करके। रेगुलर इकोनोडिया टेस्ट इज स्पेरिकल ग्लोबल टेस्ट इज हार्ट से रेडियल सेम एक्सक्लूडिंग मार्क में अनस है मॉस इज इंटरनेशनल सेट है एपिकल डिस्क सिमेट्रिकली इंसर्टेड कोरोना इज लार टबरकल्स एंड स्पाइंस आर बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एरिस्टोले इज लार प्रेजेंट फैसिकल इज अब्सेंट फैसिकल इज अब्सेंट इज प्रेजेंट होता है इसमें फैसी फैसियोल जो होता है ये अभी देखेंगे एरिस्टोले इज एरिस्टोले इज लैंटन इज अब्सेंट टबरकल एंड स्पाइंस बोथ आर सेकेंडरी कोरोना इज स्मॉल एपिकल डिसमेट्रिकल एंड एक्सर्टेड अनस पोस्टीरियर माउथ एंटीरियर टू आर ओरल एंड पोल इज एंड एक्सोसाइक्लिक बायलेटरल सिमेट्री होता है टेस्ट हार्ट शेप होता है। सब क्लास रेगुलरिया के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, द क्रिटिकल सब क्लास हैव बीन इंक्लूडेड इन द अबव ऑर्डर बोथ थ्री ओ सेवियर द टेस्ट इज ग्लोबल सिंपल कोरल प्लेट्स ऑफर इन टू रोज एम्बुलेक्रा एंड वन रोज इंटर एम्बुलेक्रा एग्जाम्पल इज मिड ऑर्डर बोथ थ्री ओ सीडारिस इसका एग्जाम्पल भर दे दो ऑर्डर सीडारिया एग्जाम्पल इसका सीडारिस है तो ये रेगुलर है सीडारिस बोथ थ्री ओ सीडारिस और इसका जो है पाइसोमोसा स्ट्रेंगोसिलेटिस है और ये जो ऑर्डर फिलेट ट्राइरेस जीनस है इसका और इसका एग्जांपल है इकेनोसेरा हाइटेट जीनस लेपिडे स्थीस मोनिस
इरेगुलर में आता है इसका द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फीचर हैव बीन मेंशनड इन अ टेबल अर्लियर ऑर्डर द टेस्ट इज हैव फ्लैटेंड ग्लोबल एम्बुलर हैज टू मेनी रोज ऑफ द प्लेट द टेप प्लेट इज सिंपल द स्पाइंस आर सिंपल एंड प्राइमरी वॉल एंड ट्यूबरकल्स आर परफोरेट एग्जांपल लिपिडो चीन्स एग्जांपल टू बी सीन टू रिसेंट है इसका लिपिडो चीन्स है सीडर इज रेगुलर है याद रखना होलेसा इफ इट इज क्लिपिस्टर अक्सर पूछता है इरेगुलर है डेन रास्टर भी इरेगुलर है ये भी स्पॉन्डेरस जुरासिक टू प्रेजेंट इसका वो है और इसमें जो इकोनोसाइटस ये भी इरेगुलर है पहले ही उसे डिसेस इरेगुलर है इसको एक बार पास करके देख लेना और इरेगुलर इकोनोसाइटस के बारे में ये लिखा हुआ है कुछ इसको पढ़ लेना और सम इम्पोर्टेंट फासिल्स ऑफ द इकोनोडर्मेटा ये जो है इसको पढ़ी लो इन इरेगुलर इकोनोड टेस्ट इज बायलैटरल सिमेट्री एंड टेक्स ऑन द सम वॉट द हार्ट शेप्ड रैदर देन द आउटलाइन इट इज ऑल्सो सम वॉट फ्लैटेंड इवन अज्यूमिंग बिस्किट लाइक फॉर्म बट देर आर मेनी अदर डिफरेंस फ्रॉम रेगुलर इकोनॉड टाइप द स्पाइंस फॉर एग्जाम्पल आर शॉर्ट एंड इंस्टेड ऑफ स्टिकिंग आउट एग्रेसिव और द प्लास्टर्ड डाउन ओवर द टेस्ट लाइक कोर्स फॉर ऑल्सो द एनस इज नो लॉन्गर विद इन द एपिकल क्लस्टर इसमें एनस और जो इसका माउथ होता है एक्सेंट्रिक होता है ऑन द एबोरल साइड द पैटर्न एम्बुलेटर इज क्वाइट डिफरेंट वन एम ये बस है इसमें तो फोर अदर एम्स आर दंडेड है और इसमें जो एक चीज इम्पोर्टेंट है ऑन द ओरल सरफेस एक्सपेंडिंग बैक फ्रॉम द लिप द पेरिस्टोम इज ए रेस्ट टबरकल्स आर कॉल्ड प्लास्टोन विच इज ए लाइफ स्ट्रॉन्गली स्पाइंस इसमें एक चीज जो बहुत इम्पोर्टेंट है एक्सर्ट और इंसर्ट कंडीशन ये दिखाते हैं कि एक्सर्ट कंडीशन कब होती है इंसर्ट कंडीशन कब होती है हाँ ये जब यहाँ पे जब ये इसको इस मार्जिन को टच करेगा इसको कहते हैं पेरीप्रॉक्ट मार्जिन तो ये इंसर्ट कंडीशन होगी जब ये प्लेट इसको टच करेगी जिसको हम बोलते हैं ओकेजेनिटल प्लेट का जो पार्ट है इसमें जो पांच वो होती है क्या बोलते हैं इसको जेनिटल प्लेट्स इसमें होता है जिसमें से ओकुलर प्लेट्स जेनिटल प्लेट्स इसमें से वो ओकुलर प्लेट्स और जेनिटल प्लेट्स ओकुलर प्लेट्स इस्तेमाल इसको जब टच करती है और अगर नहीं टच करती है तो इसको बोलते हैं एक्सर्ट पोजीशन ये याद रखना अब इसमें ये रेगुलर और ये कुछ इम्पोर्टेंट फॉसिल सिडारिस है सिडारिस टेस्ट इज फॉर फ्लैट पोल्स रेगुलर रेगुलर होता है सिडारिस पता है हेमी सिडारिस इज फॉर टेस्ट इज फ्लैट इन फ्रॉस वर्ल्ड एम्बुलर होलो होलेक होलेक टाइपस हेमी स्पेरिकल टेस्ट स्मॉल एपिकल इज लार्ज एंड सेंट्रल मेटाफोरेट नैरो एम्बुलेट्रा यूनि चेमिनल पोर्स कंपाउंड प्लेट सेंट्रल प्रिस्टोन लार्ज इंटर एम्बुलेट्रा क्लेपिस्टर जो है इरेगुलर है सब ओपनिंग टेस्ट ट्रैकेटर पोस्टर फ्लैट बेस कॉन्वेक्स इकोनोड ये भी इरेगुलर है होलेस्टर हार्ट शेप ये भी इरेगुलर है माइक्रास्टर जो है ओवल और हार्ट शेप ये भी इरेगुलर है हेमी एस्टर सिमिलर टू माइक्रास्टर बट ए फैसोली इज ए पेटालॉइड साइजस्टर हार्ट शेप्ड विथ इंटीरियर एम्बुलेटर लॉन्ग एंड अदर पेटालॉइड्स और इसमें होता है और इसमें एक चीज बताना भूल गए थे ये कहाँ गया है विकी नहीं वो जो एस्टोले लार्टेन जो करके था वो एक तरह का जाल लाइक स्ट्रक्चर होता है और ठीक है एरिस्टोटल लार्टेन एक जाल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो उसमें मिलता है उसी को एरिस्टोटल लार्टेन बोलते हैं तो अगर कुछ छोटा होगा तो इसको छोटा तो इसमें है ही लेकिन फिर भी कवर तो पूरा हो गया है इसको करेंगे बाद में और फिर आते हैं सिमिलर एलिफेंट के बारे में पढ़ लेते हैं किंगडम अब वर्टिब्रेट फॉसिल है किंगडम एनिमेलिया है फाइलम कॉर्डेटा है क्लास मैमेलिया है ऑर्डर प्रोबोसोइडी है फैमिली एलिफेंटी है जीनस लैक्सोडोंटा एलिफ्स है और इसमें जो याद करने की चीज है इसको थोड़ा सा
वो करते हैं, जैसे कि सबसे पुराना जो है पैलियो सेरोडॉन है, फिर उसके बाद जो पैलियो सेरोडॉन फिर जो से फिर ये प्रेमेस्ट, और लास्ट वाला जो है अफ्रीकन एलिफेंट और ये एशियन एलिफेंट है, एलीहेप्स और लेक्सोडॉन, ये याद रखना है। एलीहेप्स और लेक्सोडॉन जो है नया है, फिर मैमोथ है, और जो ये पैलियो है सबसे पुराना था। पैलियो के बाद जी याद करना ना, पीजीपी याद करना, पीजीपी, और इधर का जो है जैसे कि कभी कभी पूछता है लेप्सोडोरेटा, और ये अफ्रीकन हॉर्नबिल को लेप्सोडोंटा बोलते हैं, एलिहेप्स एलिफेंटस को एशियन एलिफेंट बोलते हैं। तो ये हो गया थोड़ा सा वर्टिब्रेट का। फिर इसी तरीके से इसमें जो क्या नाम है उसका कि हॉर्स का यूरोस्की पीरियड देखते हैं। हॉर्स का इवोल्यूशनरी पीरियड जो है इपीहोकस जो है आर्थोहोकस ईयोसीन में था, इयोहिपस और आर्थोहिपस ईयोसीन में बना था, और इसका रिसेंटली इक्यूअस है, EQUS, और उससे पहले EQUS जो प्लेस्टोसेन और रिसेंट में मिलता है। तो इसमें दो याद रखना शुरू किए, इयोहिपस और इयोहिपस एंड ओरोहिपस, इयोहिपस ओरोहिपस, मेसोहिप्पस है इसका, मायोहिप्पस है, और फिर पैराहिप्पस, मार्सीहिप्पस, तो इयो इयोहिप्पस है, और जो लास्ट में जो रिसेंटली जो बना है यहाँ पे जो है इक्यूएस, इक्यूएस याद रखना ठीक है। इक्यूएस जैसे इसमें पीजीबी है और लास्ट में लेबरल वो है। एक सीक्वेंस पूछ सकता है कभी गेट में कि एवोल्यूशनरी पीरियड को दिखाइए, तो ये ईयोसीन से ओलिगोसीन गया, फिर मायोसीन गया, प्लियोसीन गया, प्लेस्टोसीन गया, तो ईयोसीन में जो सबसे पहले था ईयोहिप्पस था, फिर ओरियोहिप्पस, फिर मेसोहिप्पस, तो ईयो एलो मेसोहिप्पस याद रखना, और प्लियोहिप्पस इक्वेस, और ये इक्वेस इक्वेस जो है सबसे लास्ट का है, और उसके बाद प्लियोस है, प्लियोहिप्पस है ठीक है। तो ये इसको आई होप ये पूरा प्लेटोलॉजी का काफी पोर्शन मैंने कवर कर लिया है। इसको एग्जाम से पहले एक बार देख जाना, काफी कुछ आएगा भी इसमें से और तैयार भी हो जाएगा, और फिर अपने से भी पढ़ो कुछ बुक से भी तो काफी फायदा होगा। और एक ही जगह पूरी माइक्रो पैलियोबॉटनी, पैलियो बॉटनी और वर्टिब्रेट पैलियोटोलॉजी एंड वर्टिब्रेट सबके बारे में मैंने कवर करने की कोशिश की है। आई होप दिस लेक्चर वीडियो वेरी यूजफुल फॉर टू ऑल गेट एंड नेट एंड जीएसआई एस्पिरेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू आर न्यू ऑन दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अदर, ताकि वो लोग भी इसका फायदा उठा सके। थैंक यू सो मच।